Okay, so this is a master session on clinical short cases, and we have Dr. Nirita Shahid, जिन्होंने 8 नवंबर को अपना एग्जाम अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह पास किया है, और हमारे साथ डॉक्टर निदा फात हिना शाहिद और डॉक्टर नरगिस हैं, जिनका अनफॉर्चुनेटली रह गया, लेकिन वी आर होपफुल शी विल डू इट सूनर. गुड लक नरगिस. सो चलें, इससे पहले आप दोनों की कन्वर्सेशन हो, हम सुने, मैं थोड़ा सा एक यू नो आई विल टेक फ्यू मिनट्स के मैं आपको बता सकूं कि ये हुआ क्या था आप लोगों के साथ, कि एकदम से रोल प्लेयर की बजाय पेशेंट आके, और जो पास हो गए उन्होंने क्या मैजिक किया, और जो फेल हो गए उनसे क्या ब्लंडर हुआ, या अनफॉर्चुनेट थिंग्स हो गई जो, क्योंकि दे वर नॉट प्रिपेयर्ड. ठीक है, सो शुड वी स्टार्ट, रेडी? यस मैम. ओके, पीपल स्टिल ज्वाइनिंग अस, अगर किसी को कोई मसला हो तो चैट बॉक्स में डॉक्टर तैयबा होंगी, डॉक्टर निदा शाहिद हैं, डॉक्टर अरूज नवीद हैं, दे विल हेल्प देम हाउ टू यू नो फिक्स द इश्यूज. ओके, कुछ अनाउंसमेंट भी हैं आप लोगों के लिए इस कोर्स में, जिनको इंटरेस्ट हो वो फिर सुन लीजिएगा. मैम आपका कोर्स कब शुरू हो रहा है? कोर्स के बारे में ही अनाउंसमेंट है, लेकिन एंड पे है यार. एक्चुअली आई जस्ट वांट टू डिस्कस करेंटली के क्लिनिकल केसेस में क्या करना है. कोर्स के इंट्रोडक्शन में करवा दूंगी, ठीक है, नॉट अ बिग डील. वो तो वैसे ही आप लोगों को जो है मिली जाएगी इन्फॉर्मेशन ऑन मेड होम वेरियस फेसबुक चैनल एंड ग्रुप्स. ओके, यस, तो आप में से काफी लोगों ने बोला कि उनको मिला नहीं था ये रिकैप सेशन का लिंक, तो मैं वो ग्रुप में भेज रही हूँ. ठीक है, ये मैंने भेज दिया है. ये YouTube का लिंक है, इसमें ये जो सामने आपको पीपीटी नजर आ रही है ना, इस पर लिखा हुआ है FCPS नवंबर टॉक्स एग्जाम रिकैप 7-11 नवंबर. इसके बारे में जो है डिटेल्स हैं कि 7 नवंबर को एग्जाम में क्या आया था, डिफरेंट स्टेशन पे सेंटर्स पे क्या हुआ था, 8 नवंबर को क्या आया था, 11 को टिल 11. और ये भी आप नोटिस करेंगे व्हेन यू विल बी लिसनिंग दिस सेशन. लिंक्स मिल गए आप सबको, चैट बॉक्स में देखें. यस मैम. ओके, तो इसको सेव कर लो, ये सबसे अच्छा गिफ्ट है आपके लिए आज का. अच्छा, वैसे बहुत सारी और भी गिफ्ट है मेमोरीज, तो इसमें फिर आपको ये डिटेल मिल जाएंगे. ठीक है, मैंने जो स्टेशंस थे 7th नवंबर के वो प्रॉपर डिस्कस किए हैं इसी लिंक में. ठीक है, और आज डॉक्टर हिना है जिन्होंने ये पास किया है, उनके उनका एग्जाम 8th को था, तो हाँ ये भी हमने फुली डिस्कस किए हैं, लेकिन आज वो क्लिनिकल केसेस आपको करवाएंगी. तो ये स्टेशंस थे, और 9 नवंबर के स्टेशंस जो थे वो ये थे डिटेल्स में. ठीक है, मजीद रिफाइन करके मैं भेजूंगी कि इनमें से स्ट्रक्चर डिस्कशन वाले कौन से थे, और लाइक क्लिनिकल शॉर्ट केसेस कौन से थे, ड्रिल्स कौन सी थी, विद रोल प्लेयर कौन से थे, ऑडिट वाले ऑडिट एक्स्ट्रा वाले कौन से थे. ठीक है, बट ये थोड़ा सा आप देख लें कि ये 10 नवंबर के स्टेशन हैं, और दी स्टेशन जो थे दे वर कम ऑन 11th नवंबर. ठीक है, इनकी फाइन डिटेल्स ऑब्वियसली ये जो लिंक आपको मिला है चैट बॉक्स में सबको, इसमें फाइन डिटेल है हर हर केस की. लाइक यू विल सी के जो ओब्स के क्लिनिकल केसेस थे वो डिफरेंट थे, मतलब एग्जाम होएवर 7th नवंबर को हुआ है कराची में, इस्लामाबाद में और लाहौर में, 3 सेंटर्स पे हुआ है, लेकिन वो जो पेशेंट थे दे वर डिफरेंट, उनकी प्रेजेंटेशन डिफरेंट थी. ठीक है, तो ये चीज नई हुई है, इससे पहले नहीं हुई थी. तो
इसलिए यू विल नोटिस कि जो कैंडिडेट्स कह रहे हैं हम, मैंने इस पेशेंट को देखा है और आपको मैं देख रही थी कि मैनी वर सेइंग कि नहीं ये हमारा तो ये केस था, तो इसकी वजह ये थी कि जो एग्जामिनर के साथ स्टेशन थे जिसपे आपने पेशेंट के साथ इंटरेक्ट करना था और फिर वाइवा देना था दूसरे स्टेशन पे, इस किस्म के जो केसेस थे दे वर डिफरेंट, किसी को मैस एब्डोमेन मिला है, किसी को फाइब्रॉइड मिला है, ऐसा हुआ है, ठीक है। तो परेशानी की कोई बात नहीं है, अभी आपके साथ होगा ऐसे भी नेक्स्ट आपकी अटेम्प्ट में भी होगा, तो ये फिर आपकी लक भी है कि आपका जो क्लिनिकल शॉर्ट केस है वो पेशेंट कैसा है और वो एग्जामिनर कैसा है, ठीक है। अभी इसमें थोड़ी सी फिर दोबारा लक आ गई जैसे लॉन्ग केस में थी, और अब ये भी होगा कि ये जो क्लिनिकल केसेस हैं, लेट्स सपोज ये हम देख रहे हैं कोई 14 स्टेशंस 11th नवंबर के हमें समझ आ रहे हैं, तो इसमें से आप देखें कि जो एनीमिया का था वो क्लिनिकल था, और ये जो आरएम पोस्ट मेनोपॉजल मैस के साथ पेशेंट आई थी ये भी क्लिनिकल था, और ये जो बाकी सारे थे रिमेनिंग 12 स्टेशंस दे वर लाइक स्ट्रक्चर डिस्कशन था, ड्रिल्स वगैरह थी, ऐसा ही था। कोई है 11 नवंबर से हमारे साथ? कोई भी नहीं है 11 नवंबर को? 100 की क्लास है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं बता दूंगी। तो अच्छा, इसमें जो क्लिनिकल केसेस है ना इनकी वेटेज बहुत ज्यादा है, इसमें जो पास है ना तो फिर देख रहे हैं कि वो बाकी केसेस में पास है या नहीं। तो अब ये समझ ले 12 स्टेशंस एक तरफ और 2 स्टेशंस एक तरफ, मतलब आपने 12 स्टेशंस में भी पास होना है और आपने 2 स्टेशंस में भी पास होना है। आप मेरी बात समझ रही हैं सब? मैम ये तो बिल्कुल लॉन्ग केस वाला सिस्टम हो गया जैसे पहले होता था। बस वो ही कान को जैसे मर्जी खेचो मैम, लेकिन इन्होंने ऐसे कहा तो नहीं था। ये 2 स्टेशन नहीं बनते ना, ये 4 बनते हैं, ये लिंक स्टेशन है जो जो भी क्लिनिकल बने। आई गॉट, हां ये 4 है, तो फिर पीछे कितने बच गए? तो मैडम पीछे फिर रहते हैं, हां जी। तो मैडम वो 4 की आप देखिए ना कि 4 की वेटेज वैसे ही ज्यादा हो जाती है, ओवरऑल उसको पास करेंगे तो ही पास कर पाएंगे ना, तो मतलब टोटल 4 बना के इतनी वेटेज है। अदरवाइज वो बता रहे थे कि ऐसा नहीं है कि अगर इनमें जो फेल है बाकियों में अगर पास है तो उसको फेल कर देंगे, ऐसा नहीं है। मेरी बात सुनो, मैं ज्यादा उन्होंने कहा था, देखें ये सारी गुफ्तगू हो चुकी है, मैं ये बता रही हूँ प्रोबेबिलिटी ये है जो अब जो एग्जाम होगा उसमें क्लिनिकल केसेस को मे बी वो मैंडेटरी कर दें, मे बी, ठीक है। और अगर वो ऐसा करते हैं तो ये आपके लिए बड़ा जरूरी है, आप कंपनसेट नहीं होंगे, तो 4 स्टेशंस कंपनसेट वैसे भी नहीं होते जी मैडम, नहीं होते, तो ये तो फिर इंटेग्रल पार्ट बन जाएंगे। बाकी स्टेशंस में पास फेल होना मसला नहीं है, उसमें आपकी स्कोरिंग का मसला है, 5 हो गए 6 हो गए, लेकिन जब आप क्लिनिकल केसेस को पास ऐड करते हो या तो वो पास होता है या फिर वो फेल होता है, जी जी, तो असेसमेंट पे फर्क पड़ता है। तो ये इतनी भी सिमिलर चीज नहीं है कि बाय एनी मीन यू हैव टू पास 4 स्टेशंस, ठीक है। चलें अब देखेंगे तो प्रोबेबिलिटीज हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन हमने तो अपना बेस्ट वे में तैयार करना है ना, हमने तो ऐसे इस तरह से तैयारी करनी है कि कोई भी अनफॉर्सीन या अनफॉर्चुनेट कोई भी इवेंट होता है ना वी विल बी प्रिपेयर्ड। ऐसा मत हो कि जैसा अब हुआ है, एग्जाम वाले दिन पता चला है कि भाई पेशेंट है ना, तो अब ऑब्वियसली जो सेशन है वो ज्यादा डेडिकेटेड है उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी एग्जाम देना रिसेंटली इन अ मंथ, जो एमसीपीएस के हैं या जो फेल हो गए अनफॉर्चुनेटली, तो आप लोग ऐसे लोग हैं कि आपने कोई रिस्क नहीं लेना, आपने तैयारी बिल्कुल टाइट होके करनी है, रिलैक्स होके नहीं करनी है, अच्छी बातें सोच के कि भाई सब आपके साथ अच्छा ही होगा, यू नो थिंक लाइक दैट कि मेरे साथ ही सबसे टफ वाइवा होगा और मैंने टफेस्ट सर्कमस्टांसेस में अपना बेस्ट देना है, ठीक है। चले तो मैम फिर इस दफा अब जो लाइक मैंने एक लॉन्ग केस दिया था, मैंने जो फर्स्ट बल्कि आज के दिन ही था मेरा पहला, पिछला दौर 25th को ही था, एक साल पहले, और उसके बाद मैंने जो सेकंड जो फर्स्ट टॉप हुआ वो मैंने दिया, और पिछले वाला मेरा अभी जी नवंबर वाला मैंने स्किप कर दिया था, फॉर सम रीजन मेरा मुझे डेंगू हो गया तो नहीं दे सकी, बहरहाल वो भी एक ब्लेसिंग इन डिसगाइज ही हो गया एक किस्म का। तो मैम ये अब ये बताएं कि अब हमें लॉन्ग केस के लिए जैसे, क्योंकि मैंने आपका फर्स्ट कोर्स वही लिया था ना लॉन्ग केस वाला, तो उसी पैटर्न पे फिर पढ़ना पड़ेगा लाइक जो हम पहले लॉन्ग केस के लिए बुक्स वगैरह या जो इतना डिटेल में पढ़ते थे,
डिटेल में तो शायद मैं ये कहूँ कि अगर आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि कितना ज्यादा पढ़ना पड़ेगा पहले की निस्बत या आपके निस्बत, तो अब की निस्बत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा पहले की निस्बत से. एक तो ये कि ये जो आर्डर्स टाइप और डिफिकल्ट से बायोस्टैट के स्टेशन आ रहे हैं ना, ये आपके दौर में इतने डिफिकल्ट नहीं होते थे, अब वो अनप्रिडिक्टेबल भी आ रहे हैं. टाइम टेकिंग है, इस पर वर्क करना पड़ेगा, इस पर टाइम देना पड़ेगा, इस पर ड्रिल करनी पड़ेगी. और दूसरा और ये कि एमआरसीओजी का भी जो एमआरसीओजी बुक्स है उनका भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा, क्योंकि सेकंड जो हुआ पिछली दफा तो सारा उन्होंने डिटो. अच्छा वैसे मैं तुम्हें एक बात बताऊं यार, सिलेबस तो सेम है, वही स्टेशंस तुम एमआरसीओजी की टॉप बुक्स में देखोगे, वही जहां भी जितने भी मेंटर्स कोर्स ले रहे हैं उसमें भी देखोगे, या जितना लॉन्ग केसेस की शॉर्ट केसेस की बुक्स अवेलेबल है उनमें भी देखोगे. मुझे किसी एक स्टेशन का नाम बताओ और कहो कि ये इस एमआरसीओजी बुक में, या तो मैं आपको बताती हूँ कि कौन सी और शॉर्ट केसेस और लॉन्ग केसेस की बुक में नहीं है. भाई सिलेबस सेम है, लॉस्ट आईयूसीडी मैथ्स एब्डोमिन एचएमबी तो सभी सारी जगह ही है. तो इन चीजों को तो भूल जाएं. हमने क्या करना है, हमने अपना कोर्स फुल्ली प्रिपेयर्ड करना है बाय एनी मीन, ठीक है, और बाय ऑल मीन्स एंड इन ऑलवेज. मतलब ऑलवेज से मेरा ये है कि लाइक शॉर्ट केस भी, लाइक स्ट्रक्चर डिस्कशन भी, लाइक ड्रिल भी, ठीक है. तो ये जो अब आपके पास स्पेसिफिकली आई एम स्पीकिंग टू माय एफसीपीएस कैंडिडेट्स, ये जो आपके पास लकीली अब टाइम है 60 डेज का या 90 डेज का, इसको बहुत बेहतरीन अंदाज में करना है. एंड यू कैन डू दिस, बिलीव मी. मैंने जितने भी स्कोर्स देखे हैं 58 है या 55 है, 60 पे पास होना था तो कितना आगे जाना है, 4-5 मिनट्स. और आप लोग वो लोग जो ऑलरेडी 70% करके आए हो, थ्योरी पास. मैं मेरे 59 आए हैं. ये तो मिस है. ये अल्लाह की तरफ से आपके लिए कुछ हीरो स्पेशल है, बिलीव मी. मैं मेरे पिछली दफा 59 आए थे. चलो मैं तुम्हें फिर इतनी कहानियां सुनाऊं 59 की जो आज पता नहीं किधर है. नो वरीज, ठीक है. ये चीजें अल्लाह की तरफ से मैं कहती हूँ, ब्लेसिंग एंड एक्सक्यूज होती हैं. नमाज की ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है, 5 मिनट की होगी. ओके, तो आई एम टॉकिंग अबाउट क्लिनिकल केसेस. क्लिनिकल केसेस वो होते हैं जिसमें आप होते हैं रोल प्लेयर या पेशेंट होता है, बल्कि अब तो मैं कहूंगी पेशेंट होता है और एग्जामिनर होता है, ठीक है. अब ऑनवर्ड नवंबर एफसीपीएस या एमसीपीएस या कमिंग जो मार्च या अप्रैल में एफसीपीएस का एग्जाम होना है या एमसीपीएस का होना है, उसमें क्या होगा, जो अभी तक इंफॉर्मेशन है कि आपके 2 स्टेशंस होंगे जो कि लिंक्ड स्टेशंस होंगे, मिलजुल के ये 4 स्टेशंस बना देंगे, दे विल बी क्लिनिकल. इसमें आपने पेशेंट से इंटरेक्ट करना है. आप मुझे सुन रहे हैं सब? जी मैडम. ओके, तो ये रोल प्लेयर की बजाय अगर मैं ये कहूँ कि आपने पेशेंट से इंटरेक्ट करना है इसमें, रियल पेशेंट से. जहां पेशेंट ना हुआ तो वो भी रोल प्लेयर ले आएंगे, लेकिन यूजली वो रखेंगे पेशेंट ताकि रियल आपको देख सकें, पेशेंट के साथ इंटरेक्शन. और इसी चीज पे ना ऑब्जेक्शन हुआ था पिछली जो इनकी मीटिंग हुई थी सीपीएसपी के बोर्ड की, कि जो जिन कैंडिडेट्स को हम पास कर रहे हैं हमें कैसे पता चलेगा कि वो एक्चुअली कैसे हैं पेशेंट के साथ, क्योंकि जाना तो उन्होंने पेशेंट के साथ दिया कंसल्टेंट बन के. तो देन दे डिसाइडेड ऑब्वियसली एट द 11th आवर दे डिसाइडेड डे ऑफ एग्जाम पे कि हम भाई रोल प्लेयर नहीं रखेंगे, रियल पेशेंट रखेंगे, ठीक है. तो चलिए रियल पेशेंट आ जाते हैं, रोल प्लेयर नहीं आता. तो जो आपका फॉर्मेट है जिसपे आप ट्रेंड हुए हो कि हमने हिस्ट्री पूछनी है, उसको सेम रखें प्लीज, उसको सेम ही रखें. डू नॉट चेंज कि भाई अब देखें आपने चाहे रोल प्लेयर था चाहे था वो पेशेंट, आपने तो इंट्रोडक्शन मांगना ही था ना, कंफर्म करना ही था ना किससे बोल रहे हो, क्या एज है, क्या पैरिटी है, क्या एलएमपी है, मैरिड है नहीं है, कहाँ से आई है. तो वो चीजें सेम रखें. और वो आएगी भी ना किसी मसले के साथ तो मसला तो निकलवाना है, वरना फिर पूछोगे क्या. इसको भी सेम रखें. और ये प्रॉब्लम यहाँ हमारे पेशेंट के साथ ये प्रॉब्लम है, और ये जिस पे रोल प्लेयर या एमआरसीओजी वाले कहते हैं उसमें प्रॉब्लम ये है डायरेक्ट क्वेश्चनिंग का और लीडिंग क्वेश्चनिंग का. हमारे पेशेंट्स इतने कोऑपरेटिव नहीं होते, इतना अंडरस्टैंड नहीं करते कि वो अच्छे से समझा सकें कि वो किस लिए आए हैं, ठीक है. तो हमें थोड़े ज्यादा करने पड़ते हैं लीडिंग क्वेश्चंस, जबकि आरसीओजी के एग्जाम में ऐसा नहीं कर सकते. आपको गैप्स फिल करने के लिए लीडिंग क्वेश्चन करने पड़ते हैं जहां कोऑपरेशन नहीं हो रही होती विद रोल प्लेयर, बट यहाँ
आपने जरूर पूछना है मरीज से कि वो किस मसले के साथ आया, एक या दो दफा, ठीक है, जो मसला वो बताता है, तो वेल एंड गुड, उसी से लीड करें पूरा अपना हिस्ट्री। और अगर वो नहीं बताता तो देन यू हैव टू आस्क लीडिंग क्वेश्चन। ये थोड़ा सा डिफरेंस है रोल प्लेयर में और एक्चुअल पेशेंट में, ठीक है। तो यस, अपकमिंग जो पैटर्न है इसमें आपके पास ज्यादा लिबर्टी है, आप इसमें लीडिंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लाइक वो कहेगी मुझे दर्द है, तो आप उसे कहेंगे दर्द के बारे में और बताओ, तो क्वाइट पॉसिबल है वो चुप करके बैठी रहे, उसे समझाना ही नहीं आएगा कि दर्द की नेचर क्या है, बजाय इसके कि बता दे कि इधर है हाथ रख के और ज्यादा है। लेकिन कैरेक्टर, नेचर, एसोसिएशन वो नहीं बता पाएगी जैसा कि कोई रोल प्लेयर बता सकता है या कोई एजुकेटेड बंदा बता सकता है। तो यहाँ आपने लीडिंग क्वेश्चन करने हैं कि अच्छा चलो बताओ, जो भी आपने पेन के फीचर्स पूछने होते हैं, ऑनसेट, ड्यूरेशन, सेवेरिटी, कैरेक्टर, एसोसिएशन, ठीक है। तो एक मेन डिफरेंस ये है। बाकी जो मेरे कैंडिडेट्स हैं उनको मैंने ट्रेन किया हिस्ट्री के ना तीन स्टेप्स के साथ। पहले स्टेप पे वो पूछते हैं डीडी को या चीफ कंप्लेंट को, और इस अंदाज से पूछते हैं कि एक्सक्लूड कर सके बहुत सारे डीडीज में से एक पॉसिबल काज, ठीक है। यहाँ वो चुप हो जाते हैं। और दूसरे स्टेप पे वो जो फॉर्मल हिस्ट्री होती है कि इस पेशेंट की, लाइक अगर है भी ओब्स का पेशेंट तो पिछली ओब्स की हिस्ट्री क्या थी, दाइनी की हिस्ट्री क्या थी, मेडिकल सर्जिकल हिस्ट्री क्या है, ड्रग्स हिस्ट्री, अब्यूज की हिस्ट्री, रिएक्शन, एलर्जीज की हिस्ट्री, सोशल हिस्ट्री, इसमें एजुकेशन, प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, डिप्रेशन, वायलेंस के हिंट्स मिल जाते हैं, ठीक है। रोल प्लेयर हो तो यस वी कैन आस्क शी नो अबाउट आर बी एम आई, नहीं अगर आम पेशेंट है तो वो नहीं बता सकता, आपको खुद भी नहीं पता अपना बी एम आई, आई कैन गारंटी यू आपको खुद भी नहीं पता आपने कब पैप स्मेयर कराया था। तो यहाँ वेन यू आर इंटरेक्टिंग विद रियल पेशेंट तो बी एम आई का पूछना, पैप स्मेयर के बारे में पूछना, मतलब इतना सिग्निफिकेंट नहीं है। इस सेंस में ही नहीं कि सिग्निफिकेंट नहीं है कि और इसकी इम्प्लीकेशन नहीं है मैनेजमेंट पे, लेकिन अगर उसको नहीं पता इस चीज का तो कोई बात नहीं, आप एग्जामिन करेंगे, आप निकाल लें बी एम आई, ठीक है, कंफर्म कर लें ब्लड ग्रुप, उसको नहीं पता चेक करवा लें, अगर पता भी है तब भी कंफर्म कर लें। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है ये वाली बात है, बट फॉर्मल हिस्ट्री कंपोनेंट्स वही रखें। और थर्ड स्टेप पे जो आपने चीफ कंप्लेंट की डायसेक्शन की थी टेम्पलेट के थ्रू, और उस चीफ कंप्लेंट से मिलते जुलते जितने डिफरेंशियल्स काजेस थे एक्सक्लूड करके, लेट्स सपोज आपको लगता है अगर मैं बात करूँ इनफर्टिलिटी की, इनफर्टिलिटी की आपने हिस्ट्री ली है और मेल फैक्टर एक्ट और फीमेल फैक्टर को एक्सक्लूड करके आप इस नतीजे पे पहुंचे हो कि रीजन जो है वो मेल है, तो यहाँ तो आपको पता चल गया ना कि मेल रीजन है, यू नो, क्योंकि फीमेल में अपेरेंटली एवरीथिंग इज ओके, तो आप इसको कर लें, गोला मार लें, ठीक है। और मेल फैक्टर की फर्दर इसमें आपने फिर हिस्ट्री ले लेनी है कि प्री टेस्टिकुलर काज है, टेस्टिकुलर काज है या पोस्ट टेस्टिकुलर काज है, ठीक है। और जब आपको लगता है कि ये रीजन जो है, इफ यू थिंक सो कि प्री टेस्टिकुलर है, ठीक है, या आपको लगता है कि पोस्ट टेस्टिकुलर है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन हुई है, तो इस तरह रिलेवेंट क्वेश्चन कर लें कि क्यों हुई है, ठीक है। वेल एंड गुड अगर पेशेंट को पता है, या फिर यहाँ छोड़ दें और आप कहेंगे आई वुड लाइक टू आस्क फर्दर क्वेश्चन फ्रॉम हस्बैंड व्हेन ही विल बी अवेलेबल, और ये मेरी चीजें हैं। खैर छोड़ें अभी इस बात को। तो फर्स्ट स्टेप पे मकसद ये है कि आपने कहानी लेके चलनी है कि आई थी इनफर्टिलिटी से, तो रीजन निकाल ली कि मेल इनफर्टिलिटी और लाइकली यू नो पोस्ट टेस्टिकुलर काज है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है। लाइकली नहीं भी बोलता तो जब ये भी निकाल लो कि मेल फैक्टर है तो इट्स ओके, बाकी इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे रूल आउट हो जाएंगी। और बाकी यहाँ सारी फॉर्मल हिस्ट्री पूछ ली, और थर्ड स्टेप पे आपने पूछना है। अब आपको तो अपना प्रोविजनल फर्स्ट स्टेप पे पता चल ही गया है ना, पहला उस रिलेटेड आपने डिस्कस करना है पेशेंट से कि ये पॉसिबल काजेज हैं, अब इसके कंसर्न्स क्या हैं, एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, ठीक है। और आपने बता देना है कि अब हम क्या करेंगे, अगर डायग्नोसिस यू नो कंफर्म है तो लीफलेट दिया जा सकता है, वरना छोड़ दें, बाकी तो फिर कंफर्म करके लीफलेट दोगे, ठीक है। तो जब आपने हिस्ट्री लेनी है विद रियल पेशेंट, और जो लिंक स्टेशन देखने में आए हैं उसमें कमांड जो थी 99% स्टेशन में, वो पहले 12 मिनट में ये थी कि इंटरेक्ट विद पेशेंट, उससे रेलेवेंट हिस्ट्री लेनी है, जर्नल नहीं लेनी, और उसका रेलेवेंट एग्जामिनेशन करना है, जर्नल नहीं करना। क्योंकि बच्चों 12 मिनट में ये पॉसिबल ही नहीं है कि तुम लोग डिटेल हिस्ट्री लो और डिटेल एग्जामिनेशन करो, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो जस्ट आपने पेशेंट से जो चीफ कंप्लेंट है उस पे ही फोकस करना है, मेन 70% फोकस उस पे करना है, 15% बाकी फॉर्मल हिस्ट्री पे, 15% आपने कंसर्न्स एक्सपेक्टेशंस उसकी ऐड कर ली। लेट्स सपोज मरीना चाहती है, स्टेक्टमी चाहती है, फर्टिलिटी चाहती है, इस किस्म की बातें जो यूजुअली होती हैं, राइट। अच्छा, तो और फिर जो आपके 5-6 मिनट हैं आपने उस पेशेंट को एग्जामिन करना है, अगर ये ओब्स का पेशेंट है
तो आपने इसका जो है डिटेल्ड एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करना है और बाकी रेलेवेंट करना है. एनीमिया के तो एनीमिया के फीचर्स देख लिए, थायराइड के है तो थायराइड के फीचर्स देख लिए, डायबिटीज के है तो डायबिटीज के देख लिए, कार्डियक के तो कार्डियक के देख लिए. बट डिटेल्ड एब्डोमिनल एग्जामिनेशन इज अ मस्ट, राइट. और लाइक अगर ये ओवेरियन मैस का है तो मैस एब्डोमिनल एब्डोमन इज अ मस्ट, क्योंकि एग्जामिनेशन ही 70% बताता है कि केस मेलिग्नेंट है या बेनाइन है. हिस्ट्री नहीं बताती, मैस ही चिपकेगा और मूव नहीं करेगा, एसआईटीज आएगी, मेट्स आएंगे, वो क्लिनिकली होता है. तो यहाँ आपने डेडिकेटेड एक उसका एग्जामिनेशन करना है, और ये डेडिकेटेड एग्जामिनेशन बिल्कुल पॉसिबल है 6 मिनट में, और 6 मिनट में बिल्कुल पॉसिबल है कि आप रेलिवेंट हिस्ट्री ले सकते हो, ठीक है. अच्छा, और दूसरे स्टेशन पे दैट विल बी अ लिंक्ड स्टेशन, इस पे एक और एग्जामिनर बैठा है, ठीक है. अब ये आपसे पूछेगा, अच्छा ये आपसे ये पूछ सकता है कि आप अपनी समराइज करें, ये जो आपने हिस्ट्री ली है और ये जो आपने एग्जामिनेशन किया इसकी समरी बता दें, ठीक है. आप बता दें. अब समरी से मुराद ये होता है हर वो पॉजिटिव चीज, जस्ट एक मिनट, समरी से मुराद ये है कि हर वो पॉजिटिव चीज जो हिस्ट्री में थी, हर वो पॉजिटिव चीज जो एग्जामिनेशन में थी, अभी इन्वेस्टिगेशन नहीं मिली, ठीक है, ये एक्सेप्शनल लगा, इन्वेस्टिगेशन मिलने के बाद पूछ रहे हैं, तो हर वो चीज जो एग्जामिन इन्वेस्टिगेशन में थी पॉजिटिव, उसको आपने ऐड करना है 3-4 फिगरों में, ठीक है, गॉट माय पॉइंट. अच्छा, ये जो पहला पहला स्टेशन है इस पे क्लिनिकल शॉर्ट केस में पेशेंट बैठा है, उसकी रेलेवेंट हिस्ट्री ली है, राइट, और रेलेवेंट उसका एग्जामिनेशन किया है, रेलेवेंट स्पेसिफिक ओनली, ठीक है. अच्छा, इसके बाद जो दूसरा स्टेशन है उस पे कहा गया है कि जो पेशेंट आप देख के आए हो ना, इसको समराइज करो. समराइज से मुराद ये है हर वो हिस्ट्री पॉइंट जो पॉजिटिव था, और ये चीजें बायोडाटा से ही पॉजिटिव हो सकती है, मतलब एक पेशेंट का पोस्ट मेनोपॉजल होना या विडो होना, इट इट कैन बी अ पार्ट ऑफ पॉजिटिव फैक्टर व्हेन इट्स अ केस ऑफ प्रोलैप्स, ठीक है. अच्छा, तो और हर वो चीज जो एग्जामिनेशन से पॉजिटिव थे, एनीमिक लगी, थायरॉइड रिफ्लेक्सिस जो है वो ब्रिस्क लगे, फंडल हाइट छोटी लगी, एडिमा सवेयर लगा, थायराइड मिल गया, एवरीथिंग विच लुक्स पॉजिटिव, या स्कार है कोई, दैट इज यू नो पार्ट ऑफ समथिंग, ठीक है. लेट सपोज अगर एग्जाम इन्वेस्टिगेशन भी आपको दी गई है, इन्वेस्टिगेशन में आपको बताया गया है कि ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ समरी, आपको बताया गया HbA1c है, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ समरी, ठीक है. तो सिर्फ पॉजिटिव चीजें आपने समरी में ऐड करनी है. नो वरीज, समरी की ड्रिल्स हमारे ग्रुप्स में होंगी, वेदर यू आर ज्वाइनिंग अस एंड नॉट, वी विल डू देम इन आर फ्री ग्रुप जिसका नाम है ABC ग्रुप, टेलीग्राम पे भी और व्हाट्सएप पे भी है, तो समरी में तो आप मास्टर हो जाएंगे, बिल्कुल, नो वरीज. अब आपने समरी बना दी, तो दूसरा क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछना ही पूछना कि ऑन द बेस ऑफ योर हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन आपके DDs क्या हैं, और ये जो DDs का ऑर्डर है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. DDs का ऑर्डर वही होना चाहिए जो कि आपका था जब आपने फर्स्ट स्टेप पे पहला प्रोविजनल बनाया था अपना, वही पहले नंबर पे होगा. एग्जामिनर में आस्क वाई, आप बताएं ये मेरी जस्टिफिकेशन है, हिस्ट्री पे ये पॉजिटिव चीजें हैं और एग्जामिनेशन पे ये पॉजिटिव चीजें हैं, सो दैट्स व्हाई दिस इज माय फर्स्ट DD. और सेकंड DD क्या है, फिर आप बताएं कि सेकंड DD जो है मेरा इसलिए है कि हिस्ट्री पे ये चीज पॉजिटिव है, एग्जामिनेशन पे ये चीज पॉजिटिव है, तो दैट्स व्हाई दिस इज माय क्लिनिकल DD. मेक श्योर इन्वेस्टिगेशन नहीं मिली तो दैट्स व्हाई इट इज क्लिनिकल DD, इन्वेस्टिगेशन होगी तो डायग्नोज हो गया, तो 90% आपको इन्वेस्टिगेशन नहीं मिलेंगी अगर ये क्लिनिकल शॉर्ट केस है, और आपसे क्लिनिकल DD पे ही डिस्कशन होगी, हिस्ट्री बेस्ड DD एंड एग्जामिनेशन बेस्ड DD, ठीक है. आपका मे भी हिस्ट्री में जो आपका DD बन रहा हो, एग्जामिनेशन के बाद जो पहला DD बन रहा हो, एग्जामिनेशन के बाद वो दूसरा बन जाए, लाइक HMB का केस है, मैस एब्डोमेन है, आपको लगा ये फाइब्रॉइड है, एग्जामिनेशन किया तो सॉफ्ट है, टेंडर है, बल्कि है, तो मे भी एडिनो हो जाए. तो जो भी फाइनल DD है, हिस्ट्री और एग्जामिनेशन को कंबाइन करके, दैट शुड बी योर प्रोविजनल DD, आपसे वाइवा इसी पे ही होगा. लेकिन डू नॉट फॉरगेट कि आपने 3 DDs तो मस्ट बनानी है, स्पेसिफिकली गाइनी में, स्पेसिफिकली एनीमिया इन प्रेगनेंसी में, डायबिटीज इन प्रेगनेंसी में, IUGR इन प्रेगनेंसी में, क्योंकि इनमें भी DDs बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये क्रॉनिक डायबिटीज है, ये जेस्टेशनल है, या ये IUGR पैथोलॉजिकल है या कॉन्स्टिट्यूशनल है, राइट. तो कुछ 50% केसेज में DDs की इंपॉर्टेंट है, और गाइनी में तो 100% है DDs, ठीक है.
अच्छा, इसके बाद एग्जामिनर ने आपसे थर्ड क्वेश्चन करना है कि आपका फर्स्ट ग्रेडी जो है उसको मैनेज करें, इस पेशेंट में मैनेज करें, थायराइड इन प्रेगनेंसी सबका मैनेज नहीं करना, इनफर्टिल मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी सबका नहीं करना, इस पेशेंट में निकला है प्री टेस्टिकुलर इसका मैनेज करना, मैनेजमेंट के लिए ऑब्वियसली यू नीड इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन लिस्ट स्पेसिफिक लेनी है, डू नॉट आस्क जर्नल, क्योंकि 11 मिनट में पॉसिबल ही नहीं है इतनी सब चीजें, आप डेडी जस्टिफाई कर दें, समराइज कर दें और स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन को जस्टिफाई कर दें, बड़ी बात है ये, 8-9 मिनट में यही होगा, और आखिरी के 2-3 मिनट में आपने उसकी एक स्टेट फॉरवर्ड मैनेजमेंट बतानी है, ठीक है। तो ये आपका एक क्लिनिकल शॉर्ट केस है। अब इस ये दिखने में तो ईजी है, लेकिन ये आपने कम अज कम काफी दफा प्रैक्टिस करना है, देन यू विल मास्टर ऑन दिस, अदरवाइज तो आपको पेशेंट से इंटरेक्ट करना नहीं आएगा, अदरवाइज तो आपको समरी सुनाना नहीं आएगी जब तक आपने इस पर ड्रिल नहीं की होगी, ठीक है। हर कैंडिडेट, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, हर कैंडिडेट अगर क्लिनिकल शॉर्ट केसेस 30 अपने लिख लेना, मैं ये भी करी बोल ले, मैं करी लिख लेना, वो इनमें फेल नहीं हो सकता। अगर किसी ने लिख ली है मुझे वो भेज दे और कह दे कि मैडम ये मेरा स्कोर है, मैं फेल हो गया, तो आप बताएं, तो आई विल पे हिज हर फी, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है 30 क्लिनिकल केसेस लिखने हैं, इसमें गाइनी भी है, इसमें ओब्स भी है, एंड आई विल टेल यू कि वो 30 केसेस कौन से हैं, ठीक है, एंड हाउ यू शुड राइट, आई विल गिव सम डेमो स्टेशंस या केसेस की मैं अपने आपको शेयर करूंगी, आपको पता होगा फिर लिखना कैसे है इनको, फिर आपके लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो दैट वॉज अबाउट क्लिनिकल शॉर्ट केसेस जो अब आपके लिए मे बी मैंडेटरी हो जाए, ठीक है। बाकी जो 10 स्टेशन बचे हैं ना, उनमें तो मैं मुझे लगता है कि आपको ना इतना जरूरत भी नहीं है हेल्प की, MBA कर दो, स्टीलाइजेशन बता दो, रट्टा ये तो जितना आपने करना है, ठीक है। और ऑनलाइन जो जितना भी कोर्सेज हैं वो ड्रिल्स में आपको इतना बेनिफिट दे भी नहीं सकते जितना बेनिफिट वो आपको क्लिनिकल केसेस में दे सकते हैं। हाउएवर हम ड्रिल्स भी जो है इस दैट वे करेंगे, वी विल मेक देम अ टीचिंग स्टेशन जिसमें आपका टीचिंग भी आए तो कवर हो, ड्रिल जिसको टीचिंग आती है उसको भी ड्रिल भी आता है, ठीक है। तो वी विल सी दिस। और दूसरी बात ये कि अबाउट कोर्सेज जो आप पूछ रहे थे, तो जस्ट एक मिनट में बता दूं, मैं देख रही थी काफी कि कोई भी कोर्स जो है कौन से कोर्सेज बेस्ट हो सकते हैं, एक अच्छा जो कि कोर्स होता है जो कि एक वाकई ही कैंडिडेट को बेनिफिट दे सकता है इन रियल सेंस, उसमें क्या होना चाहिए। अच्छा आप बताएं क्या होना चाहिए, मैंने तो लिख दिया है, आप लोगों के दिल में क्या ख्वाहिश है कि ऐसा कोई बेस्ट कोर्स हो कि हमारी जिंदगी का मसला हल हो जाए, हमें वाकई ट्रू हेल्प मिले, हु विल यू नो से अबाउट हिज हार्ट, आदिला, सायरा, सना, जुनेद जी, तैबा, क्या होता है एक बेस्ट कोर्स। चलिए मैं बताती हूँ जो मुझे लगा है अब आज के FCPS नवंबर के एग्जाम के बाद से कि बेस्ट कोर्स क्या होता है। मुझे लगता है कि इंडिविजुअल असेसमेंट मस्ट है, और इसके लिए मैंने जो मेरे कैंडिडेट्स जो मुझे अपने पिछले सारे सेशन में बेस्ट लगे हैं मैंने उनको ऐड कर लिया है, ठीक है, दे विल हेल्प यू इंडिविजुअली। अच्छा दूसरी बात ये कि जो प्रीवियस एग्जाम स्टेशन हैं वो आपको फुली कवर्ड होने चाहिए, बिल्कुल। अगर मैं अभी बात करूँ जुलाई FCPS के, अगस्त MCPS के और नवंबर FCPS के स्टेशन की, तो ये तो बनते हैं टोटल जो स्टेशन हैं ये बनते ही कोई 126 स्टेशन हैं, इतने तो टॉपिक्स भी नहीं है इतने तो गायनी होप्स के पूरे टॉपिक्स नहीं है। तो करना क्या है, साफ चीजें यू नो पोस्टपोन करें, ये जो जुलाई में, ये जो अगस्त में, अगस्त MCPS की बात करनी हो, और जो अभी नवंबर में आपके एग्जाम हुए हैं, ठीक है, यही आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। अगर यही स्टेशंस आप कर लें द वे दे आर आस्क्ड इन एग्जाम, ठीक है, मैं आपको कहती हूँ आपको जरूरत ही नहीं है किसी MRCOG बुक की, किसी एक्सटेंडेड टॉक्स की बुक की, किसी लॉन्ग केस की बुक की, किसी थ्योरी की, बिलीव मी, टेक माई वर्ड्स, यू डोंट नीड एनी बुक, ये अपने 126 स्टेशंस खुद लिखें, हेल्प करने के लिए हम तैयार हैं, हम अवेलेबल हैं, ये सारे 126 स्टेशंस, ईच एंड एवरी स्टेशन वी विल डिस्कस, एंड वी विल डिस्कस फ्रॉम अ न्यू वे,
ठीक है, जो रिकॉर्डिंग्स हैं उस तरह नहीं, बिल्कुल फ्रेश स्टेशंस होंगे, ताकि इसमें क्लिनिकल पार्ट भी हम ऐड कर सकें जो कि अब भी ऐड हुआ है. अच्छा, मुझे लगता है जो बेस्ट कोर्स होता है ना, उसमें ड्रिल्स अगर हैं भी तो दे शुड बी यू नो फेस टू फेस, ठीक है, वन टू वन लाइव, ठीक है. अब ऑनलाइन केसेस में तो देखो इन पर्सन है नहीं, बट 70% ये पॉसिबल है कि हम इसको रियल एग्जाम पे यू नो परफॉर्म करें और आपके साथ आपको भी लें जूम पे, आपको या शेयर करें, ठीक है, या कोई बेहतरीन क्वालिटी की आपको वीडियोस शेयर की जाएं और फिर जूम पे आप फेस टू फेस उसको हमें टीच करके बता दो. एक बच्चा जो एमवीए टीच कर सकता है ना अपने जूनियर को, वो परफॉर्म भी कर सकता है. टीचिंग बहुत मुश्किल स्टेशन होता है, इसमें हर चीज आनी चाहिए, तो टीच ही वही कर सकता है जिसको ड्रिल करनी है. तो हम ड्रिल्स को टीचिंग पॉन में अपने ऑनलाइन सेशन में कन्वर्ट करेंगे. लेबर और कॉन्ट्रसेप्शन, ये 90% ड्रिल्स इन मॉड्यूल से आती है, हम इनको 100% कवर करेंगे. एक स्टेशन, एक जो अच्छा कोर्स होता है ना, जिसको आप दी बेस्ट कोर्स कह सकते हैं, उसमें आपको कॉन्टिन्यू सपोर्ट और मोटिवेशन चाहिए होती है, रोज कोई ना कोई एक्टिविटी हो. और जो अच्छा कोर्स होता है उसमें आपकी थीरी रिवाइज हो, बट इन अ स्मार्ट वे, स्मार्ट बट येट कॉम्प्रिहेंसिव. ये नहीं कि आप दोबारा से थीरी कोर्सेज ज्वाइन करें और अपनी वो इतने मोटे बड़े थीरी की स्टोरियां और नोट्स पढ़ें, जरूरत नहीं है, वरना फिर आप कैसे क्लिनिकल और इतने सारे टास्क कर सकेंगे, ठीक है. अच्छा, इस पे मैं स्टार लगा रही हूँ. आई विल टेल यू कि व्हाट डज इट मीन बाय सीइंग कि कोई कोर्स ऐसा है थीरी का जो स्मार्ट है और कॉम्प्रिहेंसिव है. आई हैव अ गिफ्ट फॉर यू पीपल. अच्छा, दूसरी बात ये कि यार ये जो मुझे कंप्लेंट है अपने सारे ग्रुप से कि ये जो मेरा स्टडी मटेरियल होता है ना, वो प्रिंट फॉर्म प्रिंटेबल नहीं होता, पीडीएफ में नहीं होता. और मैंने बड़ी कोशिश की है मेरी स्टैंडर्ड टॉक्स की पास पेपर की बुक टाइम पे आ जाए, ना वो जुलाई में टाइम पे आई, ना ही वो नवंबर पे आई, क्योंकि ये जो 126 स्टेशन है ना, इनको यू नो एक वाकई ही उस अंदाज में कैंडिडेट्स तक, रीडर तक पहुंचाना जो कि इनका हक है. मुझे लगता है जब भी मैं इसको पब्लिश कराने की कोशिश करती हूँ, मुझे मैं खुद ही सेटिस्फाई नहीं हो रही होती, तो मैं समझ नहीं आ रही होती. तो मेरे अपने लिए भी ये सोचा है कि जो स्टेशन जो होगा हम कवर कराएंगे अपने कोर्स में, हम उसकी पीडीएफ भी कैंडिडेट को दे देंगे, खुद ही प्रिंट करा लें, ठीक है. बाय दैट टाइम 126 स्टेशन कवर होंगे, बाय दैट टाइम आपने खुद वो प्रिंट किया होगा, आपके पास अपनी बुक खुद ही तैयार हो जाएगी, और हम लोग मैं वो जिस तरह शायद मेरे लिए भी इजी हो के वो मैं फिर उसको बुक फॉर्म में आ जाए, तो वरना तो ये नहीं आ सकती. अच्छा, एक कोर्स ऐसा जो बेस्ट क्लिनिकल कोर्स है या सैंडिटोस्को का कोर्स है, वो है जिसके पढ़ने के बाद ना आपको यू नो कोई और बुक ना पढ़नी पड़े. जो स्टडी मटेरियल हम प्रोवाइड करें उससे आपकी ईच एंड एवरी डिजायर पूरी हो, और वो क्लिनिकल वे में हो, लाइक एनीमिया आया है तो ऐसे भी की रिडीज हो, जस्टिफिकेशन हो, ठीक है, थ्री स्टेप हिस्ट्री लिखे हुए हो, हर इन्वेस्टिगेशन की जस्टिफिकेशन हो, और डिफरेंट केसेस हों कि एनीमिया का है, थैलेसीमिया का है, ठीक है, और लाइक क्रॉनिक एनीमिया का है, और साथ में रिस्क है प्रीटर्म इन्फेक्शन वेराइटी के साथ. इसके लिए आप लोगों को ना एक और भी ऑप्शन होगी. अब मेरे जो अप्रोक्सीमेटली अल्हम्दुलिल्लाह 50 कैंडिडेट्स मेरे करंट कोर्स से पास हुए हैं. अब मुझे कोई कहता मैंने पहले तो आप 40 कह रहे थे, भाई 40 मैंने रफली काउंट किए थे, बट एक्चुअली दे आर 50. और उनके जो फीडबैक्स हैं, जो उनके रिजल्ट्स हैं, दे आर अवेलेबल ऑन फेसबुक ग्रुप, और मे बी आफ्टर दिस सेशन मैं उनको अगेन आपके लिए शेयर करूँ, जस्ट टू मोटिवेट यू कि जब ये 50 लोग कर सकते हैं तो वाई नॉट यू. अच्छा, ये जो 50 लोग हैं, और इनसे पहले भी जो 400 लोग थे जो कि मैडहोम से या मेरे कैंडिडेट्स और पास हुए हैं, इनके पास केसेस, पास क्लिनिकल केसेस, इनकी अपनी आवाज में मेरे पास इनकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है. तो यू विल सी एनीमिया के कोई 15-20 स्टेशन केसेस होंगे क्लिनिकल, जो आप सुन भी सकते हो, जो कराची, लाहौर और इस्लामाबाद के रियल एग्जामिनर ने उनसे पूछे हैं, उनके जो क्वेश्चंस हैं, उनके जो आंसर्स हैं. तो ये एक बड़ी ब्लेसिंग हो जाएगी आप लोगों के लिए, इसको लाइव सुन, मतलब पास कैंडिडेट की अपनी आवाज में सुनना, उनकी एडवाइस भी सुनना और एग्जामिनर के क्वेश्चन सुनना. अब अगर 100 स्टेशन मेरे पास, वैसे अवेलेबल तो 200 है, लेकिन मैंने उनमें से बेस्ट 100 ही चूज किए हैं, 22 स्टोर्स. ये 100 अगर आप देख लेंगे तो 126 तो टोटल गायनी के टॉपिक्स नहीं है, और 100 में आप देखेंगे कि जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस हैं वो एक एग्जामिनर कराची में हो, चाहे लाहौर में हो, चाहे इस्लामाबाद में, उसने वही पूछने होते हैं.
तो आपने वैरायटी ऑफ एग्जामिनर के जो अपने इंडिविजुअल क्वेश्चंस होते हैं ना, उससे भी आपका एक्सपोजर हो जाएगा, ठीक है। फिर है वैरायटी ऑफ डेडिकेटेड मेंटर्स, और स्पेसिफिकली वो मेंटर्स जिन्होंने आप जैसे ही सर्कमस्टेंसेस में पास किया है, जैसे अभी हमें अरूज ने ज्वाइन किया है, डॉक्टर हिना ने ज्वाइन किया, इनकमिंग कोर्सेज दे विल हेल्प यू, डॉक्टर महवेश सफदर हैं, डॉक्टर हुमा है, डॉक्टर तैयबा है एंड डॉक्टर रस्मा है। ये 5 to 6 मेरे पास नेम है जो कि अवेलेबल है टू हेल्प यू पीपल, और ये भी आपके कमिंग कोर्स में आपके साथ होंगे, एंड दे विल गिव यू अ 1-to-1 इंडिविजुअल सपोर्ट एंड दे विल असेस यू इंडिविजुअली। रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो, बहुत सारे कोर्सेज अच्छे तो हैं लेकिन वो अपने कैंडिडेट्स को रिकॉर्डिंग ही नहीं देते। अब वो आई नो हाउसवाइफ है, जॉब है, फैमिली इशूज है, बच्चे हैं, पॉसिबल ही नहीं है कि टाइम पे आप अपना सब चीज़ें मैनेज कर सको। तो होता ही है कि आप रिकॉर्डिंग सुन लेते हो, लेकिन जो अच्छा कोई एक कोर्स है वो रिकॉर्डिंग नहीं दे रहा होता। तो हमने ये चीज भी इसमें ऐड की है कि आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगी समहो इफ यू कैन नॉट अटेंड द सेशन। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपका सिलेबस कंपाइल हो, इसमें सिलेबस कंपाइलेशन भी इंश्योर होगी, जो कि अभी हम FCPS के कैंडिडेट्स के लिए रिपीटर सेशन 60 days का स्टार्ट कर रहे हैं। आपको डेडिकेटेड बायोस्टैट ऑडिट्स की ड्रिल्स होंगी और आपके डेली कोर्स एक्टिविटीज भी होंगी, क्योंकि अब जो है हम एक बड़े और डेडिकेटेड मेंटर्स ने भी ज्वाइन किया है और फ्रेश खून है, जवान खून है आपको पढ़ाने के लिए तैयार, तो ये भी आपको बड़ी इसकी हेल्प हो जाएगी। तो ये आपके लिए एक अच्छी खबर थी, और इसका नाम है FCPS रिपीटर्स एक्सटेंडेड टॉक सेशन। इसमें मॉड्यूल वाइज प्रैक्टिस होगी, मतलब लेट्स सपोज अगर ऑनकोलॉजी हमने पढ़ना है ना, तो फर्स्ट आपको ऑनकोलॉजी का थ्योरी का रिकैप होगा, ताकि जितने भी थ्योरी स्मार्ट और कंप्रेहेंसिव वे में है वो आपकी A1 hour में ना डिस्कस हो जाए, कवर हो जाए, ठीक है। फिर उसके बाद ऑनकोलॉजी में जितने भी क्लिनिकल केसेस है, मैस एब्डोमेन लाइक ओवेरियन कैंसर एज मैस एब्डोमेन, एज ए लाइक एंडोमेट्रियल कैंसर, ब्लीडिंग एज एंडोमेट्रियल कैंसर, या सर्वाइकल कैंसर, या वजाइनल बल्बल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, स्मॉल प्रेगनेंसी, इनको हर अंदाज में हमने ऑनकोलॉजी में ही कवर करा लेना है, ठीक है। और इनके सर्जिकल इश्यूज, सर्जरीज, सिजेरियन लेप्रोट जो स्टेजिंग लेप्रोटमीज हैं या पाइवर्स हैं, ये सब चीज़ें, ठीक है। और सेम गोज फॉर लेबर, कॉन्टरसेप्शन, इन्फेक्शन। तो ये मुझे लगता है आने वाले कोर्सेज में सबसे बेस्ट कोर्स होगा जो कि मेडहोम कैन एवर प्रोवाइड, और इंशाल्लाह भी ऐसे ही होगा। अब थोड़ा हमने इसको चेंज किया। अच्छा, कमिंग टुवर्ड्स दिस, कि मैंने आपको बोला कि क्लिनिकल केसेस से क्या मुराद है, वैसे मेरी PPT बनी नहीं पूरी, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहती हूँ कि हाउ इट गोज। इनफर्टिलिटी की लाइक हिस्ट्री स्टार्ट हुई है, तो आपने ऐसे ही 3 steps में ले ली फटाफट। पहले स्टेप में आपने पेशेंट से इस तरह पूछा कि आपने मेल फैक्टर, फीमेल फैक्टर, क्वाइटस को एक्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है डिस्कस किया, और आपको लगा क्वाइटस में मसला नहीं है, फीमेल में मसला नहीं है। इफ़ यू थिंक ऑन स्टेप 1 कि ये मेल फैक्टर है तो यहाँ रुक जाएं। दूसरे नंबर पे फॉर्मल हिस्ट्री, ओब्स, गायनी, मेडिकल, सर्जिकल, ड्रग्स, एलर्जीज, एवरीथिंग आपने पूछ ली। तीसरे नंबर पे फिर पेशेंट से डिस्कस करें कि आप में पॉसिबल काज ये मेल फैक्टर है, आई वॉन्ट टू डिस्कस मोर, ठीक है। और पॉसिबल मैनेजमेंट लाइन्स ये है कि हम हस्बैंड का सीम एनालिसिस देखेंगे, इफ नीडेड आई विल आस्क फर्दर क्वेश्चन। अब ये यहाँ रुक जाए If needed further questions, क्योंकि आपको तो नहीं पता ना सीमेंट में हाइपो आने वाला है, हाइपर आने वाला है, ठीक है, या नॉर्मल आने वाला है, तो मे बी अकॉर्डिंगली यू हैव टू आस्क अदर क्वेश्चंस। तो यहाँ आपने मैनेजमेंट लाइन को, पॉसिबल मैनेजमेंट लाइन को जस्ट उसको बता दिया कि ये हो सकता है। लीफलेट तब भी दे जब डायग्नोसिस कन्फर्म हो, वरना ना दें, बड़ी हमाकत है ये। वो हो ही रहा वो केस आप लीफलेट पकड़ा के बैठे हुए। अच्छा, जो इनफर्टिलिटी की, इफ इट इज मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी, तो जनरल प्रोफाइल मांगनी है मेल फैक्टर भी और फीमेल फैक्टर की भी, और ओब्वियसली इफ इट इज मेल, इसमें आप मेल फैक्टर खराब आएगा। अगर ये वाकई ही एबनॉर्मल है तो चेक करना प्रीग्रेजुएट किड्स कैसे थे, वाकई ही एब्सटिनेंस के बाद टाइम पे भेजा गया था, ठीक है, और मैस्टर्बेशन से ही ये सैंपल लिया गया था। अगर प्रीग्रेजुएट किड मीट करते हैं तो रिपीट करवा लें इफ नीडेड, क्योंकि अगर सवेर एबनॉर्मलिटी है और प्रीग्रेजुएट मीट करते हैं तो रिपीट करवाने की जरूरत नहीं होती, जैसे बिल्कुल ये तो स्पर्मिया आ गया, ठीक है। फिर आपने सीमेन रिपोर्ट को देखना है, उसको इस तरह से देखेंगे उसको आप बता सकें कि ये जो है ओलिगोस्पर्मिया है, एज स्पर्मिया है, एस्थीनो है, मतलब मॉर्फोलॉजी, मोर्टेलिटी काउंट,
पीएच और सेल्स बाय ईच एनेमी ना आपने उसमें नॉर्मलिटी चेक करनी है. और फिर इसके बाद जो क्लिनिकल केसेस में बीटी है वो ये है कि इफ यू थिंक सो इट्स अ केस ऑफ हाइपरगोनाडोट्रॉपिक हाइपरगोनाडिज्म तो इसमें तो फिर वो क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, मेल तो आपने देखा ही नहीं है. तो यहाँ फिर आपने ऐड करना है कि आई वुड लाइक टू आस्क मोर क्वेश्चन फ्रॉम माई पेशेंट विद हर हस्बैंड. इसमें मे बी यू देखना चाहेंगे हस्बैंड की बिल्ट कैसी है, एडेड फीचर्स क्या है, ब्रेस्ट तो नहीं बनी हुई यू नो, और विद यूरोलॉजिस्ट हेल्प एंड इनपुट उसके जो जेनिटेलिया है उसका एग्जामिनेशन, ऑब्स्ट्रक्शन, एवरीथिंग राइट. फिर आपने इस कैटेगराइज करना है इस रिपोर्ट को कि ये जो इशू है वो माइल्ड है, मॉडरेट है, सवेयर है या वेरी सवेयर है. अगर ये ओलिगोस्पर्मिया है फिर आप पे ये वाजिब है कि आप इसको टाइप करें कि ये हाइपर है, हाइपो है या यूगनेडोट्रॉफिक है राइट. फिर एफएसएच देखना है और एफएसएच ही बताएगा कि ये क्या है. इफ एफएसएच इज ओके इट इज ओके देन ऑब्स्ट्रक्शन होगी, या कम है तो फिर हाइपोग्रेडोट्रॉफिक हाइपरगोनाडिज्म होगा, अगर बहुत ज्यादा है तो हाइपर होगा. और फिर इसके बाद यू विल आस्क टेस्टोस्टेरोन, फिर विद हेल्प ऑफ टेस्टोस्टेरोन यू विल यू नो गो स्टेप वाइज ये सेवेरिटी क्या है स्पर्मिया की और ये एफएसएच की सेवेरिटी क्या है. और अलोंग विद एंड्रोलॉजिस्ट नॉट यूरोलॉजिस्ट, जब एफएसएच ज्यादा हो जाए तो इसमें यूरोलॉजिस्ट की कोई खास रोल है ही नहीं, ये तो आईवीएफ का केस है, एंड्रोलॉजिस्ट का केस है, उसके साथ मैनेज होगा. और फिर फर्दर आप जाएंगे कि लाइक ये माइल्ड फैक्टर है विद एफएसएच, मॉडरेट है या सवेयर है, और इसमें आईवीएफ बनेगा या इक्सी बनेगा एंड ऑल दैट ठीक है. और ये हिस्ट्री के आपके यूनिक कंपोनेंट्स होते हैं. तो ये फिर वाइवा क्वेश्चन तो बेतहाशा हैं, चलते रहेंगे. लाइक आई एज आई सेड यू कि जिस दिन आपका केस होगा मेल फैक्टर का तो आपको एक पीडीएफ मिलेगा जिसमें प्रॉपर मेल फैक्टर के सारे वाइवा क्वेश्चन ऐड होंगे जैसे मैं बना रही थी. तो इस तरह ये आपको प्रिंटेबल फॉर्म में मिलेगा और आप जो है इसको इस पर फर्दर अपने नोट्स ऐड कर सकते हैं और ये आपकी अपनी बुक मिल होगी इंशाल्लाह. और इसी तरह 120 कितने पास केसेस हैं सेम गोज आप इनको प्रिंट करा सकते हैं और परफॉर्म करेंगे लाइव बाय वेरियस मींस. अच्छा अब मैं आ जाती हूँ इधर के जो अब हमारा जो दी बेस्ट कोर्स है फॉर एफसीपीएस रिपीटर इसमें क्या होगा, क्योंकि देखिए थीरी आप भूल चुके होते हो और थीरी का आपका ना मूड भी नहीं होता करने का दोबारा से करने का. तो हमने स्मार्ट और कम्प्रिहेंसिव वे में थीरी कवर करानी है क्योंकि मोस्ट हमारा जो फोकस होगा ना वो होगा आपका क्लिनिकल. और क्लिनिकल तभी साउंड होता है जब थीरी अच्छी हो, इसमें तो कोई मतलब बात ही नहीं है. तो लेट्स सपोज अगर ऑन्कोलॉजी का होगा तो हम ऑन्कोलॉजी की थीरी लेके एक घंटे का हम सेशन लेंगे और पूरी थीरी कवर करा देंगे ठीक है. लेट्स सपोज के ओवेरियन कैंसर्स हैं विद हाइपरप्लेजिया कैसे जाना है, सीन के साथ कैसे जाना है, विन के साथ, वजाइनल कैंसर्स, मोलर, ब्रेस्ट, और हमको ना वेरियस ग्रुप में डिवाइड किया है. वो सारे कैंसर जिसमें कीमो देनी है वो डिफरेंट किए हैं, जिनमें रेडियो देनी है वो डिफरेंट किए हैं ठीक है. जैसे कि ब्रेस्ट, मोलर और ओवेरियन कीमो वाले हैं, एंडोमेट्रियल, सर्वाइकल, वजाइनल, बल्बल रेडियो वाले हैं. फिर हमने हर कैंसर की जल्दी जल्दी प्री मैग्नेंट कंडीशंस देखेंगे, फिर इनकी स्टेजेस, स्टेज वाइज ट्रीटमेंट, फॉलो अप, रिकरेंस, और फिर इनकी ग्रुपिंग के मुताबिक हम कर लेंगे. बट आई मेक श्योर कि थीरी का ये पार्ट मैं खुद कवर कराऊंगी और इन दिस वन आवर बिलीव में आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी दोबारा बैक टू थीरी की. आपने सिर्फ आफ्टर दिस वन आवर आपने अपने क्लिनिकल केसेस तैयार करनी है, दैट द वे वी विल टेल ठीक है. जैसे 5 ईयर सर्वाइवल ऑफ ऑल कैंसर्स आई विल टीच ठीक है, मोस्ट कॉमन कैंसर्स इन जेनिटल ट्रैक और ओवरऑल वुमेन ऑफ वेरियस एजेस हाउ दे मेटास्टाइज और वेरियस रिस्क फैक्टर्स ऑफ वेरियस कैंसर्स. इफ लेट्स सपोज इफ आई एम टेलिंग यू ठीक है सर्वाइकल है ठीक है, तो इसकी इसकी जो बेसिक से 2-4 पॉइंट्स हैं या इसकी स्टेज या स्टेज वाइज ट्रीटमेंट कैसे चलती है. ये बड़ा मुश्किल कैंसर है बट आई मेक इट अ पीस ऑफ केक फॉर यू गाइज. लाइक स्टेज 1 ये है तो ये लेस देन 5 वाले हैं, सारे इन्वेजन में हैं और 1B वाले भी इन्वेजन पे है. इनकी टाइपिंग डिपेंड करती है डायमेंशन पे ठीक है. स्टेज 2 वालों में सिर्फ पैरामीट्रियम इन्वॉल्वमेंट है और स्टेज 3 वालों में जो है साइड वाल आ जाएगी और 4 वाले तो डिस्टेंट आ जाएंगे. तो विद प्रेगनेंसी एंड विद नॉट प्रेगनेंसी क्या करना है, विद प्रेगनेंसी कौन बायोप्सी या प्रेगनेंसी चाहिए, 1A1 में और 1A2 में यू कैन डू ट्रैकलेक्ट में विद LND. इफ इट इज नेगेटिव देन यू कैन ऑफर प्रेगनेंसी, नॉट डिजायर्ड देन 1A1 में सिंपल एंड 1A2 में रेडिकल. सेम गोज बार 1B
एंड इसमें प्रेगनेंसी डिजायर्ड है तो 1B1 तक रेडिकल ट्रैकेक्टमी है, उसके बाद तो ऑप्शन ही नहीं है. स्टेज 1B2 से ऑनवर्ड प्रेगनेंसी की तो ऑप्शन ही नहीं है. और प्रेगनेंसी की भी ऑप्शन तभी दे दी है पेशेंट फॉलो अप पे आने के लिए विलिंग हो और उसके लिम्फ नोड स्टेटस मालूम हो और वो नेगेटिव हो. अदरवाइज 1B2 से 2A1 तक यंग में रेडिकल हिस्टेक्टमी और ओल्ड में कीमो रेडिएशन है, और आफ्टर 2A1 तो सब में, ओल्ड में और नॉन ओल्ड में, सब में ही कीमो रेडिएशन है. ओके देन क्विकली वी विल मेक वन लाइनर्स फॉर सर्वाइकल कैंसर के, इनका स्पेसिफिक रूट क्या है, सिम्टम क्या है, मेथड क्या है, स्टेजिंग का ट्रीटमेंट क्या है, स्टेज वाइज ट्रीटमेंट क्या है, और सोमन साइड ऑफ मेट्स के हैं. तो ये आपकी बड़ी अच्छी थीरी इस तरह कवर हो जाएगी. सेम गोज फॉर एंडोमेट्रियल कैंसर, उनकी टाइपिंग, फिर इनके वेरियस हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्टिंग एंड एक्स्ट्रा, फिर स्टेज वन की ट्रीटमेंट. लेट्स सपोज अगर ओवरऑल देखें तो 1 में टीएच होती है, स्ट्रोमा इन्वॉल्व हो जाए तो रेडिकल टीएच होती है, 3 में आपके पास रेडिकल टीएच विद रेडियोथेरेपी होती है, एंड 4 में ओनली कीमो होती है. ये 2021 एंड 2018 फिगर के मुताबिक ही हमने कवर करवाया है. फिर ये फर्दर एंडोमेट्रियल कैंसर के वन लाइनर, वजाइनल कैंसर के वन लाइनर होंगे, फिर ओवेरियन कैंसर्स के होंगे. लेट्स सपोज रिस्क फैक्टर्स क्या है ओवेरियन कैंसर्स के, टाइप 1, 2, 3 क्या होते हैं, एपिथेलियल के टाइप्स कितनी हैं, और मेटास्टेटिक कैंसर्स कौन से होते हैं, इनकी सिग्निफिकेंट चीज़ें क्या होती हैं, एपिथेलियल के अलावा नॉन एपिथेलियल कौन से होते हैं, बॉर्डर लाइन कौन से होते हैं, ट्यूमर मार्कर्स कौन से होते हैं, प्रेगनेंसी में कैसे लेके चलना है, इनकी बायोप्सी पे क्या स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं, और बीएम फीचर्स क्या होते हैं, और आरएमआई फीचर्स क्या होते हैं, इनको कैसे लेके चलना है, और फिर इनका फॉलो अप कैसा है प्रेगनेंसी में, सिस्ट का फॉलो अप लाइक इन व्हेन आरएमआई लेस देन 200 इन पोस्ट मेनोपॉजल एज व्हेन फॉलो अप, व्हेन इफ इट इज मोर देन 200 व्हेन फॉलो अप, व्हेन टू कीप इट कंजर्वेटिव प्री मेनोपॉजल एज में सिंपल में क्या फॉलो अप है, और कॉम्प्लेक्स में क्या फॉलो अप है, हेमरेजिक सिस्ट में क्या करना है, एडोलेसेंट में क्या करना है, एंड टॉर्जन में क्या करना है. एंड सेम गोज फॉर दिस केस की स्टेजिंग क्या है. बेसिकली स्टेज 1 में 1 ओवरी, 2 में 2 ओवरी, देन इट्स रप्चर, फिर 2 में ये लाइक बिलो द ब्रीम, 3 में एक्सटेंशन आउटसाइड द पेल्विस एंड रेट्रोपेल्विटोरियल लिम्फ नोड्स, एंड 4 में डिस्टेंट मेट्स एंड ऑल दैट इन द सिंपलेस्ट वे. फिर स्टेज वाइज ट्रीटमेंट इन द सिंपलेस्ट वे, देन एक्सेप्शंस, देन बल्बल कार्सिनोमा वन लाइनर, देन डर्माटोसिस वल्वा की वन लाइनर, देन विन एंड वेन वन लाइनर्स, एंड देन वाजाइनल कैंसर्स स्मार्ट फिगर्स, वर्बल कैंसर स्मार्ट फिगर्स. बिलीव मी 1 घंटे में पूरी ऑन्कोलॉजी ने स्मार्ट वे आपकी रिवाइज हो जाएगी. एंड सेम वी विल डू फॉर मेडिकल डिसऑर्डर, फॉर फीटल मेडिसिन, फॉर कॉन्ट्रसेप्शन, एंड लाइक जनरल गायनी, जनरल ओब्स, अर्ली प्रेगनेंसी, तो यूरोगायनी. तो आपका जो कमिंग FCPS का जो कोर्स है, इससे आपकी बड़े नाइस वे में दोनों एस्पेक्ट कवर हो जाएंगे, क्लिनिकल केसेस के, ड्रिल्स के, एंड स्मार्ट एंड कॉम्प्रिहेंसिव वे में थ्योरी रिवीजन के. मैंने बहुत ज्यादा बोल लिया, सॉरी, बट बस इतना ही बोलना था. अब डॉक्टर हिना आती हैं. हिना, आर यू रेडी? जी मैम. तो नरगिस हमारे साथ है. हिना, आप अपनी पीपीटी शेयर कर सकती हैं. ओके. बाय दैट टाइम हिना अपनी पीपीटी शेयर करती हैं. आप लोगों की कोई क्यूरी है तो आप मुझे डिस्कस कर लें. अदीला, सुमेरा, इफ्रा, आमना, रुखसाना. मैम, आज जो रिपीटर्स हैं, स्पेशली जो आपकी पहले वाली जिन्होंने लिया हुआ, तो उनके लिए कोई स्पेशल ऑफर, डिस्काउंट टाइप? ऑब्वियसली मेरे अपने कैंडिडेट से बड़े दिल के बड़े करीब हैं. मैं तो वैसे भी तुम्हारे लोगों की जान नहीं छोड़ रही, तुम लोग तो स्टिल वी आर डूइंग एक्टिविटीज, इवन एग्जाम हो चुका है. ठीक है, तो व्हाई नॉट, इफ यू आर विलिंग टू कंटिन्यू विद दिस योर जर्नी, देयर विल बी अ यू नो वेरी हैंडसम डिस्काउंट फॉर कमिंग 60 डेज सेशन. और जो MCPS के कैंडिडेट्स हैं, नो वरीज, मैं मेरा बिल्कुल आपसे जैसे एज पर कमिटमेंट मैं आपके क्लिनिकल केसेस कराऊंगी और इसी कोर्स में कराऊंगी जिसमें आप चल रहे हो. ऑल्दो वो खत्म भी हो चुका है, बट आई एम गोइंग टू एक्सटेंड इट ताकि आप क्लिनिकली भी साउंड हो जाओ. ठीक है मैम. हेलो. ओके मैडम, मुझे ये पूछना था कि जो गायनी के जो केसेस हैं उसमें एब्डोमिनल एग्जामिनेशन के साथ वजाइनल भी करना
नो, अगर वो कहें विजाइनल, तब अभी जितने भी नवंबर में हुए हैं उसमें किसी में विजाइनल नहीं कहा, उन्होंने कहा विजाइनल की फाइंडिंग्स पूछें, पीए करने को बोला था और सामान भी नहीं था। विजाइनल के लिए स्पेकुलम की जरूरत होती है, ग्लव्स की जरूरत होती है, लुब्रिकेंट की होती है, किडनी ट्रे की होती है, पैस्मियर किट होती है, वो कुछ भी नहीं थी, कुछ भी नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट तो मैडम टाइम की जरूरत होती है। नवंबर के सारे स्टेशन रीकैप करवाए, उसमें आपने देखा है कैंडिडेट बता रहे थे कि सिर्फ पीए करना था, विजाइनल एग्जामिनेशन की या बायो मैनुअल की फाइंडिंग्स मांगनी थी और मांगने पे ही मिल रही थी, नहीं मांगी तो नहीं दे रहे थे। सही। और सेकेंडली वहीं पर बैठ के हम लोग उसको समराइज हम लिख भी नहीं सकते ना केस को, कि पहले ही हम लोग उसकी समरी बना बना रहे हैं। मैं बता, मैं समरी समरी तो बस मेरा पसंदीदा काम है बनवाना, छोड़ दो ये मुझे। अच्छा मेरी टेम्पलेट से कुछ कब से स्टार्ट हो रहा है? ये 1st of December से स्टार्ट होगा और ये जो ओरिएंटेशन सेशन है लाइक अभी हो रहा है, ये कल भी होगा। कुछ आप जो हमारी टीम है पूरी मेंटर्स की, कुछ सेशंस वो भी कवर करवाएगी, तो ये एक्टिविटीज अभी चलेंगे एक दो दिन, फिर हमारा जो प्रॉपर सेशंस हैं वो स्टार्ट होंगे 1st of December से। अच्छा मैम, ये पोस्टल एग्जाम चलेगा या एक फिक्स ड्यूरेशन है इसकी? ये आपका चलेगा 60 डेज तक चलेगा, उसके बाद आप लोगों को वन मंथ मिलेगा सेल्फ प्रैक्टिस के लिए, लाइक फरवरी पूरा और मार्च में तो आपका पेपर है, ठीक है, लेकिन ये जो सेल्फ प्रैक्टिस वाला होगा ये भी अंडर सुपरविजन होगा। अच्छा मैम, एक्सपेक्टेड डेट आ गई है टॉक्स की? वो कभी 7 February शायद थ्योरी किया ही है ना? यार मुझे तो, मैंने तो सीपीएसपी में ना पीएचडी किया हुआ है, मुझे पता होता है उन्होंने कब देनी है नेक्स्ट डेट। सही है, आप लोगों का ना मार्च में होगा एंड पे। मैम बुक्स अवेलेबल है क्लिनिकल जी? आपकी बुक्स अवेलेबल है अभी? मेरी ना, मैंने बोला ना, मेरी उस तरह मेरी अवेलेबल है, मैं बना चुकी हूँ। करना ही क्या था, मेरी गायनी ओब्स की तो पहले लॉन्ग केसेस की बुक थी, मैंने उनको शॉर्ट केस में कन्वर्ट करना था, लेकिन पता है क्या, मेरे खुद के तसल्ली नहीं हो रही कि मैं कैंडिडेट्स को वो डिलीवर करूँ, क्योंकि इतने स्टेशन हैं आपके, 126 स्टेशन हैं, 5 स्टेशन सिर्फ इसी साल के। कैसे करेंगे मैम? नहीं वो मैं आपको ना हर स्टेशन जो मैं एडिट करूंगी बनाऊंगी, मैं अपने ग्रुप में पीडीएफ अवेलेबल कर दूंगी, प्रिंट आउट कर लीजिएगा, अपनी बुक खुद ही बन जाएगी। अपनी फाइल्स बनाते रहेंगे। अच्छा मैम, हमारी डेट का कुछ पता चला कंफर्म टॉक्स की एमसीपीएस वालों के? मैंने बोला है अब धरनों की वजह से मैं कुछ कह नहीं सकती, बट आफ्टर 20th December एनी टाइम, लाइक 23rd 27, क्योंकि इसके बाद इनके लाइक थ्योरी के स्टार्ट हो जाएंगे, तो उन्होंने हर हाल में दिसंबर और मैम विंटर वेकेशन भी तो आएंगी। यार हमारी ना ईद की छुट्टियां होती ना विंटर की, व्हाट यू आर सेइंग, डॉक्टर को क्या फर्क पड़ता है? ओके मैम, कभी देखा है संडे मंडे में तो हर ईद पे ड्यूटी लगती थी। हिना जिंदा हो जी? मैम मुझसे ये नहीं शेयर नहीं हो रही। ओ कोई बात नहीं, तुम होस्ट हो ना, देखो तुम होस्ट बनाया हुआ मैंने, नीचे देखो शेयर स्क्रीन, उस पे अपनी पीपीटी। तो अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हो जस्ट एक मिनट, 8th November हिना डिस्टॉर्शन है, आपकी आवाज सुनाई नहीं दी मैम, समझ जाना मुझे तो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर हिना शाहिद है और मैंने अभी नवंबर वाली अटेम्प्ट में एफसीपीएस पास किया है, 1st attempt में। चलो मुबारक हो भाई, यू नीड बिग क्लैप, 1st attempt पे किया हिना, आपके अलावा आपके बैच में बाकी लोगों ने भी किया है, आपके साथ हुमा का भी 1st attempt में था ना, और सीमा का भी 1st attempt में था, आई थिंक सो, यू पीपल वर 4 ने डिस्कस करना था ना हमारे साथ 8th November,
कोई बात नहीं, आप अपनी पीपीटी बता दें, अपने केसेस बता दें, फिर जब वो अवेलेबल होगी वो। दिस इज योर पीपीटी ना? जी जी। ओके, आप मुझे बता दीजिएगा, मैं इसको फिर आगे लेके जाती रहूंगी। ठीक है जी, ठीक हो गया। So I will discuss today short cases which was held on 8th of November. और मेरे दो short cases थे, एक ops का short case था और एक gynae का short case था। Today we will discuss first of all ops short case. और it was Mrs. Naeem, Gravida 2, Para 1, previous 1, cesarean section at 32 weeks with fundal height of 40 weeks, presented with deranged blood sugar levels. एक patient थी, उसकी brief सी history दी हुई थी और उसके बाद हमें उसकी focused history लेनी थी, examination करना था और summary सुनानी थी उस station पे। अच्छा, अब हिस्ट्री ली, उसमें पेशेंट वाज प्रीवियस वन एट अबाउट 32 वीक्स और जो है उसके बाद उससे नेक्स्ट उसकी सारा इंट्रोडक्शन लिया सबसे पहले और उसके बाद उससे मैंने उससे उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट पूछी। पेशेंट क्रॉनिक हाइपरटेंसिव थी, पहले से कोई मेडिसिन ले रही थी लेकिन उसको याद नहीं था कौन सी टेबलेट ले रही है। उसके बाद जो है वो इस प्रेगनेंसी में वो इंक्रीज बीपी और डिरेंज शुगर लेवल्स के साथ अब प्रेजेंट किया था उसने और पॉलीहाइड्रोएमनियोस भी था, उसकी फंडल हाइट 40 वीक्स की थी जबकि वो 32 वीक्स पे थी पेशेंट। उससे मैंने जल्दी जल्दी उसकी सारी हिस्ट्री ली, उससे एक तो वो क्रॉनिक हाइपरटेंसिव थी, उससे उसका पूछा, प्रीकंसेप्शनल पूछा, उसके बाद पूछा उसका मेडिकल रिकॉर्ड सारा, बीपी का पूछा, उसके बाद जीडीएम थी पेशेंट का, अभी डायग्नोज हुई थी, उससे पहले नहीं था, प्रीवियस प्रेगनेंसी में हिस्ट्री ली, प्रीवियस प्रेगनेंसी में भी वो जीडीएम, उसके अलावा प्रीवियस वन वो इस वो पूछा कि क्यों हुआ, वो फेल्ड प्रोग्रेस पे उसका सिजेरियन हुआ था पिछली दफा। उसके बाद जो है उससे उसकी उससे हिस्ट्री ली कि वो एडमिट हुई, उसको क्या स्टार्ट कराया, वो क्या लेती रही है, अब तक इंसुलिन स्टार्ट कराई थी पेशेंट को अभी तक वार्ड वालों ने और इंसुलिन टीडीएस में थी, 6 यूनिट्स टीडीएस थी और एनपीएच वो मेरा ख्याल है 8 यूनिट्स ले रही थी। उसके बाद उससे मैंने जो है उसकी रिकॉर्ड पूछा, उसके टेस्ट का पूछा अभी तक क्या क्या टेस्ट हुए हैं और उससे पॉली हाइड्रोएमनियोस से रिलेटेड पूछा, सारे प्रेशर सिम्टम्स का पूछा, प्रेशर सिम्टम्स उसको क्या आ रहे हैं, तो प्रेशर सिम्टम्स थे उससे वेरिकोज वेन्स भी थी, 40 वीक्स फंडल हाइट थी और वो इससे डिस्ट्रेस्ड भी थी थोड़ी सी ना, और उसको नौजिया और वो सारा वो भी सारा पूछा जल्दी से, फिर उसका एग्जामिनेशन किया। पेशेंट जो थी वो देखने में थोड़ी सी एनीमिक भी थी और उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी उसका बीपी लिया, पल्स, पेलर देखा, उसके बाद क्योंकि बहुत फोकस्ड रहना होता है तो जल्दी से उसका वेट लिया और उसके बाद उसका जो है पीए किया, पीए पे फंडल हाइट देखी, 40 वीक्स थी, उसके बाद उसका कोई लाई कुछ पता नहीं चल रहा था और उसके बाद मैंने उसके पेशेंट के जो है रिफ्लेक्सेस भी चेक किए और उस पे स्पेशल जो है ना एग्जामिनर ने खड़े होके देखा था कि ये क्या कर रही है, उसके उसके रिफ्लेक्सेस चेक किए और जो है ना क्योंकि पेशेंट क्रॉनिक हाइपरटेंसिव थी और उसके बाद मैंने उसकी जो है उसकी समरी सुनानी थी जो 10 मिनट है ना, इसमें आप सारा कुछ करके एग्जामिनर को बैठ के एक दफा समरी सुना दो ना तो वो समझ लें आपका स्टेशन वो पास हो गया है, क्योंकि वो एग्जामिनर्स इस चीज को बहुत ज्यादा वो कर रहे थे कि ये जे हमें समरी लाजमी सुनानी है।
उसमें आपने बेसिकली ना उससे बेसिक जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो आपने पूछने हैं, और वो ही पॉजिटिव पॉइंट्स आपने बताने हैं। जस्ट टू लाइंस की समरी होनी चाहिए, जस्ट टू लाइंस। मतलब मैंने उसका बेसिक बेसिक उसको बताया है कि शी इज मिसेस नसीम एंड ग्रेविटा टू पैरा वन प्रीवियस वन सिजेरियन सेक्शन क्रॉनिक हाइपरटेंसिव presented now admitted through OPD on this date and with the complaints of deranged blood sugar levels. बस basic basic उस तक आपने जो देनी है उसको, और वो उसके बाद जो है next station पे हम move कर गए। नेक्स्ट स्टेशन इसी पेशेंट की कॉन्टिन्यूएशन था। सबसे पहले उन्होंने बैठ के दोबारा समरी ही सुनी और उस पेशेंट की समरी बताई, यही वाली समरी बताई मैंने। उसके बाद उसने कहा इनुमरेट द रिस्क फैक्टर्स इन द पेशेंट, और पेशेंट में जो रिस्क फैक्टर्स थे वो थे क्रॉनिक हाइपरटेंसिव, जीडीएम, पोलीहाइड्रोएमिनियोस और प्रीवियस वन सिजेरियन। चार उन्होंने मुझसे पहले उसके रिस्क फैक्टर्स पूछे, फिर उन्होंने सारा उसका सुनना शुरू कर दिया कि पेशेंट जो है एक कह लें टेबल वाइवा होता है उस पे आपका ना, तो उस पे उन्होंने मुझसे पूछा कि इस पेशेंट का आपको किस तरह पता चला कि ये क्रॉनिक हाइपरटेंसिव है। देन आई सेड कि मैंने जो है इसकी अभी हिस्ट्री ली है, मैडम ये वाली टेबलेट ले रही थी पहले से, और इसको ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जो है इंटरवल्स जो है उसमें इसका बीपी रेज था। उसके बाद उसने जो है नेक्स्ट उसने फिर पूछा कि आपने इसको अब ये किस पेश कंप्लेंट के साथ आई है, क्या इसका ट्रीटमेंट हुआ है अभी तक। तो वो मैंने सारा पेशेंट से पूछा हुआ था कि वो इंसुलिन पे है, वो इतने यूनिट्स ले रही है। फिर उसने मुझे कहा कि आप इस कौन सी रिजीम इसको इंसुलिन की किस तरह शुरू कराते हैं। कैरल जे रिजीम सुनाई, वो ज्यादातर हम वही सुनाते हैं, वो सुनाई। फिर उसके बाद उसने मुझे कहा कि अब आप इसको फर्दर कैसे लेके चलेंगी, इस पेशेंट को आपने फर्दर कैसे इसका मैनेज करना है। फर्दर मैनेजमेंट में मैंने सारा बताया कि ये 32 वीक्स पे है, क्रॉनिक हाइपरटेंसिव भी है, और ये जो है जीडीएम भी है, पोली भी है। तो अभी मैंने इसको इंसुलिन इसकी मैंने स्टार्ट कराई है, अभी हम इसके शुगर ब्लड शुगर लेवल्स कंट्रोल करेंगे इसका हम लोग इस तरह से, क्योंकि क्रॉनिक हाइपरटेंसिव है। डॉपलर बताया 32 पे होगा, 36 वीक्स पे होगा, उसके साथ साथ इसको हम स्टीराइड कवर देंगे, अगर जब कंट्रोल हो जाएगा तो उसके साथ हम इसे स्टीराइड कवर देंगे, इसको हम लोग शुगर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। अगर तो पोलीहाइड्रोएमनियोस का ठीक हो जाता है तो उससे तो फिर हम इसको टर्म तक 37 वीक्स तक लेके जाएंगे। अगर नहीं होता इन केस अगर इसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ रहती है या इसी तरह से, तो फिर हम इसको इससे पहले भी इंड्यूस कर सकते हैं। इसका सारा ट्रीटमेंट बताया अब तक का कि उसको किस तरह से हमने लेकर चलना है। ये था मेरा स्टेशन नंबर 2। और इसमें जो था ना ये पेशेंट को मतलब डिलीवर कराया, बल्कि मैंने उसको डिलीवर करा के उसकी कॉन्ट्रासेप्शन भी बतानी है, उसकी ब्रेस्ट फीडिंग का भी बताया, उसको नेक्स्ट प्लान उसको मतलब कॉन्ट्रासेप्शन भी बता के आपने घर भेजना है, यहाँ पे आपका ना वाइवा जो होगा वो खत्म होगा। मतलब एग्जामिनर ये सुनना चाहता है कि आपने उसको मैनेज किया है, उसको डिलीवर कराया, उसको घर भेजा है, और उसके बाद उसको नेक्स्ट कॉन्ट्रासेप्शन दी है लाजमी। एनी क्वेश्चन? एक्सीलेंट है ना, यू नो नेल्ड इट इन अ वेरी गुड वे। और इतना सब कुछ जो है देख ले आप सब, देख लोगों के लिए ये एक आई ओपनिंग स्टेशन है कि इतना सब कुछ आप तभी कर सकते हो इन 11 मिनट जब आपने इसको मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस किया हुआ है। नो मैटर हाउ वेल वी टीच यू, हिना वाज वेरी यू नो पंक्चुअल इन अटेम्प्टिंग द सेशन। हिना आई कैन रिमेम्बर हर सेशन में आप जो थे एक्टिव होते थे, सुनाते थे, और यही रिफ्लेक्सेस होते हैं जो आप विद इन टाइम कर सकते हो। ये जो टाइम मैनेजमेंट है ना इज इक्वल टू
your practice efforts, how you know many times you have practiced. जितने प्रैक्टिस करोगे उतना ही टाइम मैनेजमेंट अच्छा होगा। और यहाँ मैं एक बात कहना चाहूंगी, मैडम ने पहले दिन कहा था कि आप अपनी इस तरह से तैयारी करो कि एक ऑप्स की फाइल बनाएं और एक गायनी की फाइल बनाएं, और मैंने बनाई वो एक जो ऑप्स की फाइल बनाई उसमें मैंने सारी हिस्ट्री पॉइंट्स खुद बैठ के लिखे, और जो गायनी की फाइल है उसमें खुद लिखे। इससे आपको इतना फायदा होता है, आप बार बार उन पॉइंट्स को रिवाइज करते हैं बार बार कि आपकी फिंगर टिप्स पे सारे पॉइंट्स आ जाते हैं। ये मेरा जरूर एक टिप है जिसने मतलब तैयारी स्टार्ट की है कि वो ये फाइल जरूर बनाए लाजमी। एक्सक्यूज मी, क्वेश्चन है मेरा। हाँ जी इसमें जो पेशेंट है प्रीवियस वन है विद मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स, तो इसको हम इंड्यूस करेंगे या इसको हम अगर स्पॉन्टेनियस लिबर में नहीं जाती सॉरी इंड्यूस नहीं इसको करना था क्योंकि पोली है और जो है इसको इंड्यूस नहीं आप कर सकते। एक तो ये पोली है, उसको ने मुझसे पूछा, ये स्पेशल पूछा कि आप इसको क्या करेंगी, आप इलेक्टिव सिजेरियन करेंगी या आप इसको ट्रायल देंगी। तो फिर मैंने उसको यही कहा कि मैं इसके ब्लड शुगर लेवल्स कंट्रोल करूंगी और उसके बाद अगर इसका पोली ठीक हो जाता है देन आई, और पेशेंट जो है उसकी एज अ हाई रिस्क है जैसे कि पोली भी है, क्रॉनिक हाइपरटेंसिस भी है, जीडीएम भी है, अगर तो पेशेंट की सारी चीजें कंट्रोल्ड रहती हैं तो हम अगर पेशेंट वी बैक का ट्रायल लेना चाहती है तो हम उसे काउंसल करेंगे, लेकिन अगर पेशेंट पहले ही डिटोरियोरेट कर जाती है तो फिर हम इलेक्टिव सिजेरियन करेंगे। उसको सारा बताना था। Yes, you, आपने बहुत अच्छा किया, मैं agree करूंगी क्योंकि previous one में already pressure symptoms हैं, scar जो है already under stitch है, और इसके अलावा ये भी theoretically आप इसको induce कर दे सकते, आप कर सकते हो। आपने discuss किया patient से, वो कहती है मैंने तो normal delivery trial लेना है, तो फिर आपने उसको consult करना है कि आपका जो previous scar था उसको मैं देखूंगी, right? फिर मैं आप की जो है 1-to-1 केयर होनी चाहिए, कंटिन्यूसिटी जी होनी चाहिए, ऐसे सेटअप पर डिलीवर होंगी जहां एक्सीलेंट ओटी अवेलेबल हो 24/7, ब्लड बैंक अवेलेबल हो और न्यूनेटल केयर अवेलेबल हो और पेशेंट फुली प्रिपेयर्ड हो कि उसको पता हो कि इंडक्शन में प्रीवियस कार में रप्चर का रिस्क और इस पेशेंट में जब ये पोली भी है तो कितना है, लाइक 1.7% रिस्क है मैक्सिमम, इसको आप डबल कर लें फिर इफ शी इज हैप्पी टू टेक दैट तो शी विल गिव अस हाई रिस्क कंसेंट, वरना आपका जो प्लान है ना वो इसको ये है कि आप इसको लेबर में जाने नहीं देंगे। पोली भी है, अनस्टेबल लाइज भी होती है, तो ऑब्वियसली आपने इसको रीअसेस करना है। और दूसरी बात यह कि व्हाट इज द टाइम ऑफ डिलीवरी फॉर अ पेशेंट हु इज क्रॉनिक हाइपरटेंसिव, हैविंग जीडीएम, ऑन इंसुलिन, हैविंग एनीमिया, हैविंग प्रेशर सिम्टम्स एंड शी एट द सेम टाइम शी इज प्रीवियस वन, व्हेन यू विल डिलीवर हर। जी बिल्कुल, जो अगर वही वाली बात आ जाती है कि हम लोग इसकी शुगर लेवल्स कम जो है कंट्रोल करेंगे, उससे पोली कई दफा कंट्रोल भी हो जाता है, लेकिन अगर नहीं कंट्रोल हो रहा तो फिर हम इसको 37 से पहले भी डिलीवर कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन फीटल डिस्ट्रेस और वो सारा कुछ देखते हुए। एक्सक्यूज मी मैम, एक क्वेश्चन था। मैम वीरू ने बोला कि अगर पेशेंट पोली ठीक करेक्ट नहीं होता, अभी पहले वीरू ने बोला था कि अगर उसको प्रेशर सिम्टम्स हैं तो हम इसको 37 वीक से पहले ही तब इन्होंने इंड्यूस बोला था या जो भी इसका टाइम ऑफ डिलीवरी डिसाइड कर लेंगे, लेकिन मैम इसमें पेशेंट जो होगी बेबी जो होगा वो एट रिस्क नहीं होगा आरडीएस के, तो हम ये नहीं करेंगे अगर पेशेंट को सिम्टम्स आ रहे हैं प्रेशर सिम्टम्स आ रहे हैं तो उसको हम एमनियोसेंटेसिस की तरफ मतलब अगर उसकी वो कर दें एमनियोसेंटेसिस करें उस तरफ लेके जाएंगे या हम उसको टाइम मतलब उसको कहेंगे हम डिलीवर करेंगे ये पॉइंट। रिडक्शन जब भी होती है, सॉरी एमनियो रिडक्शन, सॉरी बोलना था, हां जी एमनियो रिडक्शन जब भी होती है ना, एमनियो रिडक्शन करके आप कभी भी पेशेंट को नहीं छोड़ सकते बिकॉज ये जो है एमनियोटिक फ्लूइड ये दोबारा बन जाएगा 24 आवर्स में। एमनियो रिडक्शन आप करेंगे ही तब जब आपने प्लान कर लिया है कि आपने अब पेशेंट को जो है ना वो डिलीवर करना है, क्योंकि एमनियो रिडक्शन जो है ये फॉर द टाइम बीइंग है 24 आवर्स के अंदर अंदर दोबारा जो है ना एमनियोटिक फ्लूइड बन जाएगा,
आप कितनी दफा उसकी एमनियो रिडक्शन करोगे उसे टर्म तक लेके जाने के लिए? किसी एक दिन क्वेश्चन उन्होंने किया था, फर्स्ट डे शायद मेरी फ्रेंड का हुआ था, तो वो एमनियो रिडक्शन का पूछा उन्होंने होली में, और वो मैम पूछा था कि एक दिन में कितनी कर सकते हैं एक टाइम पे, तो उसका आंसर बता देंगी मैम डॉक्टर हीरा? Why not? जिस पे पेशेंट सिम्टम फ्री हो जाए ना और अपर लिमिट ऑफ नॉर्मल पे आ जाए वहीं तक रखना है और फिर छोड़ देना है. एमनियो रिडक्शन हम करते हैं जब पेशेंट में सिम्टम्स अवेयर हो, रिस्पेक्टिव ऑफ द कॉज, वेदर एनोमलीज की वजह से हो गया, क्योंकि डायबिटीज में अभी तो हमें कंफर्म नहीं है ना, जीडीएम हम कह रहे हैं, मे भी क्रॉनिक हो क्योंकि पहले भी था. अगर इसी कॉज इवन एनोमली है, ठीक है, कोई सीरियस या एंटिटी कोई भी है, तो इसमें भी और इवन विद डायबिटीज भी अगर पेशेंट सिम्टमेटिक है और सिम्टम्स भी सिवियर हैं, तो इसकी एक ही ट्रीटमेंट है, वो है इसको एसिम्प्टोमेटिक करना है, एंड दिस इज एमनियो रिडक्शन. ठीक है, और एमनियो रिडक्शन के लिए कोई बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड फीटल मेटरनल मेडिसिन की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आपने अल्ट्रासाउंड गाइडेड करनी है, टर्म पे इतना लाइकर होता है, इंजरीज भी कम होती हैं. आई थिंक 100 ml निकालना होता है पर मिनट, समथिंग लाइक दैट, मुझे वैसे कंफर्म अभी मुझे याद नहीं है, मैं खुद भी भूल जाती हूँ लोगों की तरह. लेकिन जो इसका एम होता है ना, वो ये होता है वहां तक लेके जाना है जहाँ पेशेंट सिम्टम फ्री हो जाए और अपर लिमिट ऑफ नॉर्मल. ठीक है, और ये बन भी जाता है अगर इसकी रीजन ऑस्मोटिक डाइजेशन है, तो इसने नेक्स्ट 24 आवर में बन भी जाना है. तो आपने क्या करना है, BSL मैनेटर कंट्रोल करना है. जब तक आपने BSL नहीं ठीक करना, कितनी दफा निकालोगे, रिपीटेड एमनियोसेंट्रेसिस, इन्फेक्शन, कोरियो रप्चर, बहुत सारी चीजें हैं. तो मेन थिंग ये है कि कीप हर सिम्टम फ्री एंड एग्रेसिव ट्रीटमेंट ऑफ शुगर लेवल कंट्रोल. अच्छा, दूसरी बात, तुम्हें अर्ली डिलीवर कराएंगे फिर, सॉरी आपकी बात, फिर अर्ली डिलीवर कराएंगे अगर सिम्टम फ्री नहीं हो रहा तो? हमारे पास एक चेकलिस्ट होती है वार्निंग फीचर्स की, ये जब भी आएंगे वी विल डिलीवर द पेशेंट अर्ली. लाइक वो प्रेशर सिम्टम जो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट को, लाइक BSL को या एमनियो रिडक्शन को, हमने इसको डिलीवर करना है, अभी प्रीवियस वन रप्चर हो जाएगी. या लेट सपोज शी इज यू नो क्रॉनिक हाइपरटेंसिव, 25% शी इज एट रिस्क ऑफ प्रीक्लेम्शिया. अगर प्रीक्लेम्शिया आ जाता है एंड इफ इट इज सवेयर एंड वर्सनिंग, तब हमारे पास एक चेकलिस्ट है. और एनीमिया है, आई डोंट नो एनीमिया की क्या इसमें स्टेज थी, इफ इट इज सवेयर एंड कंप्रोमाइजिंग यू नो डीकंपनसेटेड एनीमिया, वे इट इज इंडिकेशन. क्रॉनिक हाइपरटेंशन में IGR भी होता है, वो इंडिकेशन अकॉर्डिंग टू द डॉपलर स्टडीज. सो लॉट ऑफ वार्निंग फीचर्स व्हेन वी कैन टर्मिनेट बिफोर 37. हाउएवर इफ क्रॉनिक हाइपरटेंशन वेल कंट्रोल्ड, अगर BSL वेल कंट्रोल्ड हो जाते हैं, पेशेंट सिम्टम फ्री हो जाती है एनीमिया करेक्शन के बाद, आपने इसको 37 तक लेके जाना है, और आफ्टर 37 आपने विद कंसल्टेंट एंड विद पेशेंट एक नेगोशिएशन प्लान बनाना है कि व्हेन यू विल पुट हर ऑन द इलेक्टिव लिस्ट, क्योंकि यू हैव डिसाइडेड, यू हैव टेक द कंसेंट कि हमने इसको लेबर में जाने नहीं देना, ना स्पॉन्टेनियस में और ना ही यू नो कि हम इंड्यूस करें, क्योंकि वो तो प्लान सेट हो गया 36 पे, डिस्कस हो गया, म्यूचुअल एग्रीमेंट हो गया, उसने कहा कलेक्टिव करना है, और वेरियस रीजंस आपका ही प्लान ये कलेक्टिव करना है. ठीक है, बिकॉज ऑफ यूर और इंडिविजुअल थिंग्स कि आपके पास 1-to-1 केयर नहीं है, न्यूनेटल केयर नहीं है, ब्लड बैंक नहीं है एंड ऑल दैट, तो 37 के बाद लेबर में जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं. तो 37 के बाद आपने इसको किसी भी सुइटेबल टाइम पे अपनी OT की डेट देखी और डिलीवर कर लिया. वैसे भी जो पेशेंट इंसुलिन पे होती है, व्हाटएवर इज जीडीएम है, क्रॉनिक डायबिटीज है, 38 A6 से पहले उससे आगे उसको लिखित ज्यादा ही नहीं है, तो 37-38 पे आपने इसको कर लेना. और एनी टाइम बिफोर 37 व्हेन वार्निंग फीचर्स या क्लिनिकल फीचर्स अपीयर. ओके, फिर इंसुलिन देखेंगे. ओके, हिना, ये जो उनका वाइवा था ना, ये लाहौर सेंटर पे था. इस्लामाबाद वाले सेंटर वाली पेशेंट स्लाइडिंग स्केल सुन सकती है, ठीक है, इट्स अप टू हर. वो कॉन्टरसेप्शन पे जा सकती है कि डायबिटीज में कौन से करने हैं. अब वो कॉन्टरसेप्शन जो जीडीएम में है वो डिफरेंट है, और जो क्रॉनिक डायबिटीज में है वो डिफरेंट है. ठीक है, अच्छा, फिर वो आप फर्दर पूछ सकते हैं कि नेक्स्ट प्रेगनेंसी में क्या करना है, प्री प्रेगनेंसी में HbA1c कैसे मॉनिटर करना है. इसको 6 हफ्ते पे दोबारा भी तो बुलाना है ना शुगर के लिए. जी बिल्कुल, हाँ जी, तो इस तरह से फिर ये भी बताया था कि किस तरह से हमने उसको लेके चलना है, उसको फास्टिंग करवानी है 6 वीक्स पे, और जो है नहीं तो 13 वीक्स पे HbA1c कराना है. किसी और का कोई क्वेश्चन है निदा से 8 नवंबर पे तो वो पूछ सकती है. फिर हमारे साथ है डॉक्टर तैयबा, वो भी डायबिटीज ही बताएंगी आपको पोली पे कुछ. तैयबा, आप हैं अवेलेबल? जी जी डॉक्टर हीरा, बिल्कुल. ओके, मैं आपको होस्ट बना रही हूँ, आप अपनी पीपीटी शेयर कर लें. वेल डन हिना, यू डिजर्व. डॉक्टर हीरा,
आप ही कर देती हैं मेरी शेयर? हाँ हाँ मैं कर लेती हूँ. चले थैंक यू. तो हिना वाज अ वेरी एक्टिव कैंडिडेट इन आवर ग्रुप. जो उनको जानते हैं उनको पता होगा जो प्रीवियस एमसीपी से थे. और विद हिना अल्हम्दुलिल्लाह 39 प्लस कैंडिडेट्स जो हैं वो उनके साथ पास हुए हैं जिस ग्रुप में ये थी. और मैं ये नहीं कहती कि हिना सबसे अच्छी है, वो बाकी भी सबसे अच्छे थे, बट हिना के वोकल्स अच्छे हैं, कॉन्फिडेंट है. और आप ये देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुली उन्होंने अपना केस डिफेंड किया और मैनेज किया है इतने शॉर्ट टाइम में इतने ज्यादा टास्क. तो आई विश द सेम लक एज हिना हैज मेड फॉर हर. और देयर इज नो शॉर्ट की. एक जो हार्डवर्क है ना या सक्सेस है उसके लिए कोई शॉर्ट की नहीं है. आपको एफर्ट करनी ही पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी और फिर इंशाल्लाह यू विल बी फ्रूटफुल एंड सक्सेसफुल. चलें मैं अब डॉक्टर तैयबा का बता दूं. तैयबा भी मेरी बहुत अच्छी स्टूडेंट है, अब तो कंसल्टेंट है और बड़ी कंसल्टेंट हो गई है. एंड शी वॉज गोल्ड मेडलिस्ट एज वेल एंड शी गॉट वेरी स्वीट वोकल्स. एंड आप सुनेंगे इनको तो यू विल एंजॉय. मैं भी इनका शेयर करती हूँ पीपीटी. ओके आपकी कोई और किसी ने कुछ पूछना हो तो मुझसे या हिना से पूछ सकते हैं. अस्सलाम वालेकुम मैडम. वालेकुम सलाम मैडम. डॉक्टर हिना का गायनी केस भी डिस्कस कर लें. हिना करती रहेंगी, हिना हमारे साथ ही हैं. ठीक है. एक्चुअली आई हैव प्लान्ड एट 9 o'clock अ सेशन विद डॉक्टर मैविश. वो भी मेरी बहुत अच्छी कैंडिडेट है. शी विल डिस्कस एनीमिया केस विद यू पीपल. और कल भी एक सेशन होगा ऑनकोलॉजी का. तो ये 2-3 डेज की एक्टिविटीज हैं. दे आर टोटली फ्री एंड वी विल डिस्कस मल्टीपल केसेस. जो भी नवंबर में क्लिनिकल केसेस आए हैं, बिकॉज आई टोल्ड यू कि ये मास्टर सेशन है, उसको छोटे छोटे और मैंने सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया ताकि आप अच्छे तरीके से अब्सॉर्ब कर सकें. ठीक है. तो नो वरीज हिना, इधर ही हिना कहीं नहीं जा रही. जी मैडम, लाहौर केस वाला ये केसेस सारे डिस्कस करा लें प्लीज. ओके ओके मैम, इस सेशन की भी रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा. यस जस्ट एक मिनट, मुझसे इनकी पीपीटी नहीं मिल रही. अच्छा मेरे पास है, अगर आपको टाइम है तो मैं इधर से कर लेती हूँ. मैंने तो कहा था आपको इसमें एडिट करिए ना तो आपको आसानी हो जाएगी. हाँ आ गई है अब. चलो मैं कर लूंगी. अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द कैंडिडेट्स. पहले तो थैंक यू सो मच डॉक्टर हिरा, आप बहुत ज्यादा ऑब्लाइज कर देती हैं. आप सब जैसी ही स्टूडेंट हूँ. मैं भी स्टूडेंट रही हूँ डॉक्टर हिरा की और इन्हीं की मोटिवेशन से ही मेरा एग्जाम निकला हुआ है. सो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं डॉक्टर हिरा के साथ थोड़ा सा भी अपना ये एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ. जो अभी केस डिस्कस किया है डॉक्टर सॉरी मुझे उनका नाम भूल गया, अभी डॉक्टर डॉक्टर हिना हाँ जी, मेरा वाला भी ऑलमोस्ट उसी से मिलता जुलता है. ठीक है. उसमें बहुत सी चीजें हैं जो आप लोगों की ओवरलैप हो जाएंगी. एक दो क्वेश्चंस के मैं आंसर कर दूं जो डॉक्टर हिना ने नहीं दिया था. कि शी सेड के एमनियो रिडक्शन करने के बाद आप करते ही तब हैं व्हेन यू हैव टू डिलीवर. ऐसा नहीं है. उसमें ये होता है कि आप बाज़फा पेशेंट अर्ली सिम्टोमेटिक भी हो जाते हैं ना. अगर बेबी की वायबिलिटी उस टाइम नहीं है और वो अर्ली सिम्टोमेटिक हो गया तो आप रिपीटेड सेशंस कर लेते हैं एमनियो रिडक्शन के टू टेक द बेबी टू टर्म. ठीक है. थोड़ी मेच्योरिटी तक ले जाने के लिए आप कर सकते हैं. और सेकेंडली एक और क्वेश्चन किसी कैंडिडेट ने पूछा था रिगार्डिंग के कितने ml कर सकते हैं. तो डॉक्टर हिरा ने उसका बड़ा अच्छा क्लियर एक क्रिस्प सा दिया था कि आप नॉर्मल पेशेंट को सिम्टोमेटिक रिलीव करना होता है उसका एम, तो वहां तक करते हैं. सेकेंडली कि अपर लिमिट ऑफ नॉर्मल तक करते हैं. और थर्ड उसका ये है कि उसकी क्वांटिटेटिव है 1000 ml तक आप इन 24 hours कर सकते हैं. ठीक है. मतलब जो क्वांटिटेटिवली उसका कहते हैं उसको इतना कर सकते हैं. और इसके अलावा कोई और क्वेश्चन नहीं था. चले अगर कोई होगा तो इस वाले केस के साथ वो भी आप लोगों का होपफुली क्लियर हो जाए. अच्छा तो ये वाला जो केस है ये भी ऑलमोस्ट सेम है. 28-year-old लेडी अनबुक ग्रेवडा 3 para 2 विद 1 alive इश्यू प्रेजेंटेड विद पोलीहाइड्रोमियोस विद डी रेंज ब्लड शुगर लेवल्स फॉर फीटो मेटरनल सर्वेलेंस एंड शी इज ऑन इंसुलिन. ठीक है. बहुत डेफिशिएंसी जैसे आएगी आपको एग्जाम्स में आई, मैंने जितने लोगों से पूछा इसी तरह की आप लोगों की होगी.
और उसी में से आपने अपना केस बिल्डअप करना है, ठीक है। तो अब व्हाट आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इन हिस्ट्री, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इन एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन, मैनेजमेंट आउटलाइन, और मैनेजमेंट थी सीवियर मैनेजमेंट ऑफ अ पेशेंट विद वॉकिंग डिफिकल्टी, दैट वॉज इम्प्लॉइंग के पेशेंट इज हैविंग सीवियर पोलीहाइड्रोमनिया, तो उसकी क्या मैनेजमेंट होगी, ठीक है। सो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि वो पेशेंट जो है वो तो आपके पास है, उसके ये दो तीन पॉइंट्स लिखे हैं, तो अब आपके फर्दर हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या होंगे। वो आपने डायबिटीज के करने हैं कम्प्लीट, और एक कॉज उन्होंने पोली का दिया हुआ है, ठीक है। डायबिटीज ये नहीं है कि अब आपने बाकी पॉइंट्स इग्नोर कर देने हैं, आपने एक पहले तो अपनी डायबिटीज और पोली के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको करके, इफ यू आर हैविंग अ टाइम, और वही बात है आपकी प्रैक्टिस होगी तो ओनली यू कैन डू दैट देन, तो आपने बाकी कॉजेस को भी रूल आउट करने की साथ ही अटेम्प्ट करनी है। अब इसमें पेशेंट की एलएमपी नहीं दी हुई, जिस्टेशन एज बस लिख दी है मेंशन, आपने उसको रीकन्फर्म करना है, उसके ऊपर रिलाई नहीं करना। जैसे डॉक्टर हिरा ने आप लोगों को स्टार्ट में बताया, हिस्ट्री आपने उसी कॉन्टेक्स्ट में लेनी है, उसी टाइम में जितना आपके पास होगा। सो एलएमपी आपने रीकन्फर्म करनी है, जनरल बायोडाटा पेशेंट का रीकन्फर्म करना है, फिर आपके पास उन्होंने डायबिटीज दिया हुआ है कि डी रेंज ब्लड शुगर लेवल्स के साथ है, तो आपने पोलियूरिया, पोलीडिप्सिया, पोलीफेजिया की हिस्ट्री, देन वजाइनल डिस्चार्ज, यूटीआई, न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी, गैस्ट्रोपैथी, रेटिनोपैथी, विच आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज बेसिकली, क्योंकि पेशेंट को एक कॉम्प्लिकेशन हुई हुई है विच इज पोलीहाइड्रोमनियोस, ठीक है। सो बाकी कॉम्प्लिकेशन भी रूल आउट करनी है, यहाँ कहीं मेंशन नहीं है दैट जेस्टेशनल डायबिटीज, क्रॉनिक डायबिटीज है, टाइप 2 है, टाइप 1 है, बट वो ऑन इंसुलिन है, तो इंसुलिन तो जेस्टेशनल डायबिटीज में भी होती है, पेशेंट की टाइप 2 है उसमें भी होगी। सो आपने रूल आउट सारा करना है अपना, देन अनीमिया, हाइपरटेंशन, थायराइड एंड थ्रोम्बोफिलिया जो हमारी हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में हमेशा हमने करने होते हैं, वो हमने इनको रूल आउट करना है, क्योंकि ये ऑटोइम्यून डिजीजेज हैं, दे इंटरलिंक विद ईच अदर। सो देन अब आपका आ गया कि पोलीहाइड्रोमनियोस उन्होंने मेंशन किया हुआ, तो उसके साथ उसके साइन एंड सिम्टम्स आपने क्विकली गो थ्रू कर लेने, टाइम स्टेशन के ऊपर बहुत थोड़ा होता है, तो ये वही बात है कि इफ यू आर प्रैक्टिस एनफ ओनली देन यू कैन प्रोड्यूस इट वेरी वेल ना। सो क्या एब्डोमिनल पोलीहाइड्रोमनियोस के साइन एंड सिम्टम्स है, एब्डोमिनल गर्थ, एडीमा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, वॉकिंग सिम्टम्स, ब्रीदिंग डिफिकल्टी, वॉकिंग डिफिकल्टी, एपिगेस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट, बर्निंग, देन प्रेशर सिम्टम्स, वेरिकोस वेन्स आ रही हैं, इवन हेमराइड्स तक पेशेंट्स को ड्यू टू दिस हो जाते हैं, ठीक है। देन आपने उससे लिखा हुआ है कि पेशेंट इज ऑन इंसुलिन, कुछ नहीं मेंशन विच इंसुलिन, व्हाट इज द डोजेज, व्हाट इज द मैनेजमेंट, कुछ भी नहीं है। सो यू हैव टू आस्क फ्रॉम द पेशेंट क्विकली इंसुलिन के रिगार्डिंग, वो जो हम लोगों ने हमेशा करना है कि उसका कंट्रोल कैसा है, उसको इंजेक्ट कौन कर रहा है, उसको मैनेज कौन कर रहा है, उसको डिस्कार्ड कौन कर रहा है, और यूनिट्स क्या है उसके, ठीक है, टाइप ऑफ इंसुलिन एंड ऑल दैट। ये आपकी इस वाले पॉइंट में सारे इंसुलिन कवर हो रही है, और यू शुड हैव अ ग्रिप ऑफ इट, क्योंकि एग्जामिनर ने नेक्स्ट आपसे पूछना ये है हिस्ट्री के बाद। एंड देन जो इसके रिस्क फैक्टर्स पोलीहाइड्रोमनियोस में, जैसे कंजेनिटल एनोमलीज की वजह से हो सकता है, या प्रीवियस प्रेगनेंसी में उसकी क्या हिस्ट्री थी, इडियोपैथिक था या उसमें भी कोई कॉज था, या फैमिली हिस्ट्री थी, ट्विंस तो नहीं है जो इतना, अगर उसका फंडल हाइट अगर उसकी ज्यादा आपको एग्जामिनेशन मिल रही है, सो यू हैव टू रूल आउट टॉर्च इन्फेक्शन का हो सकता है, ठीक है। तो आपने हिस्ट्री में When you आपका पूरा लेआउट आउटलाइन बनी होगी जो आपने अपने फिंगर टिप्स पे याद की हुई है, यू कैन इजिली गो थ्रू दीज हिस्ट्री पॉइंट्स, और वो आप देख के नेक्स्ट स्टेशन पे जा सकते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट आपका स्टेशन आ जाएगा इन्वेस्टिगेशन, एग्जामिनेशन एंड इन्वेस्टिगेशन। अब एग्जामिनेशन भी आपने उसी स्टेशन पे करना है, वही 10 minutes, 11 minutes के टाइम में। तो इन्वेस्टिगेशन में क्योंकि आपने एबडोमिनल रूटीन आपने नहीं करना है अगर उसमें, तो आपने जो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करना है उसमें भी यू हैव टू लुक आउट फॉर ऑल द, अब क्योंकि पोलीहाइड्रोमनियोस एंड डायबिटीज टू रिस्क फैक्टर्स यू आर ऑलरेडी गेटिंग, सो आपने उनको क्विकली फॉलो करना है कि पोलीहाइड्रोमनियोस के साथ क्या हो रहा है, उसका एब्डोमिनल गर्थ क्या है, आर यू इजीली एबल टू मेजर दैट और नॉट, फ्लूइड थ्रिल आपको अप्रिशिएबल है कि नहीं, फीटल पार्ट्स तो डेफिनेटली आपने एग्जामिनेशन में बताना भी है कि डिफिकल्ट टू पल्पेट है फीटल पार्ट्स, और फंडल हाइट इंक्रीज है, पोली बताए तो कितनी इंक्रीज है, उसी से आप असेस कर लोगे कि कितना मार्क्ड है, लेस है, एंड देन टेंस टेंडर यूट्रस है कि नहीं। देन आ जाता है जी उसके जो नेक्स्ट आ जाते हैं कि आपका उसका पीरियल एडीमा है, वेरिकोस वेन्स है कि नहीं है, इंसुलिन की इंजेक्ट साइट आपने पेशेंट से खुद भी पूछनी है, खुद असेस भी करनी है कि कहाँ पे वो इंसुलिन इंजेक्ट करती है, अगर वो एब्डोमिनल क्लॉकवाइज कर रही है, थाइस पे कर रही है, यूजुअली बेली में कर रही होती है,
पेशेंट से आप जब तक पूछेंगे नहीं यू कांट कमेंट ऑन दैट, वो फिर आप समराइज कैसे करेंगे अगर एग्जामिनर आपसे उसके ऊपर क्रॉस क्वेश्चन करता है, यू आर नोवेयर देन ना. सो आपने नेक्स्ट आपने ये एग्जामिनेशन के बाद इन्वेस्टिगेशंस का आ जाता है रिलेटेड. अब जिस तरह डायबिटीज विद पोली दिया हुआ है तो आपने उसके रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन जो जो आपके जहन में आती है विद सीक्वेंस और जो आप लोगों ने याद की है, जो आप लोगों ने अब तक अपने टेम्पलेट्स बना लिए हुए हैं, यू आर गोइंग फॉर दैट. अगर आप उस टाइम सोचते रहेंगे ये कराऊं ये ना कराऊं, देन यू आर नोवेयर. ठीक है. सो वही ग्रुप आर फैक्टर सीबीसी हो गया, डेट्स आपने लेनी होती है जैसे एग्जामिनर से, वही डेट वो आपको कोई पुरानी दे रहा है, स्पेशली ये डायबिटीज के पेशेंट में तो बहुत होता है कि अगर आप उससे इंसुलिन लेवल्स मांगते ब्लड शुगर लेवल्स पूछते हैं, वो आपको कोई पुराना उठा के दे दे, आप उसी के ऊपर नहीं, आपने स्पेसिफिकली पूछना होता है कि इट्स बिफोर द स्टार्ट ऑफ इंसुलिन क्या थे, आफ्टर स्टार्ट ऑफ इंसुलिन क्या है, उससे आपने क्या जज करना होता है कि आपकी इंसुलिन की यूनिट जो आपने स्टार्ट की है आर दे हेल्पिंग द पेशेंट to control the diabetes or not. All right? So fundoscopy, echo and cardiac consult क्यों हम करा रहे होते हैं chronic diabetes को rule out करने के लिए, अगर कोई long standing diabetes ही तो उसमें ये changes आते हैं, so आपने इसको भी साथ लेके चलना है. Then RFT, serum electrolytes का specially role होता है, अगर patient insulin पे है you are going for that at all. उसके बाद blood sugar levels, HbA1c, OGTT, are they स्पेसिफिक फॉर दैट पेशेंट इन दैट जेस्टेशन, और आप अगर आप मांग रहे हैं तो आपने फिर जस्टिफाई करना है कि इस जेस्टेशन पे आपने लिया तो क्यों लिया, आपने कराना है कि नहीं कराना, या इसका पिछली दफा हुआ हुआ है, इज द पेशेंट डायग्नोज और आपने अभी डायग्नोज किया है इस एडमिशन के ऊपर पेशेंट को. ठीक है. सो आप कुछ भी मांग रहे हैं यू शुड हैव अ जस्टिफिकेशन ऑफ दैट, और आपको याद होगा, प्रैक्टिस होगी, ओनली देन यू कैन प्रोड्यूस दैट. देन उसके बाद ये मेटर्नल हो गई है तो आपने आगे फीटल इन्वेस्टिगेशंस भी लेनी होती है. जैसे हम लोगों ने इनको इन्वेस्टिगेशंस को डिवाइड किया हुआ है तो फीटल में आपकी सीटीजी, फीटल के का चार्ट आता है एंड देन एनएमडी स्कैन और फीटल एको हो जाती है. ठीक है. और अगर ये कोई दूसरा केस था, यूजीआर टाइप सा जा रहा है या समथिंग लाइक दैट, तो आपको डॉक्टर भी समटाइम इन केसेस में लेना पड़ सकता है. लेकिन क्योंकि ये वाला मेरा केस जो है मोस्टली ऑन पोलीहाइड्रोमनियोस लाइंस है, इसलिए मैं उधर नहीं जा रही. ठीक है. पोली है और डीरेंज ब्लड शुगर लेवल की वजह से है, तो ये छोटा सा ना कंसाइज सा केस है जिसमें आपको समझ आ रही है रीजन भी क्या है और आप उसी के अराउंड मूव कर रहे हो. ऑलराइट. सो नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन भी होगी, देन आती है आपकी मैनेजमेंट. अच्छा, अब मैनेजमेंट इसमें एक तो इस पेशेंट की मैनेजमेंट पूछी गई थी और एक पेशेंट की पोलीहाइड्रोमनियोस की, जिसमें कहा था कि पेशेंट इज हैविंग अ वॉकिंग डिफिकल्टी, सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू. ऑलराइट. सो जनरल मैनेजमेंट के स्टेप, if you are going to learn it step wise manner, it's going to help you a lot. like aapse ye hum logo ne jaise dr hira se jab yaad kiya tha to ye four steps jaise hum logo memorize nahi ho gaye the, neend mein bhi hum log ye bolte the aur hamari management kabhi skip nahi hoti, point rehta nahi hai isme. to aapne ye four steps is tarah se yaad karna, you are not going to skip your management, complete hoti hai aap log ye management. स्टेप वन में यू हैव टू कम्प्लीट योर मिसिंग इन्वेस्टिगेशन. आपने एग्जामिनर से कहना है, वो आपको दो चार बताएगा, आपसे आपने दो चार बताई है, सो आपने कहने इन एनी केस पेशेंट एडमिट हुआ है आपकी इन्वेस्टिगेशन स्किप होती है, सो यू सेड आई एम गोइंग टू कम्प्लीट माई मिसिंग इन्वेस्टिगेशन. स्टेप टू में आपने पेशेंट की काउंसलिंग करनी होती है. क्या काउंसलिंग कर रहे हैं आप, कि काउंसल द पेशेंट फॉर द नीड ऑफ स्टे, फॉर द फर्दर इन्वेस्टिगेशन, फॉर मोड ऑफ डिलीवरी, फॉर द टाइम ऑफ डिलीवरी, आपने पेशेंट को बताना है. ठीक है, आप जब एडमिट कर रहे हो. उसके बाद स्टेप थ्री में आपका, अब आपकी मैनेजमेंट आ रही है टुवर्ड्स द पेशेंट, उसकी बेटरमेंट के क्या है, एम टू अचीव नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल्स, किस तरह से आपने करनी है, बाय डाइटरी मॉडिफिकेशंस, बाय लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, बाय मेडिकेशन, बाय कंट्रोलिंग द कॉम्प्लिकेशन. और हमारे केस में क्या कॉम्प्लिकेशन थी, पोलीहाइड्रोमनियोस, वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताती हूँ. लेकिन आपने इस मैनेजमेंट को यहाँ पे भी डिस्क्राइब करना है कि मैडम आई एम गोइंग टू, माय एम ऑफ द मैनेजमेंट इज टू कंट्रोल द नॉर्मल, टू अचीव नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल्स. हाउ आई एम गोइंग टू डू दैट, आई एम गोइंग टू डू द dietary modification, I am going to do the lifestyle modification, I am going to introduce these medications, I am going to control the complications, insulin ke units badha rahi hu, ye kar rahi hu, ye dene hai, isko aise monitor karna hai. All right. And then the fourth step is during hospital stay management aapne batai, then after the discharge and after and next when you are going to have a follow up of this patient. jab tak aap ye charo points nahi batayenge, you are not going to pass your management स्टेशन. ऑलराइट. सो अच्छा, इससे पहले मैंने इसमें स्लाइड नहीं बनाई हुई, उसमें था कि पोलीहाइड्रोमनियोस है, जिस तरह वो था कि हाउ विल यू मैनेज अ पेशेंट इफ शी इज हैविंग अ वॉकिंग डिफिकल्टी, व्हाट डज दैट मीन. वो तो क्लियरली इंप्लाई कर रहा है कि पेशेंट इज हैविंग अ सीवियर पोलीहाइड्रोमनियोस, तो उसकी मैनेजमेंट तो बहुत सिंपल है. देखिए, एक चीज यू आर ऑलवेज गोइंग टू रिमेंबर, यू आर नॉट गोइंग टू
मैनेज ऑन द बेसिस ऑफ AFI. आप यहाँ पे कहो मैडम मैंने मुझे AFI लेवल्स बता दें, वो अपर बॉर्डर लाइन लेवल्स पे आ रहे हैं और हायर के और उस पे, और आप कहो कि अब मैं इसको कैसे मैनेज करूँ. नो, यू आर गोइंग टू मैनेज द सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट. ठीक है, पेशेंट को सिम्टोमेटिकली पोलियोहाइड्रोमियस को पेशेंट को मैनेज करना होता है. सो आपने क्या कहना है, सिवियर उसको प्रेशर सिम्टम्स है, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी है, वॉकिंग डिफिकल्टी है, इनडाइजेशन है. सो आई एम गोइंग, आई विल counsel my patient that she is having a high risk pregnancy. She is having pregnancy with polyhydramnios, that is, she is having an increased amount of Likert around her baby and she has deranged blood sugar levels. Okay? Then I will explain her the diagnosis. I will counsel the maternal and fetal implications of this on the on her pregnancy. Then my plan of management is to relieve her symptoms and take the pregnancy as close to term as possible. This is your management, all right? Then as she's having so and so and so symptoms, like as my patient is having walking difficulty, so my plan of management is amniocentesis, amnioreduction, all right? So I am going to counsel the patient regarding the procedure, its side effects, and also counsel that it's not the definitive treatment, okay? It's not curative at all. It's फ्लूइड अभी जैसे डिस्कस हो रहा था बार बार, फ्लूइड तो 24 घंटे में फिर एक्यूमुलेट हो जाएगा, उसकी शुगर कंट्रोल नहीं है और डिफ्यूजन ऑस्मोसिस से इसका फ्लूइड बैलेंस डिस्टर्ब हुआ है, तो ये तो 24 आवर्स में फिर आ जाएगा. और पेशेंट कहेगा आपने तो मैं ट्रीटमेंट किया, मैं तो ठीक नहीं हुई. ये आपने करने से पहले पेशेंट को काउंसिल कर दिया कि इट्स नॉट डेफिनेटिव ट्रीटमेंट, सो आई एम गोइंग फॉर एमनियोसेंटेसिस. ठीक है, दिस इज योर मैनेजमेंट, हाउ यू आर गोइंग टू टेक योर केस ऑफ स्पेशली जो पोलीहाइड्रोमियोस विद डीरेंज ब्लड शुगर लेवल्स आ रहे हैं. So, इसकी फर्दर स्टडी में एग्जामिनर आस्क द टाइप्स ऑफ इंसुलिन, हाउ टू स्टार्ट इंसुलिन, व्हाट इज ग्लाइसेमिक इंडेक्स, व्हाट इज डाइट चार्ट, एंड हाउ आर यू गोइंग टू इंड्यूस द लेबर. एंड वो ये सब अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस हुआ है कि 37 to 38 वीक्स पर लेके जाना एम होता है, प्रोवाइडेड आपकी कॉम्प्लिकेशन कंट्रोल हो और आप पेशेंट को सेफ एंड साउंड बेबी एंड मदर को एज क्लोज टू टर्म एज पॉसिबल लेके जा सकें. कोई भी ऐसे रेजीम जिससे आपका पेशेंट ठीक होता है, दिस इज द बेस्ट रेजीम. देयर इज अ नो एब्सोल्यूट रेजीम. 100 regimes हैं, हर यूनिट अपने अंदाज से कर रहा है, बट द स्टैंडर्ड वन इज बेसल बोलस, जिसमें एक आपके पास शॉर्ट एक्टिंग हो और एक आपके पास इंटरमीडिएट या लॉन्ग एक्टिंग हो, दैट्स ऑल. ठीक है, और हर बंदे की इंसुलिन कैलकुलेशन डिफरेंट है. ये नहीं है कि लाइक आपने स्टैट वो डिवाइड किया वेट से चला दी. हर बंदे की इंसुलिन रेजिस्टेंस डिफरेंट है, मेटाबोलिज्म डिफरेंट है. दिस इज जस्ट लाइक हिट एंड ट्रायल मेथड, जैसे पेसरी का होता है. ठीक है, हाँ, आपको वेट से और ट्राइमेस्टर से अंदाजा हो जाता है कि स्टार्ट कितने से करना है, उसके बाद फिर आप उसमें ऐड करते हो या डिक्रीज करते हो. और ये इसमें बहुत कंट्रोवर्सीज हैं, आपने कंट्रोवर्सीज में नहीं करना. आपने बोलना मैडम देयर आर लॉट ऑफ रेजीम्स, बट दैट वन इज आवर यूनिट रेजीम, इससे हम ऐसे मैनेज करते हैं. और मैडम की जो मर्जी रेजीम हो वो कहे मैडम दिस इज आल्सो प्रैक्टिस्ड, इट डिपेंड्स ऑन प्रोटोकॉल्स. तो इस पर बहस ही नहीं करनी क्योंकि ये बहस खत्म ही नहीं होगी. चलो, वेल डन तैयबा. सो पहले तो मैं को अप्रिशिएट करती थी, अब सब करेंगे इंशाल्लाह. बहुत अच्छा आपने स्टेशन लिया है. और एनी अदर क्वेश्चन जो आप पूछना चाहें स्टेशन से, तो ठीक है फिर हम एक और स्टेशन कर लेते हैं. आज हमारे पास क्वेश्चन है प्लीज. हाँ हाँ, व्हाई नॉट, पूछे. मैम ये गाइडलाइन बताइएगा कौन सी नाइस पढ़े डायबिटीज के लिए या SOGP वाली. बहुत अच्छा क्वेश्चन और बड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है. चले मुझे आप बताएं, हाउ व्हाट शुड वी फॉलो, SOGP या नाइस? मैम SOGP आई थिंक सो. बाय. बिकॉज़ हमारी जो करंट पॉपुलेशन में जो मैनेजमेंट फॉलो होती है तो फिर उसी को ही हमारे कंसल्टेंट ज्यादा तो करेंगी. पहले तो नाइस करते थे लेकिन नहीं, हमें नाइस क्यों नहीं फॉलो करनी चाहिए? चलें इस पे आप डिबेट बात करते हैं ना, क्यों हमें नाइस फॉलो नहीं करनी चाहिए? हम पेशेंट के लिहाज से जो उनके पेशेंट थोड़ी वेरिएशन होगी जो हैं वहां के और हमारे एशियन जो है, ये तो कोई डिस्टिंक्शन नहीं है. देखें जो नाइस है वो कौन सा डाटा फॉलो करती है?
वाइट पीपल का क्या ख्याल है? और हम कौन से लोग हैं? ब्राउन पीपल. हमारा मेटाबॉलिज्म डिफरेंट है. बाय डिफॉल्ट हमें फॉलो करनी चाहिए WHO की, जो कि जिसको अडॉप्ट किया SOGP ने. ठीक है, तो मैं तो मेरी फिर भी इसमें ये होती है कि एग्जामिनर्स को नाइस रटी हुई होती है, SOGP वाली हर एक को नहीं आती, क्योंकि थीरी होती है नाइस पे और वाइवा हो जाता है SOGP या WHO पे. तो वेन एवर यू वर आस्ट कि क्या आपका OGDT का क्राइटेरिया है और क्या आपके टारगेट लेवल्स हैं, आपने दोनों ही बताने हैं, नाइस का भी SOGP का भी, विच इज बेसिकली मॉडिफाइड फ्रॉम WHO. ठीक है, तो आपका क्वेश्चन किसी भी तरीके से ड्रॉप नहीं होगा. ठीक है, या एग्जामिनर से पूछ ले मैडम व्हाट डू यू लाइक एक्चुअली, कौन सा रहो. ठीक है, तो एग्जामिनर तो बड़ा खुश होगा, चलो भाई दोनों ही सुना दो. तो इस पे कंट्रोवर्सी से जितना निकलोगे ना उतनी अच्छी बात है मैडम, क्योंकि लास्ट टाइम एग्जामिनर जो है वो कह रहे हैं SOGP सुनना चाह रहे थे. नहीं, जो सुनना चाहते हैं हमें बता दें. नहीं, जो सुनना चाहते हैं हमें बता दें, हम सुना देंगे. आपने तो यही पूछा है ना. लेकिन अब तो कीज नहीं होगी सबके पास, एग्जामिनर्स के पास. अब तो स्टेशन के ऊपर हर कीज नहीं फॉलो मतलब हो रही आज. अब न्यू नहीं नहीं क्लिनिकल केसेस में नहीं फॉलो हो रही मैडम. अभी जो रिसेंट वर्कशॉप हुई है ना लेडी वेलिंगटन में, उन्होंने हमें बताया कि पहले मतलब जो लास्ट एग्जाम था उसमें हमारे ऊपर प्रेशर था कि की के अकॉर्डिंग जो बच्चा बता देता है. नहीं, क्लिनिकल केसेस में फॉलो होती भी नहीं है. लेकिन इस बार हमें स्पेशल इंस्ट्रक्शन आई थी, वो डॉक्टर किरण कह रही थी कि अगर बच्चा की के मुताबिक भी बताता है लेकिन आपको कहीं से भी लगता है कि ये सेफ सर्जन बन के नहीं निकलेगा तो आप उसका वो स्टेशन फेल कर दें. तो मतलब ये कि टोटली एग्जामिनर के ऊपर है वो मतलब. बिल्कुल बता. चले अरूज, हो हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम, आई एम फाइन डॉक्टर हिरा, हाउ आर यू? I am also fine. Long time. Aruj ne November, nahin, Aruj has passed his exam. July 2022 mein we faced for the first time this type of exam and it was a very big surprise and no one was knowing that what is going to be with us and we were not expecting anything but we hope good and we got the good reward and you make us study and practice and rehearsals so much that we didn't face any problem in the exam. Nice words, Aruj. आप भी माशाल्लाह बहुत एक्टिव थे. अरूज तो मेरी बहुत अच्छी कैंडिडेट थी. अरूज और मैं तो वन टू वन सेशन लेके ना वो क्रैश कोर्स की तैयारी कराते थे और अरूज बहुत अच्छा टाइम गुजरा आपके साथ एंड यू वर वेरी डेडिकेटेड और जिसका सबूत ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह यू आर कंसल्टेंट नाउ. थैंक यू सो मच. So I will first of all I would like to thank you Dr. Hira that you have given me opportunity to see the candidates in your group, that Med Home exam group, that is one of the best group going on in Pakistan for FCPS MCPS and you are the queen of FCPS, that everybody knows you, even the examiner knows you very well. Your books okay. And your you have your publications, they are already very impressed and they are also thinking to behave like you, to act like you, to make publications and to become famous. But it needs dedication, it needs dedication, it needs sincerity that you are throughout with your candidates whole day and night and you remain with them. As you are having your exam, it feels that you are also one of the candidate who is going to give exam with us. You have behaved like this. Thank you so much. Thank you, Jazakallah, Aruj, for such a nice words for me. Excellent. Let's start. But today, I have given the topic a very easy topic. But first, the message I want to give you all is do not give up. The beginning is always the hardest. Your hardest point, hardest time has already been gone. And the time I'm talking about your tough challenges that you have faced in your training, that 4-year exam training you have done throughout, the attitude of the supervisors, deans and the nursing staff, your family issues, your in-laws issues, husband cooperation and kids problem, that you are in the hospital and doing calls and day and night in hospital and nobody is there to take care of your children. You have faced all these situations, but thankful to God, be thankful that you have gone through it and that hardest thing is already gone.
now you are free, you can make a easy, you can focus your exam, you can make an easy schedule, happy schedule, and be persistent and have focus on your exam and take all the stresses out of your mind. One of the factor that the stress is one of the biggest factor which leads a good candidate to a failure side. So one message from me, from you all, that to take out all the stresses from your mind of giving the exam. It is only giving an exam, not the battle of life and death. There are so many blessings you are having already with you. You have your family, you have your home, you have your all the blessing that Allah Ta'ala has given you. So thankful to God and be persistent, be continuous, be sincere with your patients. Next slide, I want to show it to you. Please, Dr. Hina, change the slide. Bahut sare questions idhar aa rahe hain ke kindly discuss kare, ye scenario discuss kare, ye discuss kare. To iska bhi ek, maine ye ek image jo lagai hai, ke remember this thing that you are not studying to pass an exam. You are studying for the day when you are the only thing between your patient and the grave. Ab aapne exam ko is ye jo pattern chal raha hai, ye jo new pattern aaya hai, ye ab feeling aa rahi hai ki ye hard hai ya difficult hai. But believe me, if you have did a good training during your 4 years and you have taken a good OPD, you have did a good OPD in your setup, then there is no need to worry about. It is just like that you are doing your OPD. The exam is just like you are attending the 12 patients and you are facing them. And generally you have seen the hundreds of patients in a day and you have managed them very good already. But the exam day will consist only 12 patients and you have to perform. You don't have to act in the exam. You have to be sincere, be loyal. Whatever you have done in your training, in your OPD, you have to follow that. I hope you understand. Chale, let's come to the test. Let's come to the today's topic. IUGR, IUGR, one doctor. Okay, okay. Just take a minute. If someone is interested in doing volunteer case presentation, I will appreciate that candidate. Any volunteer who want to discuss this case, that case is so easy. And we used to see in daily routine life, any one volunteer. So I can also know the how much information and knowledge you are having so we get beyond that. If anyone interested, these are Noreen, Humaira, and many candidates are there. Adila, Humaira, Hina, Hafsa, Habiba, Atika, no one? The case is like this, that 30 years old lady, Gravida 5 para 4, came with the 30 weeks of her pregnancy with a scan handling, with a scan report showing small for gestational age. So your aims are, you have to see how will you proceed and you have to discuss your management plan. Today, as in the previous discussions, Dr. Hira and Dr. Tayyaba has given you how to present a case, how to take a relevant history, how to do examination and investigation, and finally to the management plan. So this is the sequence of your exam that you have to follow, that you have to read the scenario, you have to take the relevant history, then examination and investigation and management. In these nowadays, you have to do rehearsals. For example, many questions are being coming that how we will do the station in 10 minutes, just 12 minutes. It's depend on your rehearsals. You are struggling that how many cases you are doing rehearsals in the home. For example, this is a IUGR case. Going anywhere, doing any work in kitchen, cooking, or taking care of your kids or going to the garden,
you must keep in mind that you take a case in your mind and you keep on revising in your heart. Yeah, make a group, two or three ladies, you have to make a group and discuss that case. And bari bari aap ek dusre ko apne cases sunaye. Aur agar koi friend nahi bhi mil rahi, to mirror ke aage aap apna timer set karke, 10 minutes ka timer set karein aur aap start karein usko. To biodata is the famous among past ke hum sadiyon se sun rahe hain ke humne repo develop karna hai patient se. To sabse pehle jo kuch points aise hain jo exam mein jo aapko lazmi perform karne hain to get the wo 6-7 points jo sabko mil jate hain unme se kya hai aapne patient ko wish karna hai. Assalam alaikum. Theek hai, you have to introduce yourself. Aap jaise jaise practice karenge आपकी स्पीड बढ़ती रहेगी. ये आप जो सोच रहे हैं 10 मिनट्स में कैसे होगा, 10 मिनट जब आपके रिफ्लेक्सेस डेवलप होंगे आपने सलाम करना है. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उरूज हिना है. आपका नाम क्या? मिसेज अस्मा है. अस्मा आपकी एज 34 इयर्स है. कितनी पढ़ी लिखी हैं आप? ये शादीशुदा है? खानदान में शादी हुई है? कितने अरसे से शादी हुई हुई है? अच्छा, आप कोई जॉब करती हैं? कहाँ की रहने वाली हैं? आपके कितने बच्चे हैं? ठीक है, जल्दी से आपने ये करेक्ट करना. आप एजुकेशन का आप सोच रहे होंगे, रेलिवेंट हिस्ट्री में देखिए, एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट. यू हैव टू डेवलप अ रैपो. अगर एक पेशेंट बिल्कुल ही अनएजुकेटेड है तो आपने उसके लेवल पे पेशेंट से बात करनी है. एक पेशेंट है, लॉयर है, शी इज ऑलरेडी अ डॉक्टर, तो आपने उसके लेवल पे रह के उसके साथ डिस्कस करना है. तो दिस इज इम्पॉर्टेंट. एक अगर ऑक्यूपेशन अगर आप सोच रहे हैं कि अनइम्पॉर्टेंट थिंग है, तो वन लेडी इज डूइंग अ जॉब, इज ही हैज अ जॉब, शी हैज अ बर्डन ऑफ many things in her office and she's stressed up with her job commitments. So aapne us cheez ka bhi khayal rakhna hai ki uski job ki commitments to nahi suffer ho rahi is condition ki wajah se jis wajah se wo mere paas aayi hai. To is biodata mein har biodata mein aapki importance hai. Next slide kare. Fir aapne uski last menstrual period karni hai, expected date of delivery nikalni hai. Jo aapko Dr. Hira ne bataya ki BMI usually patients ko nahi pata hota, लेकिन वही जो हमारे कुछ एग्जाम पैटर्न में आ गए थे जिसमें ये रोल प्लेयर को पता था कि बीएमआई कितना है. तो वी आस्क्ड अबाउट द बीएमआई एंड वी आस्क्ड अबाउट द ब्लड ग्रुप एज वेल, बिकॉज दीज टू थिंग्स आर दोस विच वी हैव टू डू इन द सर्विलेंस. के ब्लड ग्रुप में अगर आर एच इनकॉम्पैटिबिलिटी का कुछ है इसमें खतरा, तो हमें ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए ताकि हम उनकी टाइमली एंटीबॉडी टाइटर्स करा सकें और उनकी सेंसिटिविटी को चेक करें. बीएमआई का हमें पता होना चाहिए. आईयूजीआर का केस है तो बीएमआई इज अ वेरी मेजर फैक्टर. आप अगर बीएमआई 35 से अगर पेशेंट का ज्यादा है तो आपको स्टार्ट में ही उसका एक रिस्क फैक्टर मिल जाएगा जो आपको आगे पेशेंट को मैनेज करने में आपको आसानी. फिर आपने उनसे पूछना है भाई आप यहाँ किस मसले से आई हैं, वो आपको अपना मसला बताएंगी. और अगर रोल प्लेयर है जो कि हो सकता है एक्सपेक्टेड आपका रोल प्लेयर हो, she will give you a very good presenting complaint. Believe me, she will tell you herself that what's going wrong with her. और अगर history patient अगर आ गई है तो उनको भी trained करके ही दिया है. अगर वो patient आपको सही history नहीं दे रही तो you have a small time. Your examiner will help you in giving the relevant history. No one examiner will try to discourage you. No one will try to hurt you. Or no one will try to irritate you or make her faces. All the examiners are very good, very cooperative. They will appreciate your efforts and they will always help you to take along the case. So, aap is cheez ko believe kare ki aapke questions aapke chalte rahe aur aapne khamosh nahi hona. Patient agar nahi aapko bata pa rahi, aapki examiner aapko bata degi. Ab iski presenting complaint thi 30+6 weeks. फॉर बुकिंग. अब इसमें ग्रेविडा 5 पैरा 4 है लेकिन उसके अलाइव इश्यूज कितने हैं, ये बायोडाटा में वो केस सिनेरियो में नहीं लिखा हुआ. तो आप उससे पूछेंगे अच्छा 4 बच्चे हैं आपके, कितने जिंदा हैं? बोले भाई 3 जिंदा हैं. आपने पूछा भाई कैसे डिलीवरी हुई एसवीडी ऑपरेशन, तो आपको बता देगी. इस वक्त आपका ये भी क्लियर हो जाएगा टाइम और मोड का डिलीवरी. अच्छा LMP, अब IUGR का है आपका क्वेश्चन, तो सबसे पहले आपको उसकी LMP को श्योर किस तरह आप करेंगे. आपने कुछ क्वेश्चन ऐड करने हैं कि आर यू श्योर अबाउट योर लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड. बहुत सारी पेशेंट्स हैं दे आर नॉट श्योर ऑफ योर डेट, तो वो आपको बोलेंगी हमें डेट याद नहीं. तो ऐसे हालात में IUGR में आपने उनकी फिर हिस्ट्री में उनको हेल्प करनी है. कोई
इस्लामिक कैलेंडर में कोई रमजान, मुहर्रम, क्रिश्चियन है तो वो उसकी ईस्टर, उसका क्रिसमस, ये आपको पता होने चाहिए कि किस तरह उनके कैलेंडर्स को आपने कैलकुलेट करना है. IUGR में सबसे पहले कंफर्म करना है, इज शी श्योर ऑफ हर डेट्स और शी इज टेलिंग यू द रॉन्ग डेट्स. तो आपने उसके डेट के हिसाब से 30 वीक्स बना दिया और सिम्फाइजोफिंडल हाइट आपकी 26 आ रही है, तो पहला पॉइंट आपका निकल जाएगा. एंड हाउ विल यू कंफर्म हर डेट? If she is not sure of her date, you will ask about the old previous record. If you are having, please kindly give it to me. Any old scan? तो आपने उसकी old scan का आपने ले लिया और बहुत जो आपने fetal जो check करनी है आपने gestational age exact जो CRL का 11-13+6 तक का है 45 mm to 85 mm तक की जो range होती है, so that is the most accurate. Early viability scan from which you can see her gestational age, and you will compare that gestational age with her LMP, and if that correspond, both of these correspond to each other, means the patient date are fine, and the symphysiofundal height is less, so means that she is already, yes, she is a suspicion of small for gestational age. फिर आगे जाएंगे पास्ट गायनेकोलॉजिकल हिस्ट्री में, पास्ट ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री में जाएंगे, जो हमने पहले ही पूछ लिया कितने बच्चे जिंदा कितने हैं, मिसकैरेज हुए तो उनकी डिटेल, कब डिलीवर हुए, कोई ओल्ड हिस्ट्री. अब ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री में और जो एक दो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट आपने पूछने हैं शॉर्ट टाइम में, बेशक IUGR आ रही है कोई बात नहीं, आपने उनसे पूछना है एनी कोई हिस्ट्री शोल्डर डिस्टोशिया की तो नहीं, कोई बच्चा फंसा तो नहीं पहले, आपके कोई PPH तो नहीं हुआ. ये सारी पॉइंट्स आपने हर केस में पूछने हैं, हर केस में आपने शोल्डर डिस्टोशिया की हिस्ट्री को रूल आउट करना है, हर केस में आपने PPH को रूल आउट करना है, क्योंकि दीज आर द थिंग्स दैट कैन अकर. अब शोल्डर डिस्टोशिया अगर एक पेशेंट को हुआ हुआ है तो मींस 10-fold इट इज मोर इम्पॉर्टेंट, मोर पॉसिबिलिटीज 10-fold कि शी विल डेवलप द शोल्डर डिस्टोशिया. फिर अगर शोल्डर डिस्टोशिया की हिस्ट्री है भी तो इज द बेबी फाइन, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि भाई बेबी फाइन है तो ठीक है, आप उसका नॉर्मल का ट्रायल ले सकते हैं आफ्टर डिस्कशन, बट अगर बेबी को आप स्पेल्सी हो चुका है, आपका तो पूरा प्लान डिलीवरी का ही चेंज हो गया, मोड ऑफ डिलीवरी चेंज हो गई, वो बेशक डायबिटिक है, वो बेशक IUGR है, वो बेशक एनीमिक है, कोई भी आपने उसका प्लान इलेक्टिव सिजेरियन करना है, तो दीज पॉइंट्स आर इम्पोर्टेंट, यू हैव टू गो थ्रू इट. नाउ कमिंग टू द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन में भी आपको बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है फ्रॉम टॉप टू, आपके एक मिनट में जनरल फिजिकल, और इस तरह भी होता है कि आपने हिस्ट्री ले ली, आपने एग्जामिनर को बताना है कि मैडम आफ्टर ऑल द रिलेवेंट हिस्ट्री आई वुड लाइक टू डू एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट. द एग्जामिनर विल टेल यू दिस एग्जामिनेशन इज दिस, हर BMI इज दिस, हर वाइटल्स आर नॉर्मल एंड ऑन पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, हर सिम्फाइजियोफंडल हाइट इज 26 वीक्स. नाउ हाउ विल यू प्रोसीड? अच्छा देन आप क्या करेंगे, अब आप रूल आउट करेंगे, यू हैव टेकन ऑल द हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट एंड यू हैव एग्जामिन योर पेशेंट. अब आप आ जाए डॉक्टर हीरा उस पे जाए, आ जाए तो जो एक IUGR का हमारा इम्पोर्टेंट चार्ट है कलरफुल, जब आपकी हिस्ट्री अच्छी हो जाएगी तो आपने ये जो माय टारगेट फॉर टुडे टू दीज कैंडिडेट्स इज टू मेक देम लर्न ऑल दीज रिस्क फैक्टर्स बाय हार्ट, management of the small for gestational age and IUGR is just depend on two charts, one is this and the next I will show in next time, next few minutes, yes this. So whole of the guideline you will go through these both algorithms. If you will learn these both charts, believe me, you are able to manage the IUGR not only in the exam, in the daily routine OPD, you will not feel any difficulty in managing your patient and in taking out the risk factors. Hum ye aksar sochte hote OPD mein hai ye to high risk pregnancy aa gayi, pehle bacche iske do fourth ho gaye, liker kam tha, abhi bhi clexin lag raha hai, abhi bhi loprin hai, to hum kab deliver kare ye kya? Agar aapne is guidelines ka is chart ko dekh liya, there is no need to ask anyone, there is no need to take the any suggestion of your seniors, you will go through all of the management of the patient with confidence and with successful results you will get. So the first hum dekhte hain major risk factors kaun se hain, patient ki age jo aapne biodata mein pooch li thi aapko mil jati hai, smoking ki history western countries mein hai but abhi hamare setup mein bhi
काफी कॉमन हो गई सिगरेट स्मोकिंग, सो यू हैव टू आस्क दिस. आपने जल्दी से पैटर्नल और मेटर्नल एसजीए का पूछ लेना है. इफ द गर्ल पेशेंट इज ऑलरेडी एसजीए केस, अक्सर पेशेंट्स को याद नहीं रहता लेकिन अब ये मेजर रिस्क फैक्टर है तो हमें पूछना पड़ेगा. आप कोकेन भी वेस्ट में चलता है लेकिन ये वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर ऑफ बेबी टू लीड टू आईयूजीआर. अब क्रॉनिक हाइपरटेंसिव, डायबिटीज विद वैस्कुलर डिजीज, रीनल इम्पेयरमेंट, एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम एंड एनी अदर ऑटोइम्यून डिजीज, ये आपकी कुछ हैं. प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन ए, दिस इज वन ऑफ द मेटरनल स्क्रीनिंग टेस्ट वी डू फॉर डाउन सिंड्रोम. दैट इज नॉट कॉमन इन आवर सेटअप बट यू हैव टू रिमेंबर इट दैट इट इज इन द गाइडलाइन एंड इट इज वन ऑफ द मेजर रिस्क फैक्टर. ओके. एंड हैवी ब्लीडिंग सिमिलर टू मेंसेस, इट मीन्स दैट एनी एपिसोड ऑफ एब्रप्शन हैज बीन अकर्ड. सो आउट ऑफ दीज मेजर रिस्क फैक्टर ऑन हिस्ट्री यू हैव टेकन आउट, मतलब आपने इस हिस्ट्री पॉइंट, अगर आपके पास सीधा केस आ गया है, वो पेशेंट कह रही है आईयूजीआर इसमें सस्पेक्ट कर रही है, तो आपने इन सारे क्वेश्चंस को हिस्ट्री में ऐड करना है. आपको कोई शुगर का मसला तो नहीं, आपको कोई ब्लड प्रेशर का मसला तो नहीं, कोई आपको ऑटो इम्यून डिजीज तो नहीं जिसके लिए आपको SLE, कोई ऐसी बीमारी कोई हो जिसके लिए आप टीके लगाती हो कोई, तो आपने शॉर्ट में ये जब आपको पक्के रटे हुए होंगे, व्हेन यू विल बी मास्टर इन लर्निंग दिस रिस्क फैक्टर देर विल बी नो प्रॉब्लम इन मिसिंग एनी मेजर. अब तो ठीक है. और अब माइनर रिस्क फैक्टर्स पे चलते हैं. एज आपकी लेस देन या इक्वल टू 35 ईयर्स है, IVF से बेबी कंसीव हुआ है, BMI पे जोर है इसका लेस देन 20 या मोर देन 25 to 35, तो स्मोकर है लेकिन 10 स्मोकिंग की 10 क्वांटिटी है आपकी. ये आपने प्रेगनेंसी इंटरवल का पूछना है. ठीक है, अब आगे कैसे चलना है. इफ योर पेशेंट इज हैविंग ओनली वन मेजर फैक्टर, एग्जांपल अ पेशेंट इज क्रॉनिक हाइपरटेंसिव एंड शी इज ऑन लेबिटोलॉल एंड शी यू हैव ऑलरेडी प्लेस्ड हर ऑन लॉप्रिन and now she has a chance to develop the preeclampsia in future as well, and along with the preeclampsia she is at high risk of developing IUGR. So with one of the major risk factors, if your patient is a chronic hypertensive, you will directly make a plan of the serial assessment of the fetal size after the 26 weeks of a gestation, and you will counsel the patient that bhai aap high risk pregnancy hain, I have to monitor your baby surveillance by doing the serial growth scans at 7 months. आपने बता दिया कि आपने बकायदगी के साथ मेरे पास आना है, and at the 26 to 28 we will offer her the ultrasound for fetal biometry to see the abdominal circumference and the estimated fetal weight of the baby, and if it is less than 10 percentile it will be sure that it is a case of SGA. Now, whether it is the constitutional SGA or whether it is the growth restricted baby, now you will advise her the umbilical artery Doppler indices. So, ये हम आगे पढ़ेंगे. अच्छा, major एक risk factor आ गया तो आपने advise कर लिया, offer कर लिया उसको serial growth scans. अब minor risk factors पे आते हैं तो वो एक नहीं, दो नहीं, तीन अगर माइनर रिस्क फैक्टर हो गए. एग्जाम्पल आपकी पेशेंट जो है प्रेगनेंसी इंटरवल उसका 10 साल पहले का है, देयर इज अ इंटरवल ऑफ बिटवीन टू प्रेगनेंसीज, एक रिस्क फैक्टर माइनर आ गया, शी इज 36 इयर्स ओल्ड एज, दूसरा एज आ गया आपके पास, एंड शी इट इज हर फर्स्ट प्रेगनेंसी, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रिस्क फैक्टर, दैट इज द माइनर रिस्क फैक्टर. आपके पास तीन रिस्क फैक्टर्स आ गए तो आपने फिर उसके सीरियल ग्रोथ स्कैंस पे नहीं जाना. माइनर रिस्क फैक्टर्स में ये है कि वी कैन प्रिवेंट इट, there are modalities we can prevent it for developing the IUGR, so we will take action at 20 weeks, we will advise the uterine artery Doppler indices, which is very common in uncommon in our setup, but in the exam you must be knowing about the importance of uterine artery Doppler indices and the notching and the raised SD ratio, you should know the importance of these things, and you will see the report of the uterine artery Doppler. If it is normal, you will ask your patient, आपने पेशेंट को बताना है ये कि आपकी ये रिपोर्ट नॉर्मल आई है बट आपका बच्चा कमजोर होने का खतरा है, आपने 32 हफ्ते में हमारे पास आना है, मैं आपके बच्चे का अल्ट्रासाउंड करूंगी, उसकी ग्रोथ देखूंगी और फिर आपको मशवरा दूंगी कि आपके बच्चे का आगे क्या प्रोग्राम करेंगे. और अगर यूट्राइन आर्टरी डॉपलर आपका एबनॉर्मल आ जाए एस टी रेशो में ही आता है तो हम उसको ये फिर उसको भी हम मेजर में ले जाएंगे
अब वो एबनॉर्मल आ गया, वी विल गो अगेन टू द सीरियल असेसमेंट ऑफ द फीटल साइज, हम बायोमेट्रिक करेंगे और अल्ट्रासाउंड अम्बिलिकल डॉपलर इंडाइसिस हम उसकी सीरियल स्कैन्स में नोट करेंगे. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, अब गेम शुरू होती है कि आपने अब डिसाइड कर लिया कि अब उसका आपने अम्बिलिकल इंडाइसिस आपने एडवाइस कर लिया, अब उसकी रिजल्ट को कैसे इंटरप्रेट करेंगे, उसको किस तरह चलाएंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें पेशेंट को बताएंगे, क्या क्या मसाइल हो सकते हैं, इम्पोर्टेंस बताएंगे सर्विलेंस, फीटल सर्विलेंस क्या है. फॉर एग्जांपल आपकी पेशेंट अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर इंडाइसिस के साथ समझे आपके पास आ चुकी है 30 वीक्स पे और उसका नॉर्मल इंडाइसिस आए, ठीक है, कि शी इज हैविंग द नॉर्मल इंडाइसिस. सो यू विल एक्सप्लेन द पेशेंट हाउएवर योर रिपोर्ट इज नॉर्मल. We were suspecting IUGR and restricted blood supply in your baby, but your report is being normal. So I would advise you 2 weekly checkup. Fortnightly हम उसको बुलाएंगे, उसमें हम उसकी हर fortnightly में abdominal circumference and estimated fetal weight check करेंगे and umbilical artery doppler करेंगे. अब नीचे middle cerebral artery आती है, we will not take this middle cerebral artery in our patient because our patient is 30 weeks. And for the preterm baby, it is not a reliable and the predictive value is not good enough to follow this middle cerebral artery. Okay. Now, what will be our plan? That the patient is having a normal Doppler indices. We will only do the surveillance scans and we will offer our delivery at 37 weeks of her pregnancy. We will offer her the steroid cover to prevent the ARDS in baby, HIE in baby, whatever those guidelines. We have to follow other guidelines as well with this guideline. So, and we will see the Bishop scoring. We will do the 36 weeks and we will explain patient the consequences he may have and she may have the continuous fetal monitoring and there will be a less threshold of cesarean section in case any distress. तो हम फिर उसका लेकिन टर्म तक हम ले जाएंगे. 30 पे आई फिर हम 32 पे स्कैन कराएंगे, 34 पे, 36 पे स्टीरॉइड करके अगर पहले उसकी एसवीडीज है अम्बिलिकल डॉपलर नॉर्मल है तो 37 में हम इंडक्शन का प्लान कर देंगे. हमारे सिनेरियो में तो 2022 जुलाई में यही सिनेरियो आया था, IUGR था एंड अलोंग विद दैट शी वाज अ हाइपरटेंसिव और हिस्ट्री में इंक्वायर करने के बाद पता चला कि शी इज अ केस ऑफ कार्डियोमायोपैथी एज वेल एंड शी इज हैविंग द पेसमेकर इन हर हार्ट. सो दैट वाज अ वेरी वेरी हाई रिस्क पेशेंट. लेकिन आसानी उन्होंने ये दी कि उसका डॉपलर इजी रख दिया, नॉर्मल रख दिया, तो हम फिर 37 वीक्स तक उसको ले गए. अब देखिए अगर सिनेरियो आपको इजी आएगा ना तो उसमें बाद में जाके आपको डॉपलर इंडाइसिस एब्सेंट बता देंगे. अगर सिनेरियो मुश्किल आ गया तो बाद में आपके डॉपलर्स नॉर्मल बता देंगे. तो वह आपको ईज पे रखेंगे कि इतना ज्यादा कंफ्यूज नहीं करेंगे कि आप उसकी मल्टीपल मैटरनल डिजीजेस को मैनेज करते हुए आपको टाइम का मैनेजमेंट का खास ख्याल रखेंगे कि मल्टीपल डिसऑर्डर्स नहीं देंगे आपको कि आप मल्टीपल मैनेजमेंट्स में फंस जाए. ठीक है, इस बात को आपने बिलीव रखना है. दे विल गिव यू द केस अकॉर्डिंग टू योर लेवल, not out of your level. ठीक है, आप umbilical artery for example इसका abnormal आ गया है, हमने उसका scan करवाया and the Doppler artery indices is raised. Now coming here, आप उसका 2SD ratio आपका बढ़ गया लेकिन end systolic volume is still present. Means के हमने fetal surveillance बढ़ानी है. 30 weeks पे we cannot deliver the baby. However, you have a risk, you will feel a fear that the baby can develop severe IUGR, it can develop to IUD, it can develop to pulmonary hypoplasia. You are fearful about this, but to take out the baby at the premature level will not lead you a good perinatal outcome. So you have to individualize the case. You have to be you have to see the prematurity risk is more bad for the baby. As compared to you are planning the pregnancy to move ahead, that will lead you to the improved perinatal outcome. But to take the baby out for the increased Doppler indices will lead the perinatal morbidity and mortality more, and that will count a bad impact of you to the patient and bad result to a patient. That her patient, despite of going to the doctor, she got what a early neonatal death. ARDS resulting due to ARDS. So we have to individualize the case according to the scenario. Now, if it is raised,
You were earlier, you were doing the fortnightly. Now you will do the weekly abdominal circumference and estimated fetal weight, and you will increase the Doppler indices frequency. You will do the twice weekly, this ultrasound scan. And depending on their reports, depending on their results, you will continue this, and you will continue this pregnancy as well to the 37. Hum niche likha hua hai, aapne recommend delivery, aap 40 weeks, 39 weeks, 38 weeks, pe jayenge hi nahi, IUGR suspect karne, yaad rahe, 37 tak maximum aapne mind banana hai, aur phir aap uske scans pe depend karta hai, har hafte hoga, agar wo isi tarah halka halka raised hai, aap chalayenge, patient ki counseling saath rakhenge, aapne uske saath बताना है कोई भी अनयूजुअल बात हो जाए, एब्रप्शन हो जाए, हरकत कम हो जाए, या तो लीकिंग शुरू हो जाए, तो फौरन रिपोर्ट करनी है, स्टीरॉइड देने आपने और डिलीवर कराना है. अगर 37 वीक से पहले ही आपने देखा भाई आप 30 वीक्स पे आपने कराया, 32 पे कराया तो ठीक आ गया, 33 वीक्स पे आए आप, 34 पे आ गए एग्जाम्पल, उसके डॉपलर इंडाइसिस एबसेंट हो गए या रिवर्स हो गए एबसेंट, अब आपके लिए डिफिकल्ट हो जाता है. और 34 वीक्स कंप्लीट हो चुके हैं आपके मींस, एंड द बेबी आपकी रिपोर्ट आ रही है डॉपलर इज रिवर्स एंड डायस्टोलिक फ्लो. आपने फॉरन टीम को इन्वॉल्व करना है, पेशेंट को अपने कॉन्फिडेंस में लेना है, न्यूनेटोलॉजिस्ट को इन्फॉर्म करना है. ऐसे हालात में जब रिवर्स एंड डायस्टोलिक तो आपकी मोड ऑफ डिलीवरी फॉरन से चेंज हो जाएगी, आप उसका सिजेरियन सेक्शन करेंगे, क्योंकि इस तरह के बेबी में इतना स्टेमिना नहीं होता कि दे कैन गो थ्रू दिस स्ट्रेस ऑफ द लेबर एंड द कंडीशन दैट द बेबी विल फील आईयूडी के चांसेस, स्टिलबर्थ के चांसेस बढ़ जाते हैं. तो आपकी मोड ऑफ डिलीवरी चेंज हो जाती है एंड डायस्टोलिक एब्सेंट अगर हो जाए या रिवर्स हो जाए. तो 34 वीक्स है तो आपने स्टीरॉइड लगा के उसको सिजेरियन सेक्शन करके डिलीवर करना है. थर्टी टू पे हम कर सकते हैं डिलीवर इसको, क्योंकि एंड रिवर्स डायस्टोलिक फ्लो कैन लीड टू आईयूडी, कैन लीड टू आईयूडी. सो यू हैव टू गिव द स्टेरॉइड्स and you have to deliver this patient in a tertiary care hospital where good nursery facilities are available, where good neonatologist is available, and these when these Doppler indices are raised, and if you are in a periphery setup and there are no facilities of nursery, one of the step that you will take this also in utero transfer up patient ko kare, or tertiary care mein aapne usko transfer karna hai for the good outcome, perinatal outcome ke us pe. तो अब ये जो गाइड, ये जो सिनेरियो था ना, इट इज द गेम ऑफ दीज बोथ एल्गोरिथम्स. अब टुडेज टास्क आई वुड लाइक टू गिव टू ऑल ऑफ यू टू गो थ्रू दीज टू दैट स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज गाइडलाइंस एंड ओनली टू चार्ट्स यू रीड एंड यू लर्न इट बाय हार्ट. इट विल हेल्प यू इन मैनेजिंग द पेशेंट इन द एग्जाम एज वेल एज योर रूटीन ओपीडी चेकअप. नाउ एज द डॉक्टर हिरा एंड तैयबा टोल्ड यू अर्लियर दैट यू हैव टू take your patient to the home with the contraception advice, with the breastfeeding advice and the recurrence rate. ये आपने जरूर बताना है patient को कि इस दफा IUGR baby develop हुआ है तो इसके आगे भी chances हैं कि आपके IUGR baby हो. तो आपने अगले next preconception counseling पे आपने discuss करनी है ये चीजें. आपने उसको ये कॉन्टरसेप्शन का एडवाइस करना है, ब्रेस्ट फीडिंग का एडवाइस करना है आपने, और क्रॉनिक हाइपरटेंशन को भूल नहीं जाना है कि शी वाज अ क्रॉनिक हाइपरटेंसिव. तो उसके बाद में भी जिस तरह अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइन फर्स्ट डे आपने 3 times ब्लड प्रेशर लेना है, सेकेंड डे आपने 1 लेना है, फिर एवरी थर्ड डे आपने ब्लड प्रेशर लेना है, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ प्री एक्लेम्शिया को रूल आउट करना है, उसको सेफ एंटी हाइपरटेंसिव में कन्वर्ट करना है. जैसे कि वो अगर लेबिटोलॉल ले रही थी तो अब आप एनलेप्रिल उसको देंगे, आप इसके एसी इनहिबिटर्स देंगे, आप फिर उसको आप फिजिशियन के पास फॉलोअप करवाएंगे कि आगे वो अपने कंटिन्यू रखे और अपनी इस क्रॉनिक हाइपरटेंसिव की मैनेजमेंट भी रखे. तो आगे जो मैंने थोड़ी बहुत जो बातें बताई हैं वो इसी चार्ट्स के बेस पे पूरी मेरी प्रेजेंटेशन है, जो कि आई थिंक दीज आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, टू ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेजेस यू हैव टू लर्न
You have to learn from the guidelines. And my advice for you all is, if you are going through your exam, you must read the guidelines and you must be very clear in guidelines. In the management, examiner would like to hear the guidelines line from you. And if you have not already been gone through the guidelines, make a group and do the guideline and discuss on that group. It will help you a lot. Achha, aap inme se koi baat agar aapko samajh na aayi ho, koi problem ho, to aap mujhse pooch sakte hain, please. I want to ask a question. If a patient is on vaginal or tablet and her blood pressure is controlled. I request you all to please mute your mic. I'm not able to listen this. Yes, doctor, ask your question. Someone was asking a question. Yes, anyone who want to ask can ask. Dr. Aruji is waiting. Hello, assalamu alaikum. Ji, welcome. I want to ask if the patient is on the tablet labetalol and her blood pressure is controlled on it. Can we switch her on another group of the drug like the Aldomet? Because the labetalol causes the IUGR. According to the recent updated guidelines of the hypertension, the labetalol is the drug of choice, first drug of choice. If he is a chronic hypertension, no matter, she can develop the IUGR, but we will not switch on to her another drug. Yes, first is the labetalol, second is the nifedipine, and third is the Aldomet. So you have to follow this schedule. If the patient is asthmatic, then this is contraindicated. Yes, you will leave this drug. If she is not, if she is having any side effect of this drug, you will shift it to the another drug. But this is not being written in anywhere. We can take the advice from Dr. Hira as well. Is there any concept of changing prophylactically to prevent from IUGR? I don't think so. No. Labetalol is ideal drug. ये first line है ही इसीलिए कि ये IUGR नहीं कराती. Other beta blockers कराती हैं, labetalol नहीं कराती. और maximum doses पे diastolic flow को खराब नहीं होने देती. Unlike nifedipine, unlike methyldopa. तो this is the best. अगर नहीं दे सकते तो फिर nifedipine पे जाएं. अगर नहीं दे सकते तो फिर आप methyldopa पे जाएं. जो हम एल्डोमेट दे रहे होते हैं ना अपने अपने सेटअप में, ये एल्डोमेट हम एडवाइस कर रहे होते हैं, वो बस फिर हमारे पास अवेलेबिलिटी के इश्यूज होते हैं. अदरवाइज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर क्रॉनिक हाइपरटेंशन, द जेस्टेशनल हाइपरटेंशन इज द लैबिटेलोल, सेकंड वन इज द नाइफेडिपिन, एंड द थर्ड इज द एल्डोमेट. एंड आफ्टर पोस्टपार्टम दिस रेजिमेन विल चेंज. You have to go through these chronic hypertension and gestational hypertension. You will learn these things from there. Okay, thank you. Excuse me, thank you all again, Dr. Hira. आपका बहुत बहुत thank you कि आपने इस platform पे मुझे मौका दिया. And I hope that the candidates को समझ आया हो. काफी candidates की request है गायनी के cases discuss हों इधर. काफी वो chat पे messages भेजेंगे. वो तो बहुत सब कुछ होगा. This is just an orientation session. Okay, how to master the clinical sessions. No worries, we will discuss gynae, OBs, each and everything, drills, teaching, biostat, everything. But IUGR, today's Dr. Hira, I want to give them some assignment to these candidates today, a small assignment that they should go through these two charts of this guideline, the major risk factors to learn, to minor risk factors to learn, and the algorithm of the umbilical Doppler indices. They will go through this guideline all, and they will manage their patients well. This is their assignment for today. I hope they will do it. Okay, thank you. Inshallah, they will do it. Thank you, Aruj. आपने इतनी busy आप होती हैं, आपने time निकाला और इतना मुश्किल topic आपने piece of cake बना दिया. और बिल्कुल ये जो दो tables आपने बताए हैं ना, actually in game ही इन दो tables किया है, क्योंकि history में आपने इनके risk factors निकालने हैं और आप major या minor है उसी के मुताबिक तो आप further planning करोगे. अगर आपने रिस्क फैक्टर्स ही नहीं निकाले तो हाउ यू कैन प्लान फर्दर. तो बहुत अच्छी एडवाइस है अरुज. वैसे अच्छा अरुज, आप तुमने मायोपैथी और वो पेसमेकर का क्या किया फिर?
हाँ वो उन्होंने ना हिस्ट्री में दे डिडंट एक्सप्लेन दे डिडंट टेल देम तो ऑन इंक्वायरिंग द हिस्ट्री शी टोल्ड दैट आई वाज आस्किंग टू रूल आउट द एनीमिया इन द सिनेरियो कि आर यू फीलिंग एनी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ सो शी सेड दैट यस मुझे सांस फूलता है तो मैंने कहा अच्छा सांस कैसे फूलता है तुम्हारे आपके अंदर खून की कमी है आपने एचपी का टेस्ट कराया है कोई कह रही है नहीं डॉक्टर साहब अब मैं आपको बता रही हूँ ना कैंडिडेट्स को भी मैं बता रही हूँ आई एम टेलिंग देम अगेन एंड अगेन दे गिव यू द हिंट दे गिव यू द क्लू टू टेक आउट द थिंग राइट थिंग फ्रॉम योर टंग तो उस रोल प्लेयर ने स्ट्रेट अवे मुझे बताया डॉक्टर मैं जब लेटती हूँ मेरा सांस ज्यादा फूल जाता है अच्छा जब उसने लेटने का कहा तो आई इंक्वायर कि आपको कोई दिल की बीमारी तो नहीं है तो उसने कहा डॉक्टर मेरे 5 साल पहले कार्डियोमायोपैथी हुआ था और मेरे दिल में बैटरी लगी हुई है तो अब वो फिर ज्यादा हाई रिस्क हो गई फिर आप उसको काउंसिल करना था कि भाई यू आर द हाई रिस्क एंड यू हैव द कार्डियक पेसमेकर इन योर प्ले हार्ट सो आई विल इन्वॉल्व द कार्डियक ओपिनियन इज वेल एंड वी विल डू द मल्टी डिसिप्लिनरी टीम अप्रोच We will take our echo का मैंने पूछा आपका last echo कब हुआ है तो then she said that it was before the conception then I advised her the 2D fetal or 2D echo of that patient and I referred her to the cardiologist and I told in my examination that I will keep the cardiologist on board and the patient will deliver at the place where there is the facility of cardiologist where there is a facility of intensive care unit क्या करना है there are facilities of बाबा चलें वो जब हम डाल देते हैं ना कार्डियोलॉजी और इको पे तो ये हमारा ना कंप्लीट हो जाता है कि हमने उसको भी मैनेज कर दिया अब लेट द कार्डियोलॉजिस्ट फर्दर एडवाइस वैसे वैसे अगर किसी एक के साथ दोबारा किसी के साथ हो तो जरूर पूछें कार्डियोमायोपैथी प्रेगनेंसी में हुई थी क्योंकि विद प्रेगनेंसी अगेन हो सकती है ठीक है तो उसका हाँ डीडी में आ जाएगा वैसे वेरी वेल डन होपफुली आई जो यार तो आपको बच्चा आ गया होगा मैं सिर्फ कुछ और बातें आपको ना ऐड करना चाह रही हूँ ऑल्दो ये इस केस में मतलब जरूरी नहीं है बट अगर आ जाए तो मैं सिर्फ 2-3 बातें बताती हूँ कि एमसीए कब कराना है देखें अभी रदूज ने बताया कि 37 पे आपने ऑफर करनी है बट एक बात की रिकमेंड करनी है जब डोपलर आपका नॉर्मल हो ना और बच्चा आईयूजीआर हो तो आपने 37 पे नेगोशिएट करना है इसका मतलब यह है कि इट कैन बी 38 बट जब डोपलर खराब है और डायस्टोलिक फ्लो जो है अभी प्रेजेंट है बट डोपलर से सिर्फ इंडिसेस रेज हुए हैं तब आपने 37 में हर हाल पर डिलीवर करना है रिकमेंड करना है इसमें एमसीए भी नहीं देखना एमसीए का रोल सिर्फ तब है जब डोपलर नॉर्मल है और अगर एमसीए में डोपलर नॉर्मल है एम्ब्लाइकल आर्टरी और सॉरी आईयूजीआर में डोपलर नॉर्मल है एम्ब्लाइकल आर्टरी का है आईयूजीआर क्योंकि लेस देन 10% आयल है बट अगर एमसीए लेस देन 50% आयल है तो आपने इसको भी 37 पे डिलीवर करना है तो कहने का मकसद यह है कि व्हेन एमसीए बिकम लेस देन 50% आर डोपलर पे इंडिसेस रेज हो जाए विद इंटैक्ट डायस्टोलिक फ्लो तो बाय एनी मीन 37 पे बच्चा निकालना है ठीक है तो ये थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है कि डेट्स को क्या करना है क्या नहीं करना चलें अब मुझे पता है आप लोग थक चुके हो बट एक छोटा सा और सेशन है और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये एग्जाम कैंडिडेट के साथ ही है आपका डॉक्टर अरूज हमारे साथ हैं एक और अरूज ये भी शी इज आल्सो माय स्टूडेंट फ्रॉम नवंबर बैच एंड शी हैज पास्ड हर एग्जाम रिसेंटली अरूज आप मौजूद हैं अरूज अकरम जी मैडम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम चलिए अरूज नवीद बहुत बहुत शुक्रिया आपका आपने टाइम निकाला अब इनकी पीपीटी ओपन करिए ओके यस चलें अरुज अकरम जी मैडम चलें आपका कब था एग्जाम आपका एग्जाम कब था मैडम सबसे पहले तो सबको अस्सलाम वालेकुम आई होप ऑल आर फाइन और जो लोग पास हो गए हैं उन सबको कंग्रेचुलेशंस
जो नहीं कर सके उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। मैडम मेरा एग्जाम 7 नवंबर को था, मेरा फर्स्ट सेशन था, फर्स्ट बैच था इस दफा जो टूर स्टार्ट में उनमें, और तभी था कि पता चला सबको कि पेशेंट्स हैं, रियल पेशेंट्स हैं, और उसी वक्त ये स्टार्ट हुआ था। और सबसे पहले तो ये है कि ये प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले मेरा सब लोगों को एक ये चीज है कि आप ये देखें कि आप कभी भी ये सोच के नहीं जाएंगे एग्जाम में नेक्स्ट टाइम कि हर चीज हमारी मर्जी के मुताबिक होगी, एनी अनएक्सपेक्टेड थिंग कैन हैपन। और मेरे साथ ये हुआ कि जब पेशेंट्स वहां पे मैंने देखे तो थोड़ी देर के लिए मैं परेशान हुई, बट आप ये देखें कि जो आपका 4 इयर्स का वो ट्रेनिंग वाला एक्सपीरियंस होता है ना, दैट हेल्प्स अ लॉट। अगर आपने अच्छी ट्रेनिंग की है, पेशेंट को खुद से एग्जामिन किया है। और दूसरा मैडम, आई एम रियली रियली थैंकफुल टू यू, क्योंकि आपने जो शुरू में गाइड किया स्टार्ट में कि अपने टेम्पलेट्स बनाए सब कुछ, मैंने सारी हिस्ट्रीज लिखी गाय की, ऑप्स की, उनको वैसे ही बार बार रिपीट किया। मेरी एक स्टडी पार्टनर थी, उनके साथ मैंने मिलके जो है ना सब डिस्कस किया, और उस चीज से मुझे बहुत हेल्प आउट हुआ। तो ये है कि अपने आप को कंपोज रखना बहुत जरूरी है एग्जाम के लिए, और ये सोचना बहुत जरूरी है कि एनी अनएक्सपेक्टेड थिंग कैन हैपन। बाकी ये है कि ओवरऑल एक एग्जाम का अगर मैं ओवरव्यू सबको बताऊं तो उसमें ये है कि मिला जुला रिस्पॉन्स होता है। कुछ एग्जामिनर्स बहुत अच्छे थे, लाहौर सेंटर मेरा सेंटर था, कुछ एग्जामिनर्स बहुत अच्छे थे, और लेकिन ये कि कुछ लोगों ने जो है ना वो फेशियल एक्सप्रेशंस भी दिए, और जैसे कुछ लोगों ने जैसे तंग करने की कोशिश करते हैं कैंडिडेट को, बट आपका अल्लाह ताला की मदद सबसे पहले, और उसके बाद ही होता है कि आपका अपना कॉन्फिडेंस और कैसे अपने आप को कंपोज रखना है, ठीक है। ये चीज बहुत मैटर करती है, अगर आपने पढ़ा है मल्टीपल टाइम चीजों को प्रैक्टिस किया है तो आप पेशेंट के साथ इंटरेक्ट करते हुए या एग्जामिनर को बताते हुए आप हेजिटेट नहीं होते, ठीक है। तो सबसे पहले एक गायनी का केस डिस्कस कर लेते हैं, सब लोग बार बार कह रहे थे कि गायनी का केस हो। ये मैंने आपके लिए एक मोटिवेशनल कोट लगाई है, डॉक्टर विलियम ऑस्लर वंस सेड दैट लिसन द पेशेंट केयरफुली, शी इज टेलिंग यू द डायग्नोसिस एंड इनफैक्ट शी इज टेलिंग अस द डायग्नोसिस। जो आप हिस्ट्री ले रहे हैं वही आपका डायग्नोसिस है और वही आपको आगे लेके चलेगा। और एक कंफ्यूजन और चल रही थी वो मैं क्लियर कर दूं, ये जो लॉन्ग केस या ये जो पेशेंट वाले स्टेशन है ना, ये सिंगल स्टेशन है और सिंगल स्टेशन के 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। डिवाइडेड मार्क्स हैं, 2 एग्जामिनर्स कंडक्ट करते हैं और ये सिंगल स्टेशन है, ठीक है। तो एक ये भी चीज है, ये 4 स्टेशन नहीं है, ये 2 स्टेशन है। और ये बात मैडम मीरा बिल्कुल सही कह रही है कि मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट एग्जाम में ये मैंडेटरी होगा, ये मैंने बात किसी रिलायबल सोर्स से सुनी है, ये मैंडेटरी होगा कि इन 2 स्टेशन को जिसने पास नहीं किया उसने बाकी अगर पास किए हुए हैं तो शी विल नॉट पास। तो इसलिए हिस्ट्री एग्जामिनेशन को देखना जरूरी है। और दूसरा, ये जितने भी केसेस हम डिस्कस कर रहे हैं ना, इसमें कोई बड़ी अनहोनी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है कि दिस इज अ सॉर्ट ऑफ मिनी लॉन्ग केस। आपने हिस्ट्री भी वैसे ही लेनी है, आपने एग्जामिनेशन भी करना है, बट रिलेवेंट एंड फोकस्ड मिनी लॉन्ग केस है। जो 30 मिनट्स में करते थे वही 10 मिनट्स में करना है। मेरा पहला केस ये था जिसके अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ था, बस ये बताया हुआ था कि पेशेंट जो है वो, उसकी थोड़ी सी ब्रीफ सी एक वन लाइन में हिस्ट्री दी हुई थी कि पेशेंट जो है वो पैरासिक्स हैं और एसवीडीज हैं और हमारे पास आ गई है। और उसके बाद स्टेशन पे ये चीज लिखी हुई थी, 3 ये चीजें दी हुई थी, टेक फोकस हिस्ट्री, परफॉर्म रिलेवेंट एग्जामिनेशन एंड प्रेजेंट केस समरी टू द एग्जामिनर। टोटल टाइम वॉज 10 मिनट्स जैसे कि बाकी सब स्टेशन पे था। और जब मैंने पेशेंट को अप्रोच किया तो मुझे वहां पे जनरल फिजिकल भी करना था और एब्डोमिनल भी करना था। पेशेंट से जाके इंटरेक्ट किया बिल्कुल उसी तरीके से जैसे करते थे, ग्रीट किया, सलाम, हाउ आर यू, अपना रेपो बिल्ड किया, इंट्रोडक्शन कराया प्रॉपरली पेशेंट को, कंसेंट कि मैं डॉक्टर हूँ और मैंने आपसे आपके मसले के बारे में कुछ बात करनी है, जिस तरीके से प्रॉपर इंट्रोड्यूस कराते थे उसी तरीके से जैसे हमने प्रैक्टिस की थी। प्रॉपर बायोडाटा लिया जिसमें पेशेंट का नेम, एज, उसकी ये चीजें मेंशन नहीं थी वहां पे। पेशेंट का नेम दिया हुआ था, उसकी एज नहीं थी। नेम, एज, पैरिटी थी तो उसमें सारा पूछा, एसवीडीज थी। मतलब मैंने बड़ा क्विकली इसको लेके चली, और सब लोगों को क्विकली ही लेके चलना होगा बिकॉज मेरे साथ बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बाहर निकल के कह रहे थे कि 10 मिनट्स के अंदर हिस्ट्री ले ली थी, एग्जामिनेशन कर लिया, बट पेशेंट को प्रेजेंट नहीं कर पाए समरी।
सॉरी एग्जामिनर को प्रेजेंट नहीं कर पाए समरी, तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस हो। बायोडाटा लेना है बट शॉर्ट, पेशेंट का वही नेम एज हिस्ट्री में वही पैरिटी और ग्रेविडा है तो उसका ग्रेविडिटी, एंड अगर मिसकैरेजेस थे तो वो भी आपने उसको कंसर्न जरूर करना है कि कितने मंथ्स पे हुए थे एंड इफ फॉलोड बाई आर पी सी और नॉट। देन अगर वो ग्रेविडा है या नहीं है, हमने उसके एल एम पी ग्रेविडा है तो जो आपने पीरियड ऑफ गेस्टेशन निकालना है, मैंने उसी वक्त ही उन्होंने छोटे छोटे पेपर स्लिप्स रखे होते हैं वहाँ पे, एवरीथिंग इज अवेलेबल ओवर देयर। आपने छोटा पेपर स्लिप उठाना है वहां से, पेन भी वहां पे अवेलेबल था, वैसे मैं अपना भी पेन लेके गई थी, तो मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स वहां पे खड़े होके उसके ऊपर लिखे, क्योंकि जब आप एग्जामिनर को प्रेजेंट करने लगते हो ना, आपके उस वक्त इतना आप कंपाइल्ड नहीं होते कि आपने जो चीजें पूछी या एग्जामिन की आप हर चीज फौरन से बता सकें। सो दीज थिंग्स आर अवेलेबल ओवर देयर, नो नीड टू वरी अबाउट दैट। ब्रीफ बायोडाटा लिया, उसके बाद प्रेजेंटिंग कंप्लेंट, आप क्यों आई, आप क्यों हॉस्पिटल में दाखिल हुई थी, ये आप किस मसले से आई थी। उसने मुझे बताया कि पीरियड्स इरेगुलर थे और उसके बाद ये कि उसको मेनोरेजिया, बेसिक कंप्लेंट ये थी कि उसको मेनोरेजिया था, हैवी ब्लीडिंग के साथ वो आई थी। उसके इस साइकिल की हिस्ट्री ली कि ये कब से है, ऑब्वियसली जैसे हम पूछते हैं ड्यूरेशन, उसकी सिवेरिटी, उसको क्लॉट्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, नंबर ऑफ पैड्स कितने हैं, फुली सोखना है पार्शली सोखना है, फिर उसके साथ क्वालिटी ऑफ लाइफ कितनी अफेक्ट हो रही है, फ्लडिंग तो नहीं है, और उसके अलावा ये के साथ एसोसिएटेड कंप्लेंट्स, उसको पेन था कि नहीं था। उस मेरी पेशेंट जो थी ना, वो पेन लेस ब्लीडिंग के साथ थी, अदरवाइज ये था कि पेन है तो फिर ऑब्वियसली जैसे मैडम ने हमें बताया था, हम रिलेटेड सिम्टम्स जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ रिलेट करके पेन का जो पूरा पैटर्न होता है हम वो असेस करते हैं कि मेंसेस के साथ वो बढ़ता है या कम हो जाता है या खत्म हो जाता है या लास्ट डे ऑफ पीरियड्स तक वो मैक्सिमम होता है कि नहीं होता, टू रूल आउट हमारी जो डिजीजेज एंडोमेट्रियोसिस पीआईडी वगैरह को। इन शॉर्ट मैंने उसकी वो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट एड्रेस की, उसके बाद उसका प्रीवियस साइकिल 2-3 सेंटेंसेस में मैंने पूछ लिया कि ये जो आपको 6 months ऑलमोस्ट 1 year से वो कह रही थी कि मसला था, पहले 3-4 महीने थोड़ा थोड़ा था लेकिन उसके बाद ज्यादा हुआ, उसकी हिस्ट्री ये थी। अच्छा, सबसे अच्छी बात ये थी कि पेशेंट ने खुद बताया कि उसको फाइब्रॉइड है, उसने फौरन ही बता दिया फाइब्रॉइड है, लेकिन मैंने चूंकि एग्जाम प्रोटोकॉल था तो उसको फॉलो करना था तो सारा प्रॉपर हिस्ट्री लेनी थी। उसने मुझे कहा मुझे फाइब्रॉइड है तो इस वजह से मुझे ब्लीडिंग थी, पहले कम थी अब ज्यादा है। उसके बाद मैंने उसका प्रीवियस साइकिल का पूछा कि 1 साल से पहले आप बिल्कुल ठीक थी, शी सेड ऑल वाज ओके, 7 days उसको ब्लीडिंग होती थी और हर महीने टाइम पे साइकिल थे, कोई इशू नहीं था, साथ साथ इंटरमेंस्ट्रुअल पोस्टकोइटल ब्लीडिंग, डिसमेनोरिया, डिस्पेरोनिया, ये चीजें रूल आउट की, पैप स्मेयर, कॉन्ट्रासेप्शन, सब कुछ जैसे हम लेके चलते हैं। अब इसकी जो ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री थी ना, वो मैं पहले ही एड्रेस कर चुकी थी, तो मैंने उसका पास मेडिकल और सर्जिकल वो सब कुछ ब्रीफली एक एक सेंटेंस में सब पूछा, शुगर, ब्लड प्रेशर, दमा, टीबी और ये सारी चीजें जैसे हम अपनी हिस्ट्री में सेस करते हैं। बट द की टू दिस स्टेशन इज कि आपने चीजें जो है वो क्विकली लेके चलनी है, ठीक है जी। उसके बाद क्या था कि ये मेडिकल सर्जिकल हो गया, फिर शॉर्ट हिस्ट्री से ले ली ड्रग और एलर्जीज की। उसके बाद अब ये स्टेशन था, इस पे हमने उसका जनरल फिजिकल भी करना था, उसका एब्डोमिनल भी करना था। जनरल फिजिकल के अंदर उसका थर्मामीटर लगा के बहुत सारे लोगों में के लिए यहाँ भी मसला हुआ तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी। थर्मामीटर उसके एक्सिला में लगा के और फिर बीपी ले लिया, साथ ही उसकी पल्स ले ली, फौरन से उसका हेड टू टो एग्जामिन, पेशेंट मेरी लेटी हुई थी तो मुझे बेहतर ये लगा कि पहले लेटे हुए पोस्चर में जो जो कुछ मैं देख सकती थी मैंने वो जनरल फिजिकल का देख लिया, एडिमा भी, उसके फीट भी देख लिए। उसके बाद उसका एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, कंसेंट लेने के बाद एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। अब वहां पे बहुत ज्यादा प्राइवेसी नहीं थी तो एग्जामिनर को कॉन्टैक्ट करके मैंने बताया कि पेशेंट से मैंने कंसेंट लिया है लेकिन यहाँ प्राइवेसी वेल मेंटेन नहीं है, सो शी सेड मी के नहीं, आई अलाउ यू, आप कंटिन्यू करें। प्रॉपर इंस्पेक्शन, पल्पेशन में सुपरफिशियल पल्पेशन फॉर टेंडरनेस, डीप पल्पेशन। अब उस पेशेंट का जो यूट्राइन साइज था ना, वो 22 weeks साइज यूट्रस थी उसकी, ऑलमोस्ट 20-22 weeks के दरमियान यूट्राइन साइज था। वो करने के बाद फिर वहां पे वेइंग मशीन भी पड़ी हुई थी, स्केल भी था, मैंने पेशेंट को सपोर्ट करके उसको खड़ा किया और खड़ा करने के बाद फिर मैंने उसका हाइट वेट मेजर किया। उसके बाद उसकी चेयर पड़ी हुई थी, चेयर पे बिठाया, चेयर पे बिठाने के बाद मैंने उसका थायराइड और लिम्फ नोड किए, यानी इन 3 postures में मैंने उसका जनरल फिजिकल भी कर लिया, उसका एब्डोमिनल भी किया। और मैंने एग्जामिनर को फिर एंड पे आके ये कहा कि मुझे इसका बाय मैनुअल करना है बिकॉज आई हैड टू एक्सपोज द पेशेंट फॉर दैट, तो उन्होंने खुद फिर मुझे कहा कि नहीं, इस स्टेशन पे यू डोंट नीड बाय मैनुअल और आपको अगर फंडिंग चाहिए तो नेक्स्ट स्टेशन पे आपको एग्जामिनर दे देंगी। उसके बाद मैंने अपनी केस समरी प्रेजेंट की और एग्जामिनर ने, ये टोटल 10 minutes का था और एग्जामिनेशन की फाइंडिंग्स अभी मैं बता ही रही थी तो उसमें ये था कि टाइम उसका 10 minutes का कंप्लीट हो गया था, लेकिन एग्जामिनर ने इस पे रिस्पॉन्स दिया, मीन्स के स्माइल किया और शी वॉज वेरी रिस्पॉन्सिव सॉर्ट ऑफ, कि मैं जो भी पूछ रही थी वो मुझे फौरन से अच्छा रिस्पॉन्स दे रही थी।
तो ये तो वो स्टेशन का पार्ट था जो स्टेशन ए था, यानी फर्स्ट पार्ट जहाँ पे मैंने पेशेंट को इंटरेक्ट किया। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेशन था बेल बजने के बाद, वो वाला नेक्स्ट स्टेशन हमारा पूरा प्रॉपर जैसे लॉन्ग केस का वाइवा होता है उस तरीके का था। मतलब मुझे ये नहीं लगा कि एग्जामिनर के पास कोई क्वेश्चंस हैं या कोई की फॉलो हो रही है, जो उनके दिल में आ रहा था उन्होंने वो मुझसे क्वेश्चंस किए। फर्स्ट ऑफ ऑल शी सेड समराइज योर केस, वही समरी जो लास्ट पे हमने प्रेजेंट की थी, वही समरी यहाँ पे भी आके प्रेजेंट की जो प्रॉपर एक समरी होती है। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा व्हाट आर योर डिफरेंशियल डायग्नोसिस, डिफरेंशियल डायग्नोसिस बताए उनको, मैस एब्डोमेन के जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस थे। आफ्टर दैट प्रोविजनल, प्रोविजनल में मुझे फाइब्रॉइड लगा तो मैंने उनको बताया कि मेरे हिसाब से ये फाइब्रॉइड यूट्रस हो सकता है। उन्होंने मुझे कहा जस्टिफाई करें, फिर वही सारे जो हम एग्जामिनेशन पे टिपिकल हमारे जो एग्जाम में हम लोग कहते हैं कि सिमेट्री ये फर्म यूट्रस है और नॉन टेंडर है और ये कि मैस जो है वो ओवेरियन नहीं हो सकता बिकॉज देर इज नो डीप और नो गैप अबव द पेबिक सिम्फिसिस, एक यूनिफॉर्म ग्रोथ है जो कि पेल्विस से अराइज कर रही है, और बाय मैनुअल भी मैंने उनसे यहाँ पे मांगा। उसके बाद उन्होंने मुझे यानी प्रॉपर जस्टिफाई करना था कि ये फाइब्रॉइड है। उसके बाद उन्होंने पूछा और वही टिपिकल जो 6-7 पॉइंट्स हम याद करते थे। देन शी आस्क्ड हाउ विल यू मैनेज द केस, मैनेजमेंट ऑफ द केस में मैंने स्टार्ट किया कि एज आई हैव डन द हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट, नाउ आई नीड द इन्वेस्टिगेशन, बाय मैनुअल भी मैंने उनसे मांगा एंड देन आई गो फॉर इन्वेस्टिगेशंस। उसमें उन्होंने कहा कि व्हाट इन्वेस्टिगेशंस, इस पेशेंट में मैंने रूटीन इन्वेस्टिगेशंस मांगे बिकॉज पेशेंट एचएमबी के साथ आई थी, मुझे सीबीसी भी चाहिए था, कंप्लीट ब्लड काउंट, रैंडम ब्लड शुगर, वो सारे जो होते हैं रूटीन इन्वेस्टिगेशंस वो, और उसके बाद बेसिक इन्वेस्टिगेशंस कराने के बाद अल्ट्रासाउंड, एब्डोमिनो पेल्विक अल्ट्रासाउंड, बिकॉज पेशेंट का अब यूट्राइन साइज इतना बड़ा था कि मुझे एब्डोमिनल स्कैन भी चाहिए था। ये किया, देन शी सेड जस्टिफाई योर इन्वेस्टिगेशंस। अब वो सारी इन्वेस्टिगेशन जस्टिफाई करने के बाद शी आस्क्ड मी हरसेल्फ व्हाट एल्स, और क्या इन्वेस्टिगेशंस में। फिर मैंने उनको बताया इन एनेस्थीसिया वाले कोगुलेशन प्रोफाइल हम इसका कराएंगे और एनेस्थेटिस्ट हमारे जो है उनको चाहिए, लीवर फंक्शंस, रीनल फंक्शंस, और उसके अलावा अगर पेशेंट जो है मेरी वो 40 ईयर्स अबव थी तो मेरे हॉस्पिटल का प्रोटोकॉल है कि चेस्ट एक्सरे और ईसीजी भी उनको चाहिए होता है। उसके बाद वो आ गई कि नाउ हाउ विल यू ट्रीट द पेशेंट। ट्रीट द पेशेंट के अंदर अब ये था कि मैंने उनको बताया कि आई विल डिस्कस द पेशेंट विद एनेस्थेटिस्ट, विद माय सीनियर कंसल्टेंट एंड विद एनेस्थेटिस्ट बिकॉज शी इज हैविंग दैट मच बिग यूट्रस। और मैंने उनको मतलब मेडिकल मैनेजमेंट से नहीं किया, मैंने उनको प्रॉपर बताया कि जैसे हम एक क्लिनिक में पेशेंट को मैनेज करते हैं कि मैं सबसे पहले पेशेंट को काउंसिल करूंगी, उससे डिस्कस करूंगी कि आपका मैनेजमेंट ऑप्शन ठीक है, कि वेदर शी वांट्स एनी कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट, और शी इज विलिंग फॉर सर्जरी, सर्जरी में भी कि शी हैज सच अ बिग फाइब्रॉइड सो शी वांट टू प्रिजर्व द यूट्रस और शी वांट्स अ डेफिनेटिव ट्रीटमेंट हिस्टेरेक्टॉमी। तो इस पे एग्जामिनर काफी मतलब उन्होंने शो किया कि मतलब शी वॉज सेटिस्फाइड। इस स्टेशन पे भी एग्जामिनर ने अपना जो था ना सेटिस्फेक्शन वो थोड़ा सा अपने एक्सप्रेशन से शो किया। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके पेशेंट के क्या कंसर्न्स थे, तो मैंने उनको बताया शी वाज पैरासिक्स, एक साल से उसको ब्लीडिंग हो रही थी और मल्टीपल टाइम वो मेडिकल ट्रीटमेंट लेके आई हुई थी हमारे पास एंड शी केम हियर फॉर डेफिनेटिव ट्रीटमेंट, और डेफिनेटिव ट्रीटमेंट में यह था कि उसको यही डेफिनेटिव ट्रीटमेंट चाहिए था कि शी वॉन्टेड डिस्ट्रक्ट मी बिकॉज उस हिस्ट्री में उसने मुझे यह भी बताया था जब मैंने उससे पूछा आपने कभी कोई कॉन्ट्रासेप्शन यूज किया है, मैंने जब हिस्ट्री में पूछा तो पेशेंट ने मुझे बताया था कि यूज तो नहीं किया लेकिन बस ये बच्चे हो गए हैं, अब मैं नहीं चाहती के और बच्चा हो। तो मैंने एग्जामिनर को ये सारी चीजें जस्टिफाई की और उसके बाद मैंने उनको बताया कि ऑब्वियसली शी हैज सच अ बिग यूट्रस सो माय प्लान ऑफ मैनेजमेंट इज के पेशेंट की विश भी नहीं थी मजीद कोई फर्टिलिटी की एंड शी वांटेड डेफिनेटिव, तो मेरा प्लान ऑफ मैनेजमेंट यह है कि मैं पेशेंट की हिस्टेरेक्टमी करूंगी। फिर उन्होंने वो हिस्टेरेक्टमी पे क्वेश्चंस किए, मुझसे हिस्टेरेक्टमी के स्टेप्स पूछे और उसके बाद उन्होंने कहा कि हिस्टेरेक्टमी के साथ आप मुझे बताएं कि आप काउंसलिंग में क्या पेशेंट को बताएंगी। काउंसलिंग में फिर हिस्टेरेक्टमी को जस्टिफाई तो मैंने कर लिया, फिर उन्होंने काउंसलिंग में पूछा तो मैंने उनसे प्रॉपर जैसे हम पेशेंट की काउंसलिंग करते हैं कि ये ऑपरेशन जो हम करने जा रहे हैं उसमें फाइब्रॉइड दैट मच बिग साइज है, इसमें ब्लीडिंग हो सकती है, इसमें हमें यूट्रस हम निकाल रहे हैं लेकिन मैसिव ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं, फिर ओवेरियन काउंसलिंग कि अगर ओवरीज इंटैक्ट हैं बिकॉज पेशेंट वॉज यंग एज ऑलमोस्ट 32 to 34 ईयर इस तरह की थी, तो उसमें ओवरीज प्रिजर्व करनी है कि नहीं करनी है और इन विच केस हमें ओवरी निकालनी है, और अगर हम ओवरीज निकालते हैं या अगर नहीं भी निकालते तो कमिंग 1 to 2 ईयर में उसके मेनोपॉजल सिम्टम आने के चांसेस हैं, उसको एचआरटी के बारे में मैं काउंसल करूंगी और ये सारा कुछ।
ये सब बताना था उनको, ये सब कुछ बता दिया, जस्टिफाई किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, आपने ओवरीज भी अगर आप नहीं करती प्रिजर्व, या फर्ज करें कि पेशेंट चली जाती है मेनोपॉजल सिम्टम्स में, देन व्हाट विल यू डू। फिर उनको मैंने जब एचआरटी का बताया तो नेक्स्ट मेरा ये पूरा स्टेशन जो था वो एचआरटी पे चला। एचआरटी का पूरा टॉपिक जैसा मैडम ने पढ़ाया था उसी तरीके से उन्होंने पूरा टॉपिक पूछा, जिसके अंदर उन्होंने उसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस पूछी, एचआरटी स्टार्ट करने से पहले आप क्या करेंगे, उसका ब्लड प्रेशर चेक करेंगे, उसके लीवर फंक्शन टेस्ट कराएंगे, और डीवीटी के लिए असेसमेंट, वो हिस्ट्री सारा कुछ, ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री, ये सब रूल आउट करके उसको एचआरटी देते हैं। उसके बाद फिर उसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस बतानी थी, और उसके अलावा उन्होंने कहा कि उसके साइड इफेक्ट्स, कॉमन साइड इफेक्ट्स क्या हैं, लाइफ थ्रेटनिंग में डीवीटी था, ये सब कुछ उनको बता दिया। उसके बाद उन्होंने प्रॉपर एचआरटी के रिजीम्स पूछी, टाइप्स ऑफ एचआरटी पूछे, रूट पूछे, और उसके अलावा उन्होंने एचआरटी के जो एडवर्स इफेक्ट्स हो सकते हैं वो पूछे, ये सब कुछ उन्होंने पूछा। और ये मेरा पूरा स्टेशन था, यानी एचआरटी का जब मैं लास्ट आंसर कर रही थी तो तब बेल बजी है, तो ये सारा कुछ पूरा प्रॉपर एक उस स्टेशन में, डिस्कशन वाले स्टेशन में था। यानी इस तरीके से ये पूरा सेशन चला, जिसमें उन्होंने फाइब्रॉइड से स्टार्ट हुई कहानी, और उसमें पूरा एचएमबी भी डिस्कस हुआ, हिस्टेक्मी भी डिस्कस हुई, यानी वो जो सर्जिकल स्किल्स वाला था, हिस्टेक्मी के स्टेप्स भी आए, और फिर काउंसलिंग भी आई, और उसके उसी के अंदर उन्होंने मुझसे एचआरटी भी पूछा। ठीक है, तो ये स्टेशन तो इस तरीके से जस्टिफाई हो गया था, और ये स्टेशन जो था, ये गायनी का स्टेशन मेरा पहला स्टेशन था। इसके बाद सेकंड स्टेशन जो था वो जीडीएम का था, वो बहुत सारे लोगों ने डिस्कस किया है। इसमें मैं एक चीज जीडीएम में ये ऐड करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझसे जब इंसुलिन रिजीम्स पूछी थी ना, मैंने बायफेजिक रिजीम बताई थी, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, और वो भी मैंने बिल्कुल वैसे ही बताई थी जैसे मैडम ने। हेलो, यस यस, वी आर लिसनिंग, मॉर्निंग में इतनी देनी, इवनिंग में इतनी, एनपीएच और रेगुलर, वो सारी पूरी रजीम उन्होंने मुझसे सुन ली। और उसके बाद उन्होंने कहा ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी बट आपने सही बताई, अब आप हमें बेसल बोलस रजीम बताएं। खुद से उन्होंने मुझे टास्क दिया। और उसके बाद फिर नेक्स्ट उन्होंने ये बताया, ये उन्होंने उसी के अंदर ही फिर उन्होंने पूछा कि आप अब इस पेशेंट को कैसे मैनेज करेंगे। वो पेशेंट मेरी 36+6 वीक्स पे आई थी, और थर्ड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में जो है ना उसको वो जीडीएम डायग्नोज हुआ था। पेशेंट ने मुझे हिस्ट्री दी थी कि उसको सिर्फ मेटफॉर्मिन चल रहा था, ग्लूकोफेट टेबलेट 250 mg BD वो ले रही थी, और उस पर उसका वेल कंट्रोल था, और अब सिंस नाइट उसको लोअर एब्डोमिनल पेन था जिसके साथ उसने प्रेजेंट किया था। फिर एग्जामिनर ने मजीद उसमें, और थीम इस स्टेशन पे भी वही था, हिस्ट्री एग्जामिनेशन, प्रेजेंट द समरी, और नेक्स्ट स्टेशन पे इंटीग्रेटेड डिस्कशन, जिसपे भी उन्होंने वैसे ही सारा समरी पूछी थी। और फिर उसके बाद उन्होंने प्रॉपर वो जैसे लॉन्ग केस में लेके चलते हैं उसी तरह, यहाँ भी मुझे यही लग रहा था कि कोई की फॉलो नहीं हो रही है और कोई क्वेश्चन भी फॉलो नहीं हो रहे थे। एग्जामिनर ने उसी मेरे बैच में मुझसे जो क्वेश्चन किए थे, कुछ लोगों से उससे हटके भी क्वेश्चन किए थे। और यहाँ पे एक चीज और भी थी कि जिसके अंदर उन्होंने पूछा था कि पेशेंट डिलीवर हो गई है, ठीक है, वो सारा इंट्रापार्टम मैनेजमेंट स्लाइडिंग स्केल भी मुझसे सुना था उन्होंने यहाँ पे इस स्टेशन पे जीडीएम पे। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि पोस्ट ऑप पेशेंट आपकी डिलीवर हो गई है या आपने एब्डोमिनल डिलीवरी कराई, जो भी है, तो सिंगल बेस्ट स्टेप क्या करना है, और काउंसलिंग में सिंगल बेस्ट स्टेप क्या है। तो वो सिंगल बेस्ट स्टेप हम सबको ही पता है कि हम उसके ब्लड शुगर लेवल बेबी के भी और मदर के भी बोथ वो हमने मॉनिटर करने हैं, और जब डिस्चार्ज के टाइम पे क्या सिंगल बेस्ट स्टेप है काउंसलिंग में, तो वो यही कि हमने उसको 6 वीक्स के बाद रीअसेस करना है। तो ये स्टेशन मेरा इस तरीके से चला था, ये मेरे दो स्टेशन थे। अगर कोई इन दो स्टेशन के बारे में कुछ पूछना चाहे, या एग्जाम में किसी भी स्टेशन के बारे में कोई आप लोगों को क्वेरी हो, तो प्लीज आप लोग मुझसे पूछ लें। दैट वाज ऑल अबाउट दिस, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग। वेल वेल एक्सप्लेन्ड अरुज, अरुज तुम में और डॉक्टर अरुज नवीद में ना एक कॉमन फर्क है। आई थिंक यू वर क्लास मॉनिटर इन थ्योरी स्पोर्ट ग्रुप ना? यस मैम, जी जी। एंड अरुज नवीद वाज आल्सो क्लास मॉनिटर इन द लास्ट ग्रुप। मैडम हमारा ना ऐसे ही चला था कंसेक्यूटिव, पहले वो पास हुई है फिर मैं पास हुई हूं। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम दोनों पहले सेम ग्रुप में थी, फिर अरुज पास हुई, नेक्स्ट ग्रुप में तुम बैच हेड बनी हो, तुम पास हुई। मैडम एक और सिमिलैरिटी भी है, हम दोनों फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हुए थे, वो भी और मैं भी। ओह एक्सीलेंट। सो एनीवन हैज एनी क्वेश्चन प्लीज। हेलो,
यस यस वेरी वेल एक्सप्लेन. मैं तो बड़ी इंप्रेस हुई हूँ. इतना अच्छा मैंने पढ़ाया नहीं था तो मैं जितना तुम करके आई हो. नहीं मैडम आपने बहुत अच्छा पढ़ाया था. आपकी थ्योरी ने बहुत बेसिक्स बनाई है. यू आर वेरी गुड मैम. लेकिन देखो थैंक यू सो मच. इस बात को तो एडमायर करना पड़ेगा कि 11 मिनट में इतने ज्यादा क्वेश्चंस आप तभी लोगे जब आप प्रैक्टिस करोगे बोलने की सुनाने की. और ये काम शुरू होता है लिखने से. फर्स्ट स्टेप है लिखो, जैसे फाइल्स बनाओ अपनी, ठीक है. और दूसरा स्टेप ये है कि अपने स्टडी पार्टनर के साथ प्रैक्टिस करो. फिर थर्ड स्टेप पे आप एग्जामिनर के सामने होते हो. मैंने ये सारे स्टेप भी फॉलो किए थे जो आपने बताए थे, तभी अल्लाह ताला ने करम किया. इंशाल्लाह इंशाल्लाह आगे अल्लाह आपके लिए आगे भी आसानियां पैदा करे. अगर किसी का कोई क्वेश्चन है मैं अपार्ट फ्रॉम 9th नवंबर, तो सॉरी 7th नवंबर, कोई भी आपको लगता है डिफिकल्टी थी आपके पूरे एग्जाम में, तो आई एम ऑल यूर्स. यू कैन आस्क एनीथिंग जी ऑडियंस. एनी क्वेश्चन मैं आपको पेपर दिखा देती हूँ आपके. अच्छा दूसरी बात ये कि जो हमारा सेशन है ना, इसका सेकंड हाफ जो है ना ब्रेक के बाद होगा. आपको सॉलिड 1 आवर की ब्रेक होगी. इसके बाद डॉक्टर महविश और डॉक्टर हुमा आपको बताएंगी अपने केसेस, वो भी रिसेंट एग्जामिनर ने पास किया है, तो फर्दर केसेस आप जो रह गए हैं वो बता देंगे, ठीक है. तो यस तो ये आपके पेपर्स हैं. इसमें से कोई क्यूरी हो मुझे बता दें. अच्छा वैसे अरुज इसमें ये भी पूछ लेते हैं, हाउ यू विल रिड्यूस हेमरेज ड्यूरिंग हिस्टेरेक्टमी. ये भी एक बड़ा स्ट्रांग है, पूछते हैं. जी 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 मैडम ये भी पूछते हैं. जी तो जी ऑडियंस ब्रेक चाहिए या अभी कुछ आपने डिस्कस करना है. ये आपके 7th नवंबर के केसेस हैं और ये भी 7th नवंबर के केसेस हैं, 8th नवंबर के केसेस हैं, 8th नवंबर के केसेस हैं और 9th नवंबर के केसेस हैं. अच्छा मैंने पास केसेस की बड़ी स्टोरियां सुनी हैं. आई थिंक एक ग्रुप है FCPS कंसल्टेंट का, डॉक्टर अरशद राशिद लतीफ ने बनाया हुआ है. बहुत अच्छा ग्रुप है, उसमें बड़ी हेल्प होती है. उसमें बच्चे डिस्कस कर रहे होते हैं कि उन्होंने कैसे पास किया. उसमें आपने ना ब्लाइंडली उनको फॉलो नहीं करना जो पास हो गए हैं. बिलीव मी वो पास हो गए हैं. 60% से पास हो जाता है बंदा. तो मैं सुन रही थी बहुत ज्यादा इशूज थे वैसे, लेकिन पास फिर भी हुए हैं वो. तो आपने ब्लाइंडली नहीं किसी को फॉलो करना, आपने अपनी थियरी अच्छी रखनी है, ठीक है. 100% तो कोई भी स्कोर नहीं करता ना, इसका मतलब है गलतियां उनसे भी होंगी. तो आपने बिल्कुल ही यू नो किसी के पीछे नहीं लगना. फर्स्ट स्टेप इज दैट मेक योर थ्योरी स्ट्रॉन्ग एंड देन प्रैक्टिस मैक्सिमम. और क्लिनिकल केसेस तो आप हम पे छोड़ दें, ठीक है. चलें तो शुड वी टेक ब्रेक. मेरे ख्याल कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है. अच्छा मॉड्यूल वाइज मॉक असेसमेंट आपके चलेंगे फर्स्ट ऑफ लाइक दिसंबर से, ठीक है. पूरे का पूरा मॉड्यूल एक डेडिकेटेड मेंटर आपको पढ़ाएगा, ठीक है. और उसकी डेडिकेटेड थ्योरी मैं आपको कवर कराऊंगी. और जबकि आपके साथ इतने ज्यादा जो हैं वो कोर्स में यू नो आपके हेल्पर हैं, तो इस तरह आपको ना इंडिविजुअल जो है वो मिलेगी गाइडेंस. और फिर हम छोटे छोटे बैचेस बना देंगे. लाइक डॉक्टर अरुज हैं, 10 स्टूडेंट्स को वो डायरेक्टली मॉनिटर करेंगी. डॉक्टर अरुज ने भी 10 स्टूडेंट्स को डायरेक्टली मॉनिटर करेंगी. डॉक्टर तैयबा डायरेक्टली मॉनिटर करेंगी. डॉक्टर हिना शायदा डायरेक्टली मॉनिटर करेंगी. तो यूजली मेरे कोर्सेज में 100+ बच्चे होते हैं. तो लेट सपोज इफ यू वी आर 10 टीचर्स इन वन कोर्स, तो 10 पे एक टीचर होगी. तो वो उनके साथ 1-to-1 रहेगी. एक एक कैंडिडेट से यू नो रिकॉर्डिंग सुनी जाएंगी, उनकी करेक्शन होगी. क्योंकि मसला पता क्या होता है प्रैक्टिस का होता है, स्टडी पार्टनर मिलता नहीं है यूजली. तो फिर आपको एक डेडिकेटेड स्टडी पार्टनर मिल जाएगा. तो इन दैट सेंस ये जो मॉड्यूल वाइज असेसमेंट है फॉर FCPS रिपीटर्स, ये बहुत अच्छी जाएगी कि आपको एक यू नो 24/7 का एक यू नो पर्सनल मेंटर आपको मिल रहा है. आपकी थीरी बहुत अच्छी नाइस क्रिस्प एंड क्लिनिकल वे में कवर हो रही है.
और सिलेबस कंपाइलेशन हो रही है, जो स्टूडेंट्स पास हो चुके हैं उनके केसेस कैसे थे वो अब सुन सकते हैं, 100+ केसेस हैं मेरे पास। और इसके अलावा लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये जो भी केस डिस्कस होंगे जितने भी FCPS अगस्त के और नवंबर के या जुलाई के थे, दे विल बी अवेलेबल इन प्रिंटेबल फॉर्म। मतलब जरूरत ही नहीं है किसी की बुक लेने की और पीछे बैठने की, डाउनलोड करें, प्रिंट कराएं, आइडियल वे पढ़ें उसका, और जो फिर ऑन गोइंग डिस्कशन होगी क्लास में, कोर्स में, विद वेरियस अदर सिनेरियोज, वो आप साथ के साथ लिखें। तो आपकी जो आधी फाइल्स है ना वो हम बना देंगे, आधी आपने बनानी है, ठीक है? ओके, अगर आपने ज्वाइन करना है हमें तो वी विल स्टार्ट दिस एक्टिविटी फ्रॉम 1st of December, और ये हमारा नंबर है 0301484-3695, मैडोमी लर्निंग। चलें तो आफ्टर ब्रेक डॉक्टर महविश सफदर एंड डॉक्टर हुमा विल टेल यू। लिंक जो है मैं सेपरेट शेयर करूंगी, दिस लिंक विल नॉट वर्क।